ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। We have to get this stop. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कॉल टाइगर। भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत और पागलपन हद से ज्यादा। इस मिशन में तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। प्लीज यहां किसी को मार मत देना। उसका काम करने का अपना तरीका है। That was a stupid mistake. The mission is over. बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। I love it. पर कैटरीना गाए गाना, कैसा होगा ऑडियंस का रिएक्शन कैटरीना को गाता देख? क्या कैटरीना करेंगे इस बार डबल कमाई? सलमान से आगे निकल जाएंगी कैटरीना? जी हाँ, सही सुना आपने, हम सब की फेवरेट और बी टाउन की न्यूली मैरिड हॉट एक्ट्रेस कैटरीना गाने वाली है गाना। दरअसल हमारे सलमान भाई और कैटरीना की आने वाली मूवी टाइगर 3 के हर तरफ चर्चे चल रहे हैं, जिनके हिसाब से सुनने में आया है कि मूवी की मेन लीड में देखने वाली है एक्ट्रेस कैटरीना, अब शायद मूवी में गाना भी गाते हुए नजर आ सकती है। अब अगर सच में ऐसा हो तो कैट के फैंस तैयार हो जाइए उनको इस नए अवतार में देखने के लिए, जहां वो एक्टिंग के साथ सिंगिंग करती भी नजर आएंगी, जिससे कि ये भी साफ होता है कि शायद इस बार कैट की फुल फी होगी नॉर्मल से ऑलमोस्ट डबल। इस न्यूज से रिलेटेड लोगों के अजम्पशंस कुछ ऐसे भी हैं, क्योंकि गाना कैट गाएंगी तो हो सकता है कि वो सॉन्ग मोस्टली रोमांटिक ही हो, क्योंकि शायद उनकी आवाज़ पर वो ज़्यादा अच्छे से सूट करेगा बजाय किसी तड़कते भड़कते सॉन्ग से। आपको बता दें कि सॉन्ग अगर हुआ कैटरीना की आवाज़ में रिलीज तो ये होगा उनका सिंगिंग वर्ल्ड का डेब्यू, जो कि देखने लायक होगा। वहीं दूसरी ओर जब से ये लोगों में ये खबर मालूम चली है, तब से कुछ दर्शकों का ये कहना भी है कि ऐसा लगता है कि इस बार कैटरीना अपने टैलेंट्स दिखाकर मार ले जाएंगे सलमान से ज़्यादा मोटी फीस, यानी कि कैटरीना की होगी इस बार सलमान से ज़्यादा कमाई, जो कि ऑब्वियसली बी टाउन में काफ़ी रेयर हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो लाजमी सी बात है कि अगर हमारी शीला एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग भी करती नजर आएंगी तो फीस भी डबल चार्ज करेंगी, लेकिन वहीं हमारे सलमान भाई हमेशा की तरह बस अपना टशन दिखा कर ले जाएंगे 60 से 70 करोड़। तो क्या इस बार भी फीमेल और मेल एक्टर की फीस में होगा डिस्क्रिमिनेशन या कैटरीना को मिलेगी उनकी टैलेंट की कमाई? अगर कैट का गाना सही हुआ रिलीज तो फैंस तो फॉर श्योर खुशी से पागल हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उसे हिट करा कर ही मानेंगे। और इस बार उनके साथ होगी उनके हस्बैंड विक्की कौशल की भी फैन फॉलोइंग, जो कि लगाएंगे इस मजे में और भी तड़का। अब कैट जो भी करेंगी हमें यकीन है कि बखूबी करेंगी, और जो भी होगा मूवी पर्दे पर आने के बाद देखा ही जाएगा, और फिर देखना होगा फैंस और क्रिटिसिज्म का खेल। तब तक के लिए हम बस ले सकते हैं अपडेट्स का सहारा और कर सकते हैं इस आने वाले सीक्वल का बेसब्री से वेट। तो इसी के साथ हम आज की बॉलीवुड स्टूडियोज की ये वीडियो यहीं करते हैं एंड, और आशा करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट एंटरटेनिंग एंड सैटिस्फाइंग लगा होगा। टाइगर तुम्हारी तरह के लिए क्या देख सकते हैं सल्लू भाई के दो रोल, किन दो कैरेक्टर्स में से धमाल मचाने वाले हैं सलमान? इस बार एक नहीं बल्कि दो दो नजर आने वाले हैं सलमान। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं टाइगर की सीरीज के आने वाली सीक्वल टाइगर 3 के बारे में, जहाँ फिल्म के अपडेट्स हमें ये कह रहे हैं कि इस फिल्म में सलमान के दो अवतार नजर आ सकते हैं फिल्म में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म के मेन लीड रोल्स में टाइगर और जोया यानी कि सलमान खान और कैटरीना कैफ नजर आने वाले हैं, और इस फिल्म में एक्शन, लव स्टोरी और ड्रामा के साथ साथ कई चीजें भी दिखाई जाने वाली। लेकिन फिल्म में ये दूसरा आने वाला कैरेक्टर क्या और कैसा हाइप क्रिएट करने वाला है, ये तो बात देखने वाली है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक दूसरा कैरेक्टर जोया की लव स्टोरी पर डिपेंड करने वाला है, या तो एक दूसरा कैरेक्टर लाने वाला है एक विलन के किरदार में। अब इसमें से कितना सच है और कितना गलत, ये तो आने वाले दिनों में रिवील हो ही जाएगा। चलिए अब बात करते हैं टाइगर 3 फिल्म के डायरेक्टर मनीष शर्मा की, जिन्होंने हाल ही में हुए इंटरव्यू में ये जाहिर किया कि वो उनकी फिल्म टाइगर 3 को एक नया बेंचमार्क बनाना चाहते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये दर्शकों की टाइगर 3 के लिए इंतजार बेकार नहीं जाने वाला। अब शायद वो ये बात कर रहे हैं
टाइगर 3 में सलमान खान के डबल रोल के बारे में या तो हो सकता है एक नया बड़ा ट्विस्ट। शायद आपको ये खबर नहीं पता होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि सलमान खान की टाइगर 3 फिल्म सेकंड फिल्म होगी जिसमें वो डबल रोल का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी प्रेम रतन धन पायो फिल्म में डबल रोल्स किए थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर इस बार फिर पिछली बार की तरह प्रेम रतन धन पायो में सलमान खान के डबल रोल्स को उतना प्यार नहीं मिल पाया टाइगर 3 के डबल रोल्स को, तो क्या मनीष शर्मा के बेंचमार्क का सेट हो पाएगा पूरा? खैर, अब फिल्म चाहे हमें रुला कर जाए या हंसा कर, हमारा और आपका एंटरटेनमेंट तो तय ही है। बस अब इंतजार है फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट का। ऐसे ही लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स हम आप तक जल्दी ही पहुंचाएंगे। आपके इस मूवी के ऊपर क्या व्यूज है ये हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। एक्सपेक्ट कर सकते हैं फैंस यशराज फिल्म से आगे, क्या टाइगर जैसी फ्रेंचाइजी से यशराज फिल्म को मिल रहा है बड़ा फायदा? कौन लेकर आएगा एक्शन फिल्मों का दौर? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बन रही टाइगर 3, जिसका काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, इसकी रिलीजिंग डेट 21 अप्रैल 2023 बताई गई है। सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर, ये फिल्म टाइगर फ्रेंचाइजी का थर्ड पार्ट होने वाला है। मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों में से होने वाली है, साथ ही टाइगर 3 एक हाई बजट की फिल्म भी बताई जा रही है। इस बार इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने एक और सुपरस्टार आ रहे हैं, जिनका नाम है इमरान हाशमी। इमरान यह एक खलनायक के रूप में दिखाई देने वाले हैं और पहली बार सलमान के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आखिर किस प्रोडक्शन हाउस के अंदर इस फिल्म को बनाया गया है और आगे लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस प्रोडक्शन हाउस से। अगर आपको फिल्म देखना पसंद है, एक बार तो आपने यशराज फिल्म का नाम सुना जरूर होगा। यशराज एक बहुत बड़ी और पुरानी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है, जिसके बैनर तले कई बड़ी फिल्में बनी हैं। यशराज की इस प्रोडक्शन कंपनी में हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म 1995 में आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 1997 में आई दिल तो पागल है, जिसने पुरानी फिल्मों के साथ अब की रिलीज वॉर सुल्तान जैसी कई फिल्में हैं। लेकिन तब से अब तक कई चीजों में बदलाव देखने को मिला है। कंपनी का टेस्ट पूरी तरह से बदल चुका है। जब पहले की फिल्में फैमिली बेस्ड और कपल बेस्ड होती थी, अब पूरी तरह से एक्शन थ्रिलर में बदल गया है। हालांकि कंपनी हर तरह की फिल्में देती है, लेकिन अब उनका मेन मकसद पब्लिक को एक्शन फिल्मों की तरफ खींचना है, जिसके लिए उन्होंने अलग से तैयारी भी कर ली है। आपको बता दें, यशराज ने अपना एक स्पाई यूनिवर्स बना लिया है, जिसमें बस एक्शन ही एक्शन देखने को मिलने वाला है। इस पर काम काफी पहले ही शुरू हो गया है। ये एक्शन करने वाले कोई छोटे मोटे कलाकार नहीं, बल्कि हमारे बॉलीवुड के मोस्ट वॉन्टेड हीरोज हैं, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ जैसे नाम हैं, जिन्हें एक्शन का मास्टर कहा जाता है। वहीं इस स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत एक था टाइगर से हुई थी, जो कि अब टाइगर 3 तक पहुंच चुकी है। इस यूनिवर्स में आने वाली फिल्में पठान, वॉर 2 भी होने वाली है। स्पाई यूनिवर्स से आगे देखे तो यशराज एक्शन से अलग सोशल कॉमेडी ड्रामा और पारिवारिक फिल्में भी ला रहा है, जिसमें जैश भाई जॉर्डन और द ग्रेट इंडिया फैमिली जैसी फिल्में भी हैं। इसे देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि यशराज केवल एक्शन फिल्में ही ला रहा है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि कंपनी का मेन फोकस एक्शन फिल्में ही है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि मेकर सबसे ज्यादा पैसा इसी में लगा रहे हैं। टाइगर 3 की बात करें तो इस फिल्म में अब तक सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया है। पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट 225 करोड़ से ऊपर जाने वाला है। मेकर्स इतना पैसा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पब्लिक का रिस्पांस कैसा मिलने वाला है। वहीं पिछली कुछ फिल्मों से भी अब उन्हें अंदाजा भी हो गया है। ये सब देखते हुए तो ये भी लग रहा है क्योंकि हमारी अब की जनता ज्यादा एक्शन मूवीज देखना चाह रही है, इसलिए मेकर्स भी उनके लिए ज्यादा एक्शन फिल्में ला रहे हैं, जिससे टीम को भी फायदा मिल रहा है और पब्लिक भी एंटरटेन हो रही है। आगे भी अगर पब्लिक का यही रिस्पांस रहा तो आगे का दौर भी एक्शन फिल्मों से भरा होने वाला है। अभी तक तो हम यशराज की बात कर रहे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन भी जल्द ही एक्शन फिल्मों की तरफ अपना रुख लेने वाली है। जहां धर्मा प्रोडक्शन को कुछ कुछ होता है जैसी फैमिली ड्रामा फिल्म और स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी रोमांटिक फिल्मों के लिए जाना जा रहा था, वहीं अब धर्मा प्रोडक्शन अपनी फिल्में रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स के साथ मिलकर यशराज को पूरी टक्कर दे रही है। यहां भी हमारी पब्लिक ज्यादा एक्शन फिल्में देखना पसंद कर रही है। धर्मा प्रोडक्शन की 2018 में आई सिम्बा और 2021 में आई सूर्यवंशी इस बात को साफ कर रही है कि धर्मा प्रोडक्शन भी एक्शन फिल्मों के दौर लेने में यशराज की बराबरी कर रहा है। हालांकि करण जौहर अभी भी रोमांटिक ड्रामा फिल्में जैसे गहराइयां और बायोपिक ड्रामा गुंजन सक्सेना, सारांश बनाने में लगे हुए हैं।
के सपोर्ट में हुआ बवाल, किस चीज को लेकर भड़क रहे हैं इमरान की फैंस, कहां से कहां आ पहुंचे सलमान और कैटरीना। हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मशहूर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइजी की थर्ड इंस्टॉलमेंट टाइगर 3 जल्द आ रही है हमारे बीच। मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म अगले साल 21 अप्रैल 2023 को रिलीज हो रही है। पिछले दो पार्ट्स की तरह इस बार भी सलमान खान और कैटरीना कैफ इसमें साथ नजर आने वाले हैं। फ्रेंचाइजी का ये पार्ट भी फुल ऑफ एक्शन और थ्रिलर से भरा होगा। वहीं इस बार कई नए एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने को मिलेंगे। टाइगर 3 साल की वन ऑफ द हाईएस्ट बजट फिल्म बताई जा रही है, जिसमें केवल विलन की एंट्री में ही 10 करोड़ रुपए लग गए हैं। क्या आप जानते हैं इस बार हमें विलन के रूप में कौन दिखाई देने वाला है? इस बार मेकर्स इंडस्ट्री के ही किसी जाने माने चेहरे को एक नए रूप में दिखाने वाले हैं, बॉलीवुड के सीरियल किलर इमरान खान, जिन्हें अभी तक बस रोमांटिक फिल्मों के लिए ही जाना जाता था। अब वो पहली बार खलनायक के रूप में दिखाई देने वाले हैं। इमरान को ये फिल्म ऑफर होते ही एक्टर ने सलमान को टक्कर देने के लिए अपनी बॉडी पर काम करना शुरू कर दिया था। वही क्या आपको पता है इमरान हाशमी के फैंस इन दिनों टाइगर 3 को लेकर क्या नाराजगी दिखा रहे हैं? दरअसल कुछ टाइम पहले आई टाइगर 3 की डेट अनाउंसमेंट वीडियो के आने के बाद जहां सलमान और टाइगर के फैंस तो खुश नजर आए, लेकिन इमरान के फैंस ये वीडियो देख नाराज हुए। नाराज इसलिए हुए क्योंकि उन्हें पता था कि इमरान भी इस मूवी में लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में उनकी झलक न मिलने पर फैंस काफी दुखी दिखाई दिए। हालांकि मेकर्स ने शायद उनकी झलक इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि इमरान टाइगर 3 के लिए एक नया फेस है और वो इसे अभी भी सस्पेंस बनाकर रखना चाहते हैं। इमरान का लुक इतनी आसानी से रिवील नहीं करना चाहते हैं। आखिर उनकी एंट्री में ही 10 करोड़ रुपए जो लगे हैं। इमरान सलमान और कैटरीना के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करने वाले हैं, लेकिन क्या आपको पता है सलमान और कैटरीना कितने लंबे टाइम से साथ में काम कर रहे हैं? हम आपको उनकी शुरुआती फिल्मों के बारे में बताते हैं। इन दोनों की जोड़ी सबसे पहले 2005 में मैंने प्यार क्यों किया में नजर आई थी। वहीं इसमें सुष्मिता सेन भी दिखाई दी थी। यहीं से सलमान और कैटरीना की जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आई कि आगे भी दोनों ने कई सारी मूवीज साथ में बनाई। आगे चलकर पार्टनर, युवराज जैसी फिल्में, फिर एक गैप के बाद एक था टाइगर और फिर टाइगर जिंदा है जैसी सुपरहिट फिल्मों में दोनों ने अपना कमाल दिखाया। मूवी के साथ साथ इनके गाने भी खूब पसंद किए गए और अब दोनों फिर से लंबे गैप के बाद साथ में दिखाई देने वाले हैं। टाइगर 3 को यश राज प्रोड्यूस कर रहे हैं और वहीं इस मूवी में शाहरुख खान भी कैमियो करते दिखाई देंगे। शाहरुख खान की आने वाली मूवी पठान, जो कि 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली है, इसमें टाइगर 3 से सलमान कैमियो करेंगे। वहीं जहां से पठान का एंड होगा वहीं से टाइगर 3 की शुरुआत होगी। क्या हो गया है सलमान के फैंस का इंतजार पूरा? टाइगर 3 पर क्या रहा पब्लिक का रिएक्शन? किस लुक में नजर आई कैटरीना? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो फाइनली अब आपका इंतजार खत्म होता है। सलमान ने अपने फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। टाइगर फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म टाइगर 3 जल्द ही आप थिएटर्स में देख पाएंगे। कैटरीना और सलमान ने एक अलग स्टाइल में रिलीजिंग डेट की अनाउंसमेंट की। टाइगर 3 ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को रिलीज होगी। टाइगर फ्रेंचाइजी की जोया और टाइगर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर कर इस फाइनल डेट का खुलासा किया है। वीडियो में कैटरीना कुछ लड़कों से फाइटिंग सीक्वेंस करती नजर आ रही है। उनके हाथ में चाकू भी नजर आ रहा है। वही साइड में सलमान खान भी लेटे हुए। सलमान ने अपना फेस छुपा रखा है। कैटरीना कुछ देर फाइट करने के बाद सलमान को जाकर उठाती है और बोलती है, योर टर्न, रेडी। इस पर सलमान अपने अंदाज में बोलते हैं, टाइगर ऑलवेज रेडी। और फिर कुछ ग्राफिक्स के बाद टाइगर 3 की रिलीजिंग डेट सबके सामने आ जाती है। मूवी से जुड़ी इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद हर तरफ बस यही वीडियो दिखाई दे रही है। फैंस इस खुशखबरी का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वहीं इस वीडियो में कैटरीना और सलमान को साथ देख दोनों के फैंस की खुशी देखने लायक थी। फैंस ने अपनी खुशी वीडियो में कमेंट्स करके दिखाई और टाइगर की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। सलमान ने अपनी वीडियो के कैप्शन में लिखा, हम सब अपना अपना ख्याल रखें। टाइगर 3 ईद पर आ रही है हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में आपके नजदीकी थिएटर्स में। वहीं कैटरीना भी अपने वीडियो में कैप्शन लिखते हुए बोलती हैं, टाइगर एंड जोया वापस आ गए आपके नजदीकी सिनेमास में 2023 की ईद पर। वीडियो में कैटरीना का एक्शन गर्ल वाला लुक भी टाइगर 3 के ब्लॉकबस्टर होने का संकेत देता है। यहाँ कैटरीना ब्लैक कलर की ड्रेस में पसीने से तर बतर होकर खतरनाक स्टंट्स कर रही हैं। ये तो बस छोटी सी वीडियो शेयर की गई है जिसमें उनका स्वैग काफी अच्छा दिखाया गया है। वहीं पूरी मूवी जब हमारे बीच होगी तो उसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। उम्मीद कर रहे हैं कैटरीना शादी के बाद बिल्कुल भी नहीं बदली होंगी। एक्ट्रेस अपने लुक्स और एक्शन को लेकर आगे तो बड़ी होंगी, लेकिन कमी शायद कुछ देखने को मिलने वाली है। मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बन रही टाइगर 3 पर लोगों की लंबे टाइम से नजर थी। अब जैसे ही सलमान और कैटरीना ने वीडियो डाली है, इस पर लोगों ने भर भर कर अपना रिएक्शन दिया है। किसी ने टीम को विशेष दी है तो किसी ने मूवी के नाम को लेकर कुछ बदलाव करने के लिए कहा। कोई कैटरीना के लुक्स की तारीफ करता है तो कोई सलमान की एक्टिंग की। चलिए एक नजर इस पर हम डाल ही लेते हैं। कैटरीना के फॉलोअर्स की बात करें तो उनका फैंस उन्हें एक्शन क्वीन कह रहे हैं।
एक यूजर लिखते हैं, इस टीजर ने काफी रोंगटे खड़े कर दिए, क्या होगा जब हम पूरी फिल्म को बड़े पर्दे पर देखेंगे। वहीं एक और यूजर लिखती है, मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ लेकिन 2023 बहुत दूर है। वहीं सलमान के फैंस ने कहा, एक बार फिर ईद होगी सलमान की, बिगेस्ट मेगा स्टार इज बैक। एक यूजर अलग ही अंदाज में लिखते हैं, अनाउंसमेंट तो सब करते हैं लेकिन टाइगर जैसी अनाउंसमेंट कोई नहीं करता। वहीं एक ने मूवी के नाम को लेकर कहा, नेम भी अनाउंस कर देते, टाइगर नाम अच्छा नहीं है। ये कुछ रिएक्शंस मूवी के इस छोटे से ट्रेलर से था, बाकी असली रिएक्शन तो टाइगर 3 के रिलीज होने के बाद ही मिलेगा। इस मूवी में सलमान और कैटरीना के अलावा इमरान हाशमी भी लीड रोल में दिखाई देंगे। मूवी में इमरान खलनायक है और एक पाकिस्तानी ISI के एजेंट है। मेकर्स इमरान की एंट्री कुछ अलग अंदाज में करना चाहते हैं और इस फ्रेंचाइजी में एक नया चेहरा ऐड करना चाहते हैं। गाइस, बार आइटम नंबर करते हुए कैटरीना पड़ेंगी सलमान पर भारी और किसकी होगी मूवी में सरप्राइज एंट्री। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। दरअसल इस अपकमिंग सीक्वल यानी कि टाइगर 3 पर काम ऑलरेडी चल रहा है और सल्लू भाई ने इसकी रिलीज डेट 21 अप्रैल 2023 भी बता दी है। दोस्तों, अब जैसा कि आपको पिछली मूवी से आइडिया तो हो ही गया होगा कि टाइगर 3 में तो ऑब्वियसली कैट और सल्लू भाई की ही जोड़ी तो देखने को मिलेगी ही, लेकिन दोस्तों लेकिन मूवी के अनाउंसमेंट वीडियो देखने के बाद और पिछले पार्ट्स में भी कैट और सलमान को ऑब्जर्व करने के बाद कुछ लोगों का ये मानना है कि कैटरीना कहीं ना कहीं सलमान से बेहतर है, स्पेशली एक्शन सीन्स में। अब इसकी वजह कहने को तो एज डिफरेंस भी हो सकता है या फिर सिंपली ये भी कहा जा सकता है कि हमारी कैट है ज्यादा टैलेंटेड। अब ये तो आने वाली मूवीज के रिव्यूज ही ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे। तब तक के लिए बस देखना ये है कि कहीं हमारी कैटरीना अपने स्किल्स और टैलेंट की वजह से सलमान पर भारी ना पड़ जाए। ऑल द सलमान के एडमायरर्स ऑब्वियसली अभी भी उनको उतना ही प्यार करते हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं, पर क्या पता मूवी देखने के बाद उन्हें भी इस अनयूजुअल सच का एहसास हो। खैर दोस्तों, रिएक्शन जो भी होगा हमें तो बस एंटरटेनमेंट चाहिए जो आने वाली इस फिल्म में होने वाला है। अब भाई चलते चलते एक और बात बताते चले कि सलमान भाई की मूवी है तो आइटम नंबर तो होना लाजमी है, पर इस आइटम नंबर के लिए दो नाम सुनने में आ रही हैं। एक तो सरप्राइजिंगली सुनाई दे रहा है रश्मिका मंदाना का नाम, जो कि इस वक्त टॉलीवुड की क्वीन कहलाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी पता चल रहा है कि शायद कैटरीना पानी में आग लगाने के बाद टाइगर 3 में भी अपने जलवों से आग लगाएंगी और आइटम नंबर परफॉर्म करती नजर आएंगी। दोनों ही नाम अपने आप में काफी फेमस हैं, अनचाहे जो भी देखने को मिले मूवी में, पर फन और एंटरटेनमेंट तो तय है। तो इसी के साथ आज हम समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। अनाउंसमेंट वीडियो होगा काफी फैंस के अटेंशन के लिए। क्या इमरान प्ले कर पाएंगे डोमिनेटिंग विलन का रोल? हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। पिछले दिनों SRK ने अपनी मूवी का एक प्रमोशनल वीडियो निकाला था जिसके बाद उन्हें जबरदस्त अटेंशन मिली थी और लोगों का ये भी कहना था वो इसलिए कर रहे हैं ताकि सलमान की मूवी से ज्यादा अटेंशन उनकी मूवी को मिले और इस बात से सलमान खान भी उनसे नाराज थे। इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ है हाल ही में रिलीज हुई टाइगर 3 की एक अनाउंसमेंट वीडियो जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ नजर आए और इस मूवी की रिलीज डेट 21 अप्रैल को बताई गई है। अब इसे कोइंसिडेंस कहें या फिर जेलेसी, चिंगारी तो छिड़ गई है दोनों खान के बीच। अब सोचने वाली बात है कि क्या अनाउंसमेंट काफी होगा इस मूवी के अटेंशन के लिए या फिर भाईजान करने वाले हैं कोई और भी धमाका। वहीं ताजा अपडेट्स के अकॉर्डिंग ये सीक्वल शायद टाइगर सीरीज का एंड हो और अगर ये सच है तो ये तो साफ है कि इस आखिरी सीरीज को भाईजान के फैंस यानी कि सलमान खान के फैंस काफी ज्यादा प्यार देने वाले हैं। खैर ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा, पर तब तक हम कर सकते हैं तो वो है सिर्फ इंतजार। वहीं लोगों के मन में डाउट है कि क्या इमरान हाशमी इस फिल्म में डोमिनेटिंग विलन का रोल निभा पाएंगे या नहीं। इमरान को लेकर लोगों के विचार इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा किरदार पहले कभी नहीं निभाया है। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इमरान हाशमी अपने इस कैरेक्टर को कैसे प्ले करते हैं। ये तो मूवी आने के बाद ही हमें पता चल पाएगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आप कमेंट कर जरूर बताएं। को देखकर फैंस हो गए क्रेजी, क्या 90s के करण अर्जुन टाइगर 3 में नजर आएंगे साथ? कैसे दोनों खान्स ने सालों साल साथ में किया इंडस्ट्री पर राज? क्या यशराज अमेज़न प्राइम की चल रही डील में टाइगर 3 होगी शामिल? हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की नई वीडियो में। टाइगर फ्रेंचाइजी की हर फिल्म का सलमान के फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगर फैंस को सलमान के साथ एक और पैकेज मिल रहा है तो वो कितने पागल होंगे। जी हाँ, इस बार सलमान अकेले नहीं बल्कि एक और खान के साथ आ रहे हैं। दरअसल टाइगर 3 में सलमान के साथ शाहरुख खान भी नजर आने वाले हैं, लेकिन शाहरुख खान कैमियो करते दिखाई देंगे।
एक तो फैंस पहले से ही जीरो मूवी के बाद शाहरुख खान को काफी टाइम से स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, वहीं जब दोनों खान्स एक साथ नजर आएंगे तो फैंस का एक्साइटमेंट लेवल कहाँ होगा आप उसका अंदाजा लगा ही सकते हैं। बता दें टाइगर 3 में शाहरुख खान एक रॉ ऑफिसर के किरदार में दिखाई देंगे। आइए अब देखते हैं कि कैसे फैंस ने इन जोड़ी को हिट बनाया और दोनों खानों ने बॉलीवुड पर अपना राज किया। दोनों ने ही करियर की शुरुआत से एक दूसरे की काफी मदद की। वहीं जब कभी भी किसी एक को दूसरे की फिल्म में कैमियो करने का मौका मिलता है तो दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर किन फिल्मों में दोनों ने एक दूसरे के लिए कैमियो किया। इस लिस्ट में सबसे पहले हम बताएंगे 1998 में आई कुछ कुछ होता है कि जिसे यंगस्टर ने काफी ज्यादा प्यार दिया था। इस फिल्म में करण जौहर के लिए एक बड़ी मुसीबत आ गई थी। उन्हें मूवी में कैमियो के लिए एक दोस्त की जरूरत थी, लेकिन उस वक्त उनके किसी भी दोस्त ने उनका साथ नहीं दिया। यहाँ पर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए सलमान खान ने करण और शाहरुख की मदद की और कैमियो के लिए तैयार हो गए। बाद में जब फैंस ने ये मूवी देखी तो उन्हें दोनों ही किरदार काफी पसंद आए। अब जिस तरह सलमान ने शाहरुख की मदद करी, उसी तरह हर दिल जो प्यार करेगा मूवी में शाहरुख उनकी मदद करते हैं। साल 2000 में आई इस फिल्म में सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा लीड रोल में दिखी थी। वहीं शाहरुख खान इस फिल्म में कैमियो करते दिखाई दिए। तीसरे नंबर की बात करते हैं, एक ऐसी मूवी जिसमें दोनों कलाकारों के बीच अनबन होने के बावजूद भी एक ने दूसरे की मदद की। साल 2007 में रिलीज हुई ओम शांति ओम के समय दोनों खान्स के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी पुरानी दोस्ती को निभाते हुए सलमान खान कैमियो करने के लिए तैयार हुए और दोनों साथ में स्टेज पर नाचते नजर आए। वहीं शाहरुख खान की ही एक मूवी जो कुछ समय पहले रिलीज हुई थी जिसका नाम है जीरो, इस फिल्म में भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। 2018 में आई इस मूवी में भी दोनों साथ डांस करते हुए नजर आए। फिल्म जीरो का गाना इशकबाजी में दोनों कलाकारों ने फैंस को खुश कर दिया, हालांकि ये फिल्म हिट नहीं हो पाई। इसके अलावा भी और भी कई सारी फिल्मों में दोनों खान्स ने साथ काम किया है और मूवी को सुपरहिट भी बनाया है। और अब दोनों एक बार फिर अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए टाइगर 3 को ब्लॉकबस्टर बनाने वाले हैं। वहीं उम्मीद की जा रही है कि इस जोड़ी को साथ देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मूवी को देखेंगे और प्यार देंगे। इस फिल्म को मनीष शर्मा डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने इससे पहले बैंड बाजा बारात, शुद्ध देसी रोमांस और लेडीज वर्सेस रिक्की बहल जैसी फिल्में बनाई हैं। वहीं बता दे टाइगर 3 की लीड एक्ट्रेस बॉलीवुड की के ब्यूटी यानी कैटरीना कैफ है। मूवी से जुड़ी एक और बात आपको बताना चाहते हैं। दरअसल कुछ समय पहले यशराज और अमेज़न प्राइम के बीच एक डील हुई थी, जिसके बाद कहा जा रहा था कि इसकी डील में टाइगर 3 भी शामिल है, लेकिन इसे लेकर अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है। वही गाने आते हैं ऑडियंस को पसंद। कौन सा गाना था सलमान खान का फेवरेट? किस अंदाज में आएगा टाइगर 3 का हिट गाना? गाने सुनना तो हर किसी को पसंद है, लेकिन उस गाने को बनाने में कितनी मेहनत लगती है उसका अंदाजा हर किसी को नहीं होता। जी हाँ, एक गाने को बनाने में जितना पैसा लगता है उतनी ही मेहनत भी लगती है। वहीं अगर गाना फ्लॉप हो जाए तो पूरी टीम को एक बड़ा नुकसान हो जाता है। आज हम किसी भी फ्लॉप गाने की बात नहीं करने वाले, बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी मूवी के गाने के बारे में बात करेंगे जिसके गाने ने लोगों की म्यूजिक प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर जगह बनाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइजी की एक ना एक मूवी तो आपने जरूर देखी होगी, और अगर मूवी भी नहीं देखी तो गाने तो जरूर सुने होंगे। एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है दोनों ही मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचाया, वहीं इनके गानों ने भी खूब कमाई की। दोनों ही मूवीज में एक दो गाने ऐसे थे जिन्होंने यूट्यूब पर बड़ी मात्रा में पब्लिक इकट्ठा की थी। आपको बता दें कि दोनों ही फिल्मों में एक रोमांटिक और एक डांसिंग सॉन्ग हिट रहा था, और यहीं से हमें पब्लिक की अलग अलग चॉइसेस का भी पता चलता है। साल 2000 में आई एक था टाइगर के अगर दो सुपरहिट गानों को कंपेयर किया जाए तो इसमें हम लेंगे माशाल्लाह सॉन्ग जो कि एक डांस सॉन्ग है, तो वहीं दूसरी ओर सैयारा जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है। इन दोनों ही गानों को खूब व्यूज मिले और इन दोनों गानों को देखते हुए हमारी जनता ने रोमांटिक सॉन्ग यानी सैयारा को ज्यादा पसंद किया, जिससे हमें लगा है कि पब्लिक को ज्यादा रोमांटिक दुनिया में जीना पसंद है। वहीं जब हमने टाइगर जिंदा है के हिट गानों को देखा तो यहाँ कुछ अलग ही मामला था। यहाँ तो डांस वाले गाने ने रिकॉर्ड बना डाला। साल 2017 में आई टाइगर जिंदा है का पहला गाना स्वैग से स्वागत ने इस तरह रिकॉर्ड बनाया कि ये कुछ ही घंटों में सबसे ज्यादा व्यूज लेने वाला गाना बन गया। वहीं इसी मूवी का एक और सॉन्ग था जो था दिल दिया गल्ला, हालांकि लोगों ने इसे भी काफी प्यार दिया लेकिन ये स्वैग से स्वागत का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है ने तो सबका दिल जीत लिया,
और वहीं इस फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी भी कुछ ही समय बाद यानी 2022 तक आप लोगों के बीच में होगी। टाइगर 3 से जुड़ी कुछ बातें हमें मिलती हैं और उसमें से ये सामने आया है कि टाइगर 3 में एक गाना होगा जो कि इस साल का सबसे महंगा गाना होगा। हमें पता चला है कि सलमान और कैटरीना साथ में टाइगर 3 के लिए एक रोमांटिक सॉन्ग बना रहे हैं। इस गाने की शूटिंग टर्की में हुई है और ये अब तक का सबसे महंगा रोमांटिक सॉन्ग होने वाला है। इस गाने के लिए कहा जा रहा है कि ये गाना स्वैग से स्वागत से भी हिट होने वाला है और इसे टाइगर 3 के एंड में दिखाया जाएगा। अब ये तो गाने के आने के बाद ही पता चलेगा कि कितना हिट और कितना फ्लॉप होगा। आपको क्या लगता है, क्या टाइगर 3 के गाने तोड़ पाएंगे पहले दो मूवीज के गानों के रिकॉर्ड्स? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। है जोया टाइगर की मोस्ट लव्ड वीडियो, क्या है टाइगर 3 की दिल्ली शूटिंग लोकेशंस? नमस्कार, मूवीज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का पिटारा बॉलीगैट स्टूडियोज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जल्द ही बॉलीवुड के मोस्ट फेमस रियल लाइफ कपल सलमान खान और कैटरीना कैफ की अमेजिंग जोड़ी एक बार फिर टाइगर जिंदा है 3 में देखने को मिलेगी, जिसकी शूटिंग पूरी भी हो चुकी है और उस फिल्म का लास्ट शेड्यूल न्यू दिल्ली में शूट किया गया। और जैसा कि आप जानते हैं, जहां ये दोनों एक्टर होंगे वहां खूब सारी मस्ती भी होनी ही है। और इसी मस्ती का अमेजिंग वीडियो फिल्म के प्रोड्यूसर यशराज फिल्म स्टूडियोज ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया। पोस्ट होते ही इस पिक्चर को हजारों लाइक्स मिल गए। क्या आपने इस वीडियो को देखा? नहीं देखा तो जरूर देखें। ये वीडियो टाइगर और जोया की फिल्म एक थे टाइगर के माशाल्लाह सॉन्ग की शूटिंग के दौरान का है, जिसमें सलमान और कैटरीना डांस करते दिख रहे हैं। डांस के बीच कैटरीना को हंसी आ जाती है और वो हंसते हंसते डांस स्टेप करती है, तब सलमान भी हंस पड़ते हैं और डांस छोड़ के बोलते हैं आउटस्टैंडिंग शीज, और वो जोया का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस पर जोया उनका गला पकड़ लेती है। अब ये काम कैटरीना के अलावा कोई और कर भी नहीं सकता है, वो फेवरेट जो है भाईजान की। ये वीडियो अभी इसलिए शेयर किया गया है क्योंकि जल्द ही टाइगर 3 रिलीज होने वाली है, तो फिल्म के प्रमोशन का काम अभी से ही स्टार्ट हो गया है। इस फिल्म की शूटिंग की बात करें तो इंडिया के अलावा UAE, रशिया और टर्की में भी की गई है। इस फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें फिल्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन्स को शूट किया गया है। इन इंपॉर्टेंट सीन्स को मुंबई और दिल्ली में शूट किया गया है। मुंबई में फिल्म की शूटिंग यशराज स्टूडियोज के सेट पर हुई, वहीं दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, साउथ और नॉर्थ ब्लॉक सेक्रेटेरिएट जैसी लोकेशंस पर की गई। दिल्ली में टाइगर सीरीज की पिछली मूवीज एक थे टाइगर और टाइगर जिंदा है की शूटिंग भी की जा चुकी है और मोस्टली ये शूटिंग राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक सेक्रेटेरिएट में ही की जाती है। और आने वाली फिल्म में भी हमें ये कॉमन प्लेसेस जरूर देखने को मिलेंगी। दिल्ली में इस फिल्म की शूटिंग 12 फरवरी को स्टार्ट हुई थी और अब ये खत्म हो चुकी है। अब बस इंतजार है तो इस पिक्चर के रिलीज का। टाइगर 3 को मनीष शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं और मूवी के प्रोड्यूसर होंगे यशराज स्टूडियोज। ये फिल्म हिंदी और इंग्लिश के अलावा कई रीजनल लैंग्वेजेस में भी रिलीज की जाएगी और ये बॉलीवुड की बिगेस्ट बजट फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम करने वाली है। मूवी की लीड कास्ट में सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी शामिल हैं और साथ ही रणवीर शौरी और विशाल जेठवा भी सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में आपको कैमियो भी देखने को मिलने वाला है। मूवी की रिलीज डेट की बात करें तो शायद ये दिसंबर में रिलीज होगी। अब इंतजार है तो इस पिक्चर के रिलीज का। चलिए अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने ये वायरल वीडियो देखा कि नहीं और आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। था असली टाइगर, क्या नोरा करेगी टाइगर 3 में आइटम सॉन्ग? क्यों हर बार इनकार कर रहे हैं इमरान? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। बॉलीवुड में आजकल बहुत इंडियन स्पाई फिल्में बन रही हैं। हाल ही में 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर, जिसमें सलमान खान इंडियन स्पाई के किरदार में दिखे। फिल्म में उनका असली नाम अविनाश सिंह राठौर होता है और उनका कोड नेम टाइगर, जिससे उन्हें जाना जाता है। फिल्म की कहानी काल्पनिक है पर उनके किरदार का नाम और उनके जैसा काम करने वाला रियल लाइफ हीरो रविंद्र कौशिक, जिनका कोड नेम ब्लैक टाइगर था, रॉ के एक ऐसे स्पाई एजेंट जो पाकिस्तान में कई सालों तक रहे और पाकिस्तान की आर्मी में भी शामिल होने में कामयाब हो गए थे। उन्होंने देश को पाकिस्तान के काफी हमलों से बचाया और दुश्मनों के घर में रहते दुश्मनों को हराया, पर एक मिशन के दौरान उनको पकड़ लिया गया और पाकिस्तान की सेंट्रल जेल मेन वाली में बंद रखा और उन्होंने वहीं अपनी आखिरी सांसें ली। ऐसे ही बहादुर और देश प्रेमी का किरदार पर्दे पर बॉलीवुड के भाईजान निभाते हुए नजर आ चुके हैं अपने पिछले दो पार्ट्स में, और इस बार फिर वो एक नए मिशन को लेकर आ रहे हैं नए टाइगर के अंदाज के साथ। आजकल हर फिल्म और एल्बम सॉन्ग में अपना जलवा बिखेरती हुई नजर आ रही है नूरा फतेही, जिन्होंने गर्मी और साकी साकी जैसे आइटम सॉन्ग को सुपरहिट बना दिया अपनी परफॉर्मेंस से, और अब वो हमारे बजरंगी भाईजान के साथ टाइगर 3 फिल्म के एक आइटम सॉन्ग में भी दिखेंगी।
टाइगर 3 के पिछले दोनों पार्ट में एक आइटम सॉन्ग हमें देखने को मिल चुका है। एक था टाइगर में माशाल्लाह गाने में बैली डांस करती कैटरीना कैफ, या टाइगर जिंदा है में स्वैग से स्वागत करते सलमान और कैटरीना कैफ। दोनों ही फिल्मों के आइटम सॉन्ग को लोगों ने बहुत पसंद किया था। पर अब टाइगर 3 में अपना जलवा दिखाती नजर आएंगी नूरा। टाइगर 3 की घोषणा के बाद सबको कुछ नया देखने की उम्मीद थी। सलमान और कैटरीना का जलवा हम बाकी के दोनों पार्ट में देख चुके हैं, पर फिल्म में अब तक कोई ऐसा विलन नहीं देखने को मिला जो फिल्म में अपना नाम एक खलनायक विलन में जोड़ सका हो। पर टाइगर 3 में इमरान हाशमी के होने की जब खबर सामने आई तो सबको लगा कि कुछ नया जो अभी तक लोगों को टाइगर फ्रेंचाइजी में नहीं देखने को मिला वो मिलेगा। पर हर बार इमरान अपना फिल्म में ना होने का बयान देते रहते हैं। हाल ही में टाइगर 3 के सेट से आई इमरान की एक फोटो भी वायरल हो रही थी, जिसके बाद ट्विटर पर उनका नाम भी ट्रेंड होता दिखा। अब इससे ये साबित हो गया है कि वो फिल्म का हिस्सा है और उनका किरदार फिल्म की कहानी में काफी अहम हो सकता है। जैसा हमने अभी आई हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम में पुराने सभी स्पाइडरमैन को देखा, उन्होंने भी फिल्म में ना होने का दावा किया ताकि ऑडियंस को सरप्राइज मिले। और सभी अफवाहों के बाद जब लोगों ने पुराने स्पाइडरमैन और टॉम हॉलैंड जो कि नए स्पाइडरमैन का रोल कर रहे हैं उनके साथ देखा तो हॉल में धमाका हो गया। ऐसा ही कुछ हमें टाइगर 3 में इमरान के साथ देखने को मिल सकता है। उनके बार बार इनकार करने का मतलब और फिर उनके सेट पर वायरल होती फोटो। कौन करने वाला है टाइगर 3 को डायरेक्ट? क्या ये डायरेक्टर भाईजान की फ्लॉप फिल्म्स का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? नमस्कार, मूवीज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का पिटारा बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। ये तो हम सब जानते हैं कि 32 साल से सलमान खान बॉलीवुड में राज कर रहे हैं, पूरी दुनिया उनसे बहुत प्यार करती है। इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, यूएई और दुबई जैसी जगहों से भी भाईजान को बहुत प्यार मिलता रहा है। उनकी मूवीज ही इतनी जबरदस्त और एंटरटेनिंग होती है कि पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। पर हम सब ये भी जानते हैं कि कुछ समय से सल्लू भाई की मूवीज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है, चाहे वो दबंग 3 हो या राधे द मोस्ट वांटेड भाई। हालांकि अंतिम में उनकी परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया था, पर फिर भी भाई वाली हिट पिक्चर वाली बात नहीं आई है। लेकिन सलमान खान की अपकमिंग मूवी टाइगर 3 से फैंस को काफी एक्सपेक्टेशंस हैं और टाइगर की पहली दोनों फिल्म्स एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है जबरदस्त हिट हुई थी। तो क्या टाइगर 3 सलमान खान के डूबते कैरियर को सवार पाएगी? क्या इस फिल्म के डायरेक्टर इसे हिट साबित करा पाएंगे? पर आखिर कौन है फिल्म टाइगर 3 के डायरेक्टर? इस फिल्म को मनीष शर्मा डायरेक्ट करने वाले हैं और वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, जिन्होंने बैंड बाजा बारात, लेडीज वर्सेस रिकी भेल, शुद्ध देसी रोमांस, फैन, दम लगा के हईशा, इचकी और सुविधा का जैसी अमेजिंग मूवीज को बनाया है। इन अमेजिंग मूवीज के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड जैसे बड़े अवार्ड भी मिले हैं। और अब ये डायरेक्टर टाइगर की फिल्म टाइगर 3 को डायरेक्ट करने वाले हैं। मनीष शर्मा की पिछली मूवीज जैसे कि मेरी प्यारी बिंदु, सुई धागा और फैन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, जिस कारण फिल्म टाइगर को हिट कराना फिल्म के डायरेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। पर मनीष शर्मा की फिल्म की एक खास बात है और वो है उनकी फिल्म की स्टोरी और सब्जेक्ट, जिन्हें हमेशा सराहा जाता है। तो अब देखना होगा कि कैसे ये अपना और भाईजान के डूबते कैरियर की नैया को बचाते हैं। फिल्म टाइगर 3 की बात करें तो मूवी की लीड कास्ट में सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी शामिल हैं। इस फिल्म को हिंदी और इंग्लिश के अलावा कई रीजनल लैंग्वेजेस में भी रिलीज किया जाएगा और टाइगर 3 बॉलीवुड की बिगेस्ट बजट फिल्म मानी जा रही है। अब ये तो समय ही बताएगा कि क्या धमाल मचाएगी ये पिक्चर। चलिए अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या लगता है आपको, क्या ये डायरेक्टर सलमान खान का डूबता कैरियर संवार पाएंगे? सलमान खान कैसे हुए जख्मी? क्या नई खबर आई टाइगर 3 के सेट से? कैसा है कैटरीना कैफ का टाइगर 3 में लुक? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी जब भी बड़े पर्दे पर आती है तो उनके फैंस खुशी से झूम उठते हैं। सलमान और कैटरीना कैफ इन दिनों यशराज प्रोडक्शन में बन रही फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग में व्यस्त हैं। दरअसल कैटरीना कैफ ने अपनी शादी के लिए फिल्म की शूटिंग से कुछ समय का ब्रेक ले लिया था, तो वहीं सलमान खान भी लगातार बिग बॉस 15 की शूटिंग में व्यस्त थे। अब एक बार फिर से ये दोनों टाइगर 3 की शूटिंग के सेट पर लौट चुके हैं। इन दोनों फिल्म की शूटिंग दिल्ली में चल रही है और सेट से इन दोनों की नई तस्वीर सामने आई है। टाइगर 3 के सेट से सलमान खान और कैटरीना कैफ की कई तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में कैटरीना कैफ और सलमान खान का चेहरा खून से सना हुआ है और दोनों ही बहुत बुरी हालत में लग रहे हैं।
इन दोनों के सेट से ये तस्वीर लगातार वायरल हो रही है। इन लीक हुई तस्वीरों में सलमान खान के चेहरे से खून टपक रहा है, तो वहीं कैटरीना कैफ ब्लैक जींस और ब्लैक टी शर्ट में नजर आ रही हैं। उनके चेहरे पर चोट और मिट्टी लगी हुई है। दोनों शूटिंग सेट पर घायल नजर आ रहे हैं। अन्य तस्वीर में सलमान खान अपने दोस्त के साथ हैं। इन तस्वीर को सलमान खान के फैन क्लब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। इसके अलावा वायरल हुए एक वीडियो में सलमान खान अपने फैंस को वेव करते हुए भी वायरल हुआ है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सलमान खान और कैटरीना कैफ को सच में टाइगर थ्री के सेट पर चोट लग गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर ये फिल्म फुल ऑन एक्शन और स्टंट से भरपूर है। पहली और दूसरी टाइगर फैंस को काफी पसंद आई थी। सिर्फ सलमान खान ही नहीं बल्कि कैटरीना कैफ ने भी जमकर एक्शन सीन्स दिए थे जो उनके फैंस को काफी पसंद आए। अब टाइगर की फ्रेंचाइजी के साथ मेकर्स एक्शन को एक अलग स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन दोनों की सेट से लीक हुई इन तस्वीरों को देखने के बाद ये साफ जाहिर है कि फिल्म दर्शकों को एक अलग रोमांच पर ले जाएगी। कैटरीना कैफ ने दिल्ली आते ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर विंटर की तस्वीरें भी शेयर की थी। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म टाइगर 3 का अंतिम और तीसरा शेड्यूल दिल्ली में ही पूरा किया जाएगा। इस फिल्म को अब तक टर्की, रशिया और ऑस्ट्रिया में शूट किया गया है। टाइगर 3 की घोषणा साल 2018 में हुई थी, लेकिन सलमान खान के बिजी शेड्यूल के चलते और कोविड के चलते फिल्म की शूटिंग रुक गई थी। टाइगर 3 एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है का सीक्वल है। ये दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई थी। सलमान खान ने फिल्म में जासूस अविनाश सिंह राठौर का किरदार निभाया था और उनका कोड नेम था टाइगर। और जोया जो कि एक पाकिस्तानी जासूस होती है और उसके प्यार में पड़ जाती है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप टाइगर 3 के लिए कितना एक्साइटेड हैं? क्या ये फिल्म पिछली दो फिल्मों की तरह हिट हो पाएगी? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक क्या भाईजान का नया लुक? क्या भाईजान बॉडी दिखाते हुए नजर आएंगे? कितना कमाने वाली है टाइगर 3? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, टाइगर एक ऐसा किरदार है जो बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। एक था टाइगर में रॉ एजेंट बने भाईजान के दो लुक हमें देखने को मिले थे, जिसमें एक तरफ वो साधारण आम आदमी बनके अपनी एजेंट लाइफ को छुपाते नजर आए और दूसरी तरफ एक्शन करते अपने डैशिंग लुक में। फिर आई टाइगर जिंदा है में उनके लुक में शेव के साथ साथ बॉडी में भी काफी बदलाव दिखा। इस फिल्म में उनका एक 10 साल का बच्चा भी दिखाया गया। वो अपनी लाइफ दुनिया के अलग अलग जगहों पर बिता रहे होते हैं। टाइगर 3 में फिर वो अलग लुक में दिखाई देंगे। उनका हर फिल्म में एक अलग अंदाज और एक अनोखा लुक हमें देखने को मिलता है। हाल ही में आई अंतिम में वो एक सरदार पुलिस वाले के लुक में दिखाई दिए थे। अब टाइगर 3 में भी उनका लुक काफी हटके होने वाला है। काफी फिल्मों में सलमान खान अपने बिना शर्ट के बॉडी वाले लुक के लिए जाने जाते हैं। अंतिम में भी वो बिना शर्ट के दिखे थे। अब टाइगर 3 में भी उनका एक बिना शर्ट के बॉडी दिखाने वाला लुक दिखाई दे सकता है। फिल्म के विलन इमरान हाशमी भी बॉडी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भाईजान भी अपनी बॉडी का जलवा जरूर दिखाएंगे। एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है बड़े पर्दे पर 300 करोड़ और 500 करोड़ कमा लेने के बाद से अब टाइगर 3 से फिल्म के निर्माता को बहुत उम्मीदें हैं। 250 करोड़ के बजट से बनने वाली टाइगर 3 का 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है। पर राधे और रेस 3 में एक्शन करते दिखे है टाइगर सीरीज की वो कॉमन चीज? कौन है इस फिल्म का एक्शन डायरेक्टर? नमस्कार, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। बॉलीवुड की शान हम सब के भाई जान सलमान खान, जिनकी पूरी दुनिया दीवानी है और फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि क्या है आप सबके फेवरेट भाई जान का लकी चार्म? क्या वो कोई लेडी है या उनकी गर्लफ्रेंड या कोई एक्स या फिर उनकी फैमिली? क्या लगता है आपको कौन है सलमान खान का लकी चार्म जो उनकी पिछली फिल्मों में लगातार उनके साथ बना रहा है? वो लकी चार्म है उनकी रेड जैकेट जो अपनी पिछली फिल्म जैसे कि बजरंगी भाईजान, एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है में पहनते दिखाई दिए हैं। हर बार किसी नए अंदाज में भाईजान ने इस जैकेट को कैरी किया है और फिल्म टाइगर 3 में भी वो इस जैकेट में जरूर नजर आएंगे। ये रेड जैकेट इन तीनों फिल्म्स की मोस्ट कॉमन चीज है। इसके अलावा एक और चीज है जो फिल्म टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर और अब टाइगर 3 में भी दिखाई देगी और वो चीज है हमारी जोया यानी कैटरीना कैफ कौशल, जो इस बार भी पिछले फिल्मों की तरह जबरदस्त एक्शन सीन्स करती दिखाई देंगी।
पर कौन कराएगा कैटरीना से ये शानदार एक्शन सीन्स। टाइगर सीरीज की पिछली मूवीज की बात करें तो फिल्म एक था टाइगर के एक्शन सीन्स को हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन ने डायरेक्ट किया था, जो कि जबरदस्त हिट साबित हुए थे। और फिल्म टाइगर जिंदा है के एक्शन सीन्स को टॉम क्रूज ने डायरेक्ट किया था, जो कि बिल्कुल झकास थे। तो अब देखना होगा कि इन दोनों में से कौन टाइगर सीरीज के एक्शन सीन्स को डायरेक्ट करता नजर आएगा, जिसके लिए भी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक्शन सीन शूट करते वक्त लगी चोट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं बना सना आज आपके लिए लेकर आई हूँ टाइगर 3 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। सलमान खान अंदर अपनी मूवी टाइगर 3 की शूटिंग दिल्ली में कर रहे हैं। इस मूवी में सलमान खान की जोड़ी एक बार फिर कैटरीना कैफ के साथ जमने वाली है, जिसे लेकर फैंस काफी उत्साहित है। अब इस मूवी के सेट से सलमान और कैटरीना के लुक्स लीक हो गए हैं। लीक हुई फोटोज में सलमान खान और कैटरीना कैफ को चोटें लगी हुई हैं। टाइगर 3 की शूटिंग विदेश में करने के बाद अब जाके भाईजान यानी बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान इसके आखिरी हिस्से को शूट कर रहे हैं। दिल्ली में मूवी टाइगर 3 की शूटिंग हो रही है, ऐसे में सेट्स में कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें सलमान और कैटरीना को एक्शन अवतार में देखा जा सकता है। दोनों की सेट्स में आई तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई है। फोटोज में कैटरीना कैफ ने कॉम्बैट वेस्ट और जीन्स पहना हुआ है, वहीं सलमान खान टी शर्ट और ट्राउजर में नजर आ रहे हैं। दोनों का लुक उबर कूल है। इन तस्वीरों में साफ है कि सलमान खान और कैटरीना कैफ टाइगर फ्रेंचाइजी की बाकी फिल्मों की तरह इसमें भी जबरदस्त स्टंट्स करते नजर आएंगे। मूवी टाइगर 3 को मनीष शर्मा बना रहे हैं। ये एक था टाइगर मूवी फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है। मूवी में सलमान खान अपने अविनाश सिंह राठौर उस टाइगर के रोल में एक बार फिर नजर आएंगे, तो कैटरीना कैफ भी जोया का किरदार निभाती दिखने वाली है। इस बार मूवी में इमरान हाशमी अहम भूमिका में दिखने वाली है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही ये मूवी इसी साल रिलीज होने वाली है। वेल दर्शकों, आप सभी इस मूवी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? आप अपने ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टाइगर 3 का विलन कौन होगा? टाइगर की टाइग्रेस कौन होगी? हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्राची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। भाईजान की फिल्म टाइगर का तीसरा पार्ट बनने जा रहा है, और टाइगर फिल्म को लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया था। लोगों ने इस फिल्म को बहुत सारा प्यार भी दिया था, और अब सुनने में आ रहा है टाइगर 3 में विलन के किरदार में हमें इमरान हाशमी देख सकते हैं। ये पहली बार होगा जब इमरान हाशमी और सलमान खान एक साथ पर्दे में हमें दिखेंगे। इससे पहले सलमान इंस्पेक्टर के किरदार में आयुष और सोनू सूद के साथ एक्शन करते हुए हमें दिखे थे। इमरान के लिए थोड़ा मुश्किल होगा उनके सामने एक्शन करना, पर इस फिल्म में इन दोनों के एक्शन सीन्स भी हमें देखने को मिलेंगे, और इसलिए इमरान हाशमी इस फिल्म के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। टाइगर के दूसरे पार्ट में हमने देखा था टाइगर अभी जिंदा है और कैसे देश पे मुसीबत आने पर वो एक मिशन पर जाता है। अब जब इस फिल्म की तीसरी पार्ट आ रही है तो ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि सलमान कैसे फिर एक मिशन पर जाते हैं और एक्शन करते हुए भी हमें दिखेंगे। एक था टाइगर के बाद अब 5 साल बाद टाइगर 3 की खबरें आ रही हैं। दरअसल सलमान अपने प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी रहते हैं और काफी मुश्किल से उन्हें टाइम मिलता है। खबर ये भी आ रही है इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही दिल्ली के कैनॉट प्लेस से शुरू होगी, साथ ही साथ दिल्ली से जुड़े नोएडा के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में भी इस फिल्म की शूटिंग होने वाली है। टाइगर 3 की शूट के लिए सलमान खान को रशिया में भी देखा गया था। इस फिल्म में उनके साथ कैटरीना कैफ हमें नजर आने वाली हैं। विकी कौशल से शादी के बाद ये पहली बार होगा जब वो हमें ऑन स्क्रीन सलमान खान के साथ नजर आने वाली हैं। साथ ही साथ ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या रंग लाती है सलमान खान और इमरान हाशमी की जोड़ी। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्या होगा फिल्म में कोई आइटम सॉन्ग? कौन करेगा आइटम सॉन्ग पर परफॉर्म, और कौन गाएगा ये आइटम सॉन्ग? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड को पसंद करने वाली आधी से ज्यादा ऑडियंस बॉलीवुड के सबसे चहेते सुपरस्टार सलमान खान की फैन है।
सलमान के फैंस उनकी अपकमिंग फिल्मों का पल के बिछाए इंतजार करते रहते हैं कि कब उनकी नई फिल्म रिलीज हो और कब उन्हें सलमान को बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिले। अपने फैंस की इस इच्छा को पूरा करने के लिए भाईजान बहुत जल्द ही सिनेमा घरों में दस्तक देने के लिए तैयार हैं। आपने सलमान खान की टाइगर सीरीज की फिल्में तो देखी ही होंगी और आप में से कई लोग तो उनके फैंस भी होंगे। टाइगर सीरीज के फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है और वो खबर ये है कि सलमान खान जल्द ही टाइगर 3 में अभिनय करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ बॉलीवुड की शीला यानी कैटरीना क्या फीमेल लीड रोल में काम करती हुई नजर आएंगी। इससे पहले भी कैटरीना और सलमान साथ में कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और टाइगर सीरीज की सभी फिल्मों में ऑडियंस को सलमान और कैटरीना की जोड़ी देखने को मिलती है। ऑडियंस उनकी जोड़ी को बहुत पसंद करती है, इसलिए मेकर्स ने टाइगर 3 में भी कैटरीना और सलमान को एक साथ रखा है। भाईजान का जलवा और कैटरीना की दिलकश अदाएं फिल्म को शानदार बनाने के लिए काफी हैं, लेकिन ऑडियंस को थोड़ा और अट्रैक्ट करने के लिए मेकर्स ने इस बार एक आइटम सॉन्ग को फिल्म में जगह देने की सोची है। ये आइटम सॉन्ग बेहद ही खास होगा। इसमें मेकर्स बेहतरीन शूटिंग, बेहतरीन सिंगर और उस पर परफॉर्म करने के लिए शानदार अदाकारा को कास्ट करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आइटम सॉन्ग पर नौरा फतेही, मौनी रॉय या मलाइका अरोड़ा परफॉर्म करेंगी तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। भाईजान की फिल्म में आइटम सॉन्ग पर परफॉर्म करने के लिए मेकर्स ने नेशनल क्रश दिशा पाटनी को अप्रोच किया है। अनुमान है कि दिशा ही आइटम सॉन्ग पर परफॉर्म करके फिल्म के अट्रैक्शन का सेंटर बनेगी। इसके साथ ही बात करें अगर होने वाले आइटम सॉन्ग में सुनाई देने वाली आवाज़ की, तो आपको बता दें कि सलमान इस बार बॉलीवुड के नए टैलेंट को आगे लाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मेकर से बज गर्ल, आस्था गर्ल और बादशाह को आइटम सॉन्ग के लिए अप्रोच करने के लिए कहा है। साथ ही आपको बता दें कि बादशाह ने तो सलमान खान के लिए उनकी एक दो फिल्मों में गाने गाए हैं, लेकिन आस्था को पहली बार सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिलने वाला है। वो भाईजान के साथ काम करने को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। फिल्म में होने वाले ये आइटम सॉन्ग फिल्म के एंड में दिखाया जाएगा, ठीक वैसे जैसे कार्तिक की फिल्म भूल भुलैया 2 में हरे राम गाना दिखाया गया था। दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए, अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में, जहां हम बात करते हैं आने वाली फिल्मों की और आज की फिल्मों की। आज फिर हाजिर हूं मैं यानी आपकी होस्ट सिमरन ग्रोवर बॉलीवुड की फिल्मों के कुछ ताजा अपडेट के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और बॉलीवुड डीवा कैटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 के बारे में। सलमान खान और कैटरीना कैफ की ब्लॉकबस्टर हिट मूवी एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के बाद मेकर्स तैयार है इसका तीसरा पार्ट यानी टाइगर 3 बनाने को। टाइगर 3 के बनने की खबरें जैसे ही ऑन द फ्लोर आई है, वैसे ही ऑडियंस बेहद एक्साइटेड हो चुकी है अपने फेवरेट पेयर सलमान खान और कैटरीना कैफ को एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए। खबर है कि टाइगर 3 की लीड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ जोरों-शोरों से वर्कआउट कर रही हैं और स्क्वाट्स, जंपिंग और कुछ एक्शन मूव्स की ट्रेनिंग भी ले रही हैं। फिल्म टाइगर 3 को लेकर कैटरीना इतनी मेहनत कर रही हैं, ऐसे में अंदाजा है कि फिल्म टाइगर 3 में कैटरीना कैफ कुछ एक्शन सीन्स भी करती हुई नजर आ सकती है। कैटरीना के फैंस उनको एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे आपको पता है कि बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन कही जाने वाली कैटरीना कैफ इंडिया से नहीं है और ना ही इंडियन है। कैटरीना के पास ब्रिटिश की नागरिकता है और आपको बता दें कि उनका जन्म हांगकांग में हुआ था। दरअसल कैटरीना की माँ की एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता है और वो कई सामाजिक कार्य करने वाली संस्थानों से जुड़ी थी और उनसे जुड़े कामों से कई अलग अलग देशों में रही है, जिसकी वजह से कैटरीना भी कई देशों में रही है। और हाँ, ये ख्याल तो आपके दिमाग में आता ही होगा कि आखिर सलमान खान और कैटरीना कैफ पहली बार कब मिले थे और कहाँ मिले थे, तो हम हाजिर हैं इस जवाब के साथ। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने बताया कि जब वो कैटरीना कैफ से पहली बार मिले थे तो वो महज 18 साल की थी। सलमान की फैमिली ने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा था और कैटरीना उनके घर पार्टी के लिए गई थी। सलमान ने बताया कि कैटरीना सलमान की बहनों को और सलमान के दोस्तों को जानती थी पर उन्हें नहीं जानती थी। उस पार्टी में ही सलमान खान और कैटरीना कैफ की एक दूसरे से पहली बार मुलाकात हुई और जान पहचान हुई। सलमान खान और कैटरीना कैफ टाइगर 3 में फिर साथ में काम करते नजर आएंगे। दोस्तों, टाइगर 3 अगले साल यानी 2022 में रिलीज होगी। फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फिल्मी दुनिया के बाकी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राफ स्टूडियोज को, यहाँ हम देंगे आपको बॉलीवुड की फिल्मों की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो जाते जाते कीजिए इस वीडियो को लाइक और हाँ, कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आपको पता था कि कैटरीना और सलमान पहली बार कब मिले थे
और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तब तक ललता क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोस, मैं सोनिका जैन। दोस्तों, सुपरस्टार सलमान के साथ पहली बार नजर आने वाले हैं इमरान हाशमी और इस फिल्म को लेकर फैंस काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। आपको बता दें, इमरान हाशमी टाइगर 3 के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर किसी भी तरह की बातचीत करने से वो आज तक बचते आए हैं। लेकिन अब इमरान हाशमी का एक बयान सामने आया है, उन्होंने अपने नेगेटिव किरदार के बारे में कहा है। इसके अलावा खबर थी कि इस फिल्म में उनकी एंट्री पर 10 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। इमरान हाशमी इस दौरान बॉलीवुड हंगामा से बात कर रहे थे। उन्होंने टाइगर 3 को लेकर कहा कि मैंने इन सब बातों के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सब कर रहा हूँ। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि सलमान के सामने एक विलन के तौर पर लोग आपको क्यों देखना चाहते हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ। इमरान हाशमी का ये बयान काफी चर्चा में है। फैंस का कहना है कि वो काफी बड़ा धमाका करने वाले हैं इस फिल्म में, जो भी होगा वो देखने लायक होगा। इमरान हाशमी अपने करियर में पहली बार इतनी बिग बजट फिल्म में नेगेटिव रोल करने वाले हैं, इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। खबर आई थी कि टाइगर 3 में इमरान हाशमी एक से बढ़कर एक अलग तरह के लुक में नजर आने वाले हैं। इस एक्शन जासूसी फिल्म में इमरान हाशमी का विलन लुक लार्जर देन लाइफ दिखाया जाएगा। इमरान हाशमी पहली बार सलमान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, वो भी आमने सामने होंगे। और वहीं आपको बता दें, इमरान हाशमी का जो किरदार होने वाला है वो उस तरह से लिखा गया है कि स्क्रीन पर जब आएगा तो लंबे समय तक लोगों के दिलो दिमाग में याद रहेगा। वहीं निर्माता आदित्य चोपड़ा ने टाइगर 3 का जो बजट भी रखा है वो हाईफाई है। 350 करोड़ का बजट इस फिल्म का है। ज्यादातर पैसे एक्शन सीन और हाई शूटिंग लोकेशन पर खर्च किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें, टाइगर जिंदा है बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों के बीच तीसरा नंबर रखती है। इस फिल्म ने 340 करोड़ की कमाई की। टाइगर 3 की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बॉयफ्रेंड की बात करें तो सलमान इस वक्त किक 2, भाईजान और ब्लैक टाइगर को लेकर चर्चाओं में है। फिलहाल टाइगर 3 की शूटिंग रशिया में कर रहे हैं, काफी बिजी है। सलमान के लुक्स फैंस के सामने आते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज का। दोस्तों, सलमान खान फिलहाल रूस में अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं। सलमान और कैटरीना रूस में करीब करीब एक महीने तक रुककर शूटिंग पूरी करने का प्लान करेंगे। इस बीच शूटिंग से फुर्सत मिलते ही सलमान वक्त निकालकर घूमने निकल गए। सलमान ने रूस की सड़कों पर कई फैंस से मुलाकात की और उनके साथ फोटो भी खिंचाई, जहां एक फोटो में सलमान एक बच्ची के साथ पोज देते दिख रहे हैं, वहीं एक और फोटो में वो एक आदमी के साथ नजर आ रहे हैं। सलमान की तस्वीरें देख सोशल मीडिया पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। इन फोटोज में सलमान के चेहरे पर काफी झुर्रियां दिख रही हैं। सलमान की फोटोज देख एक शख्स ने कमेंट करते हुए कहा, ये तो बिल्कुल बूढ़े दिखने लगे हैं। वहीं इसके अलावा एक और यूजर ने कहा, सलमान को अब डैडी के रोल शुरू कर देने चाहिए। एक अन्य शख्स कहता है, हाय रब्बा, ये सलमान को क्या हो गया। वहीं कुछ लोग सलमान के साथ फोटो खिंचा रहे एक फैन को श्रद्धा कपूर से कंपेयर कर रहे हैं। एक शख्स ने कहा, ये तो बिल्कुल श्रद्धा कपूर लग रही है। एक और शख्स ने कहा, सलमान से ज्यादा तो उनके फैंस लग रहे हैं। बता दें कि इससे पहले फिल्म टाइगर 3 के सेट से सलमान का लुक सामने आया। इस लुक में सलमान लंबे बालों के साथ भूरे रंग की दाढ़ी में नजर आए थे। उन्होंने टी शर्ट के ऊपर चेक वाली जैकेट और जींस पहनी थी। सलमान का ये लुक सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस जमकर तारीफ कर रहे थे। वहीं सलमान खान के बाद फिल्म में कैटरीना कैफ का लुक भी रिवील हुआ। कैटरीना कैफ खुले बालों में बिना मेकअप के नजर आई थी। उन्होंने काले रंग की हुडी और जींस पहन रखी थी। बता दें, टाइगर यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाई जा रही है। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग तुर्की में होगी। इसके अलावा 5 अलग अलग देश इंटरनेशनल में भी शूट किए जाएंगे। मुंबई में इस फिल्म की 45 दिनों की शूटिंग कोरोना लॉकडाउन से पहले की गई थी। इसमें ज्यादातर सीन सलमान ने शूट किए थे। इसके बाद इसका अगला शेड्यूल रूस में शूट किया जा रहा है। फिल्म में इमरान हाशमी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट बने हैं, जो भारतीय जासूस सलमान खान से टक्कर लेगा। टाइगर फ्रेंचाइजी एक स्पाई फिल्मों की सीरीज है, जिसका पहला पार्ट एक था टाइगर 2012 में आया था। इसका डायरेक्शन कबीर खान ने किया था। पहले फिल्म की सफलता के बाद मेकर्स ने 2017 में फिल्म का दूसरा पार्ट टाइगर जिंदा रिलीज किया। इसका डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया। 2012 में आई एक था टाइगर और साल 2017 में आई टाइगर जिंदा ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी। 2012 में रिलीज हुई एक था टाइगर ने जहां 237 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। वहीं 5 साल बाद 2017 में रिलीज हुई टाइगर जिंदा है ने 339 करोड़ का बिजनेस किया था। सलमान खान टाइगर 3 के अलावा जल्दी फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ और शाहरुख खान की पठान फिल्म में नजर आने वाले हैं। वेल, आपको कैसे लगा सलमान खान का लुक, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियो। क्या सलमान खान
खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी तीनों ही निगेटिव रोल में दिखने वाले हैं टाइगर 3 में। किसने कहा कि ये मेरा सबसे बड़ा सपना है और उम्मीद है कि ये सच हो जाए। कौन करने वाला है टाइगर 3 का निर्देशन? हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म टाइगर 3 के और उसकी कुछ ऐसी बातों में जो आपको शायद नहीं पता होगी। तो उन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वैसे आपको बता दें कि टाइगर 3 बहुत ही मोस्ट अवेटेड फिल्म और बहुत ही बॉलीवुड में बज वाली फिल्म बन गई है, जिसमें काम करने वाले हैं इमरान हाशमी, सलमान खान और साथ ही साथ कैटरीना कैफ। सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों ही हमें एज एजेंट दिखाई पड़ते हैं टाइगर की इस फ्रेंचाइजी पर। अब अगर बात हम इमरान हाशमी की करें तो इमरान हाशमी ने यशराज प्रोडक्शंस के साथ इस फिल्म पे काम करने पर बिल्कुल इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपको किसने कहा कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ जबकि मैंने इस फिल्म को लेकर आज तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी। तो इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि इस ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें इमरान हाशमी काम करने वाले हैं, जैसा लोगों ने उनके सोशल मीडिया पोस्ट और उनके वर्कआउट सेशंस को देख के अज्यूम कर लिया था। जैसे ही टाइगर 3 के कास्ट का पता चला ऑनलाइन तो उसमें सिर्फ नाम आया था सलमान खान और साथ ही साथ उनके दिखने वाली थी हमें जो हमेशा से दिखते आई है कैटरीना कैफ। और जब इसको लेकर इमरान हाशमी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कभी इस फिल्म का हिस्सा था ही नहीं और मुझे पता नहीं कि ये रूमर्स क्यों फैल रहे हैं। उनका कहना है कि उनका ये बहुत बड़ा सपना है कि वो सलमान खान के साथ काम करे और उम्मीद है कि ये सपना कभी ना कभी सच हो सकता है। अब आप बात करते हैं टाइगर 3 के बारे में, तो पहले टाइगर की फ्रेंचाइजी के बारे में बात करें तो एक था टाइगर जो कि 2014 में स्टार्ट हुई थी। इसमें देखते हैं सलमान खान टाइगर कोडवर्ड के एक एजेंट के रूप में, जिनको एक पाकिस्तानी एजेंट जिनका नाम रहता है जोया, जिनका भूमिका निभा रही होती है कैटरीना कैफ, उनसे प्यार हो जाता है। 2017 में आती है एक और फिल्म टाइगर फ्रेंचाइजी की जिसका नाम है टाइगर जिंदा है, जिसमें हमें दिखाई पड़ती है जोया इराक के आतंकवादी संगठनों से बंधे हुए कुछ लोगों को बचाते हुए। ऐसा कहा जाता है कि 2014 की जो फिल्म है एक था टाइगर, वो एक असली घटना पर प्रेरित होकर फिर बनाई गई थी। अब बात करें इस फिल्म की तो इसमें भी हमें ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ सकता है जिसमें दोनों ही एजेंट के रूप में दिखाई पड़ने वाले हैं। और अब फिल्म की स्टोरी क्या और कैसी होगी ये तो हम देखेंगे ही, लेकिन अब इस फिल्म की शूटिंग के बारे में बात करते हैं तो ऐसा है कि इस फिल्म की शूटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई पड़ रहे हैं सलमान खान और कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी इसमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जहां पे हमने देखा था कि टाइगर के फर्स्ट पार्ट को शूट किया गया था अहमद खान ने, तो वहीं हमने देखा था सेकेंड पार्ट को शूट किया था अली अब्बास जफर ने। और अब ऐसा आ रहा है कि इसके थर्ड पार्ट को शूट करने जा रहे हैं मनीष शर्मा। तीनों के ही डायरेक्टर अलग अलग हैं लेकिन तीनों की स्टोरीज काफी अच्छी होने वाली है, ऐसा तो हमको लगता ही है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे। इंडिया में कुछ इम्पोर्टेंट सीन शूट करने के बाद सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में कर रहे हैं सलमान खान कैटरीना कैफ अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कंप्लीट। इस फिल्म की शूटिंग देखने के लिए काफी सारे फैंस आए थे उस एरिया में। सलमान के कई फैन पेजेस ने उनकी और कैटरीना की तस्वीरें भी शेयर की है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म में सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान भी असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में नजर आएंगे। जी हाँ, सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान अब फाइनली बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। टाइगर 3 के लिए खास तौर पर निर्वाण खान ने टेक्निकल चीजों के अलावा और भी कई चीज सीखी है, जैसे कि सेट आखिर कैसे डिजाइन किया जाता है, किस किस के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है, इन तमाम बात पर निर्वाण खास ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, ये फिल्म जब मुंबई में शूट किया जा रहा था तो उस दौरान कोविड की वजह से इसकी शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा था। अब फाइनली इसकी आगे पार्ट की शूटिंग जो है वो रशिया में कंप्लीट हो रही है। मुंबई में एक तरफ कोविड महामारी तो दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से फिल्म के शूटिंग लोकेशन पर खासा दिक्कतें आई थी। और इतना ही नहीं, फिल्म यूनिट को करीब 1-9 करोड़ का लॉस भी हो गया था क्योंकि फिल्म का सेट पूरी तरीके से हो गया था। अब हम तो यही उम्मीद करेंगे कि फिल्म को जितना भी लॉस हुआ है वो सब कुछ पे बैक हो जाए टाइगर 3 के सक्सेस के बाद। इस फिल्म के लिए शुरुआती दौर में ऐसा कहा जा रहा था कि इमरान हाशमी टाइगर 3 में विलेन के किरदार में नजर आएंगे, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा नहीं होने वाला है और इसकी कंफर्मेशन खुद इमरान हाशमी ने दी है। हालांकि उन्होंने ऑडियंस को थोड़ा कंफ्यूज करते हुए कहा कि मेरी अपकमिंग फिल्म क्या होने वाली है और मैं कैसा किरदार निभा हूँ ये ऑडियंस को फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। मतलब निश्चित तौर पर इमरान हाशमी पूरी तरीके से सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो
दोस्तों, आपको क्या लगता है इमरान हाशमी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 में विलेन के किरदार में नजर आएंगे या फिर नहीं? और अगर वो नजर नहीं आती हैं, तो फिर कौन दिखेंगे टाइगर 3 में विलेन के रूप में? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आनिया पर्णावत को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। कब रिलीज होने जा रही है टाइगर 3? इमरान हाशमी की बॉडी देखकर फैंस क्यों बोले सलमान भाई पिटने वाले? क्या होने वाली है टाइगर 3 की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जार। दोस्तों, सुपरस्टार सलमान खान की टाइगर 3 काफी जोरों से शूट मोड पर ऑन है। इस फिल्म के लिए सभी सितारे काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि काफी जल्दी इस फिल्म के विलन यानी कि इमरान हाशमी उड़ान भरते नजर आएंगे। तुर्की जाकर वो इस फिल्म की स्टार कास्ट से जुड़ने वाले हैं। सलमान खान से भिड़ने के लिए इमरान हाशमी कितनी मेहनत कर रहे हैं, जिम में कितना पसीना बहा रहे, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर सामने आई है वो किसी को भी खुश करने के लिए काफी है। दरअसल इस तस्वीर में इमरान हाशमी काफी धमाकेदार बॉडी में नजर आ रहे हैं। लोग देखोगे ना, बाबा रे, इतने खतरनाक नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आते ही ये काफी ज्यादा पसंद की जा रही है, सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रही है। इमरान हाशमी ने इस तस्वीर को खुद पोस्ट किया है और जिम मोटिवेशन फैंस के लिए साझा किया है। उन्होंने इसके साथ लिखा है फ्राइडे फ्लेक्स हैशटैग जिम मोटिवेशन हैशटैग ट्राइसेप्स वर्कआउट। इमरान हाशमी इस तस्वीर में ट्राइसेप्स के सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर है सलमान खान के सामने शर्ट उतारने के लिए उनको काफी ज्यादा मेहनत करनी थी। इस तस्वीर पर मोहित सूरी ने कमेंट किया है, इस लुक को किलर कहा है। सलमान खान और उनकी पूरी ड्रीम स्टार कास्ट इस समय तुर्की में है और रशिया से शूट करके वो वहां पर पहुंचे हैं। खबर थी कि टाइगर 3 के लिए पहला सीन इमरान हाशमी तुर्की में ही शूट करेंगे। हालांकि किसी ने भी इस बात को लेकर ऐसा ऐलान नहीं किया है कि इमरान हाशमी इस फिल्म का हिस्सा है। हाल ही में पता चला था कि इमरान हाशमी ने कहा था कि वो ऐसी किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनने वाले। हालांकि सभी जानते हैं कि सच्चाई क्या है। यशराज फिल्म की ये धमाकेदार सीरीज अभी तक कामयाब रही है और इस फिल्म के तो एक अलग ही लेवल पर बनाया जाना है, मतलब टाइगर 3 का लेवल और भी ज्यादा अप होने वाला है। सलमान खान का किरदार काफी ज्यादा अलग है पठान से। इस फिल्म का संबंध कहा जा रहा है, यशराज फिल्म्स ने इस फिल्म की कहानी को काफी शानदार तरीके से उतारने का फैसला किया है। मनीष शर्मा के निर्देशन में ये बिग बजट फिल्म बनने जा रही है। इससे पहले टाइगर जिंदा है भी काफी ज्यादा बड़े बजट में बनी थी और अब टाइगर 3 की बारी है, जिसमें कि एक्शन से लेकर धमाल सब कुछ अलग ही लेवल का होगा। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं टाइगर 3 का? आप कितना वेट कर रहे हैं कि एक तरफ इमरान हो, दूसरी तरफ सलमान हो और उनकी भिड़ंत? तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। सलमान खान को किसके साथ अपना बॉन्ड शेयर करना था कि उनको सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम का सहारा लेना पड़ा? फिर टाइगर 3 का निर्देशक कौन कर रहा है? और साथ ही साथ क्या लीक हुई फोटोज में सलमान खान मूछे और बड़ी दाढ़ी पर दिखाई पड़ रहे हैं? और आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म टाइगर 3 से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो आपको चौंका के रख सकती है। उन सारी बातों को जानने के लिए और उन एक्शन और थ्रिलर को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपको बता दें कि सलमान खान अपने भतीजे निर्वाण खान के साथ कुछ ऐसे स्पेशल मोमेंट्स शेयर करते हुए नजर आए हैं और उसी बॉन्ड को शेयर करने के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम का सहारा लिया है। लगता है स्टार किड निर्वाण खान जो है वो उस पे प्राइम अनुभव लेने के लिए दिखाई पड़ रहे हैं। सलमान खान, कैटरीना कैफ और टाइगर 3 की अभी पूरी ही टीम गई हुई है रूस शूटिंग के लिए, जहां से उनके कई सारे लुक्स भी रिवील हो गए और साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से फैंस ने फोटोज लेकर लीक कर दिए। पर उससे बड़ी बात हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस फिल्म में एज ए सपोर्टिंग डायरेक्टर कौन नजर आने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, निर्वाण खान इस फिल्म में एज ए सपोर्टिंग डायरेक्टर नजर आने वाले हैं। निर्वाण खान वॉन्टेड एक्टर यानी कि सलमान खान के भतीजे हैं और वो सोहेल खान के बेटे भी हैं। वो वहाँ पे प्राइम अनुभव लेने जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा शांत है। इंस्टाग्राम के उस पोस्ट पर ऐसा देख के लग रहा है कि दोनों का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रह रहा है एक के साथ, यानी कि सलमान खान और निर्वाण खान दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लग रहे हैं उन सारी पोस्ट।
बॉडी और बड़ी पूंछ में नजर आ रहे हैं। उस फिल्म में भी निर्माण खान उनके आसपास ही नजर आ रहे थे। खैर आप टाइगर थ्री की स्टोरी लाइन्स की बात करें तो आपको बता दें कि टाइगर थ्री को सबसे पहले कबीर खान यानी कि 2012 में एक था टाइगर फ्रेंचाइजी की सबसे पहली फिल्म को उन्होंने निर्माता किया था। फिर बाद में टाइगर जिंदा है ऐसा 2017 में सलमान खान की एक और फिल्म आई थी। अब जब टाइगर थ्री आने वाली है जिसमें सलमान खान एज अ एजेंट दिखाई पड़ने वाले हैं और सोया जिनका रोल निभा रही है कैटरीना कैफ वो ISI एजेंट के रूप में अपने किरदार दोहराते हुए नजर आने वाले हैं दोनों ही लोग टाइगर थ्री में। इसकी स्टोरी लाइन भी कुछ ऐसी ही होने वाली है जैसे कि बाकी फिल्मों की रही है लेकिन हर बार की तरह इस बार कुछ अलग तो रहने ही वाला है फिल्म। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी अफवाहें फैल रही थी कि इस फिल्म में दिखने वाले हैं विलेन के रूप में इमरान हाशमी जिन्होंने इस अफवाह को लेकर झूठा साबित कर दिया है और कहा कि वो तो इस फिल्म की शूटिंग के लिए कभी गए भी नहीं थे पर वो बिल्कुल खुश मिजाज होते अगर उनको इस फिल्म के लिए चुना जाता था। खैर ये सब तो रही बात की बातें आपको इसके बारे में जल्दी ही फिर से बताएंगे कि इस फिल्म में विलेन कौन होने वाला है। तब तक आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि बॉलीवुड की हॉट एंड स्पाइसी न्यूज़ आपको दिन ब दिन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी। टाइगर फिल्म सीरीज एक बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर स्पाई फिल्म सीरीज है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। इस फिल्म में सलमान खान और कटरीना कैफ लीड एक्टर्स के रूप में नजर आते हैं और इस फिल्म को कबीर खान ने डायरेक्ट किया है। टाइगर फिल्म सीरीज के राइटर कबीर खान और निलेश मिश्रा हैं। ये फिल्म आदित्य चोपड़ा द्वारा प्रोड्यूस की गई है और यशराज फिल्म प्रोडक्शन हाउस द्वारा इस फिल्म फ्रेंचाइजी को लॉन्च किया गया था। टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट यानी कि एक था टाइगर 2012 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और इसके बाद फिल्म के मेकर्स ने सोचा कि एक था टाइगर को एक फिल्म सीरीज के रूप में बनाया जा सकता है जिसका नाम टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी रखा गया। फिर 5 साल बाद 2017 में टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी का दूसरा इंस्टॉलमेंट टाइगर जिंदा है रिलीज किया गया और ये फिल्म भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर गई। अब कहा जा रहा है कि अगले साल यानी कि 2022 में टाइगर 3 रिलीज होने वाली है जो कि इस फिल्म सीरीज का तीसरा और आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं टाइगर 3 पर क्या नई अपडेट्स आई हैं। अभी हाल ही में ये खबर आई है कि अगस्त 2021 के महीने से ही टाइगर 3 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। सलमान खान और कटरीना कैफ इस बार भी टाइगर 3 में जबरदस्त एजेंट का रोल निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जहां सलमान हमें इंडिया के रॉ एजेंट के रूप में नजर आएंगे वहीं कटरीना पाकिस्तानी ISI एजेंट के रूप में ही नजर आएंगी। फिर एक बार टाइगर फिल्म सीरीज का आगाज हो चुका है और जिस तरीके से फैंस को एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है पसंद आई थी लगता है कि टाइगर 3 इन दोनों फिल्मों से ज्यादा बड़ा बॉम्ब फोड़ने वाली है। टाइगर 3 से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आपको हमारी अगली वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि हम इसकी शूटिंग लोकेशन के बारे में आपको बताएंगे उस वीडियो में। लेकिन टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी के फैंस के लिए ये खबर थोड़ी दुखदायी भी हो सकती है क्योंकि टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी जो कि एक फिल्म ट्रायलॉजी के रूप में आने वाली थी अब फिल्म का तीसरा पार्ट बनाया जा रहा है और तीसरा पार्ट ही टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी का आखिरी इंस्टॉलमेंट भी होगा। यानी कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और कटरीना कैफ को एजेंट के रूप में ये आखिरी बार ही हम देख पाएंगे और टाइगर फिल्म की इंस्टॉलमेंट्स नहीं बन। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। जुलाई को सलमान खान की अपकमिंग मूवी टाइगर 3 के कुछ मजेदार बातें। सलमान खान और कटरीना कैफ ने अपनी आगामी फिल्म टाइगर 3 की एक साथ शूटिंग शुरू कर दी है जो इस समय की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म में इमरान हाशमी खलनायक के रूप में नजर आएंगे वहीं शाहरुख खान का एक कैमियो भी होगा। जी हां दोस्तों शूटिंग में किसी भी फोटो या वीडियो को लीक होने से बचाने के लिए फिल्म का डिस्क्रिप्शन गुप्त रखा गया है और सेट के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट मिली है कि फिल्म के करीबी सूत्रों ने खुलासा किया है कि टाइगर 3 का नया शेड्यूल यशराज फिल्म स्टूडियो में शुरू हो गया है। ये एक बारीकी से प्रोडक्ट सेट है और यहाँ से किसी की तस्वीर के लीक होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इस शेड्यूल के साथ साथ अगस्त के मध्य से शुरू होने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव विदेशी शेड्यूल में सलमान और कटरीना को फिटनेस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इन दोनों अभिनेताओं के लिए ये इंटेंस होगा क्योंकि निर्देशक मनीष शर्मा ने कुछ जॉ ड्रॉपिंग और साथ ही साथ बेहद जोखिम भरे एक्शन दृश्यों की योजना बनाई है जो वास्तव में उनके ओवरऑल फिटनेस लेवल का टेस्ट करेंगे जब वे अपना विदेशी कार्यक्रम शुरू करेंगे। बेशक सलमान और कटरीना इसके लिए तैयार हैं और किसी भी चुनौती का सामना करना
उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये एक मजेदार शेड्यूल होगा। सूत्र ने यह भी कहा कि सलमान ने अपने सोशल मीडिया पर टाइगर 3 में अपनी फिजिक को मेंटेन करने की एक तस्वीर शेयर की और यह क्लियर किया कि वह अब तक स्क्रीन पर दिखाए गए सबसे अच्छी फिजिक का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी ओर करीना इस समय कितनी अच्छी दिख रही है इस बारे में शायद ही प्रिपरेशन की जरूरत होगी। इसका भी एक कारण है, उन्होंने अपने सबसे फिट होने के लिए काफी मेहनत की है और लोगों को उन्हें स्क्रीन पर सबसे फिट देखने के लिए इंतजार करना होगा जब टाइगर 3 रिलीज होने के लिए तैयार हो जाएगी। आपको बता दें कि सलमान खान और कटरीना कैफ 18 अगस्त को जासूसी थ्रिलर यानी कि टाइगर 3 के इंटरनेशनल शेड्यूल की शूटिंग के लिए रूस भी जाएंगे, जिसे पहले महामारी के कारण पहले रोक दिया गया था। 45 डेज का कठिन कार्यक्रम एक्शन सीन से भरा हुआ है और सलमान खान और कटरीना कैफ ऑस्ट्रिया और तुर्की सहित कम से कम 5 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों में शूटिंग करेंगे। महामारी को देखते हुए YRF के मालिक आदित्य चोपड़ा एक जंबो चार्टर के माध्यम से कलाकारों और चालक दल को भेज रहे हैं। एक सूत्र ने कहा कि अर्शराज सलमान खान कटरीना कैफ डायरेक्टर मनीष शर्मा पूरी कास्ट और क्रू सहित सभी के लिए इस इंटरनेशनल शेड्यूल के लिए जेट किराए पर ले रहा है और साथ ही साथ जो टीम कुछ शानदार शूटिंग शेड्यूल को पूरा करने में मदद करेगी। खैर आप टाइगर 3 को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बॉडीग्राड स्टूडियोज। तब तक यूट्यूब चैनल बॉडीग्राड स्टूडियोज और आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म टाइगर 3 से जुड़ी कुछ अनोखी बातों के बारे में और उन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आपको बता दें कि टाइगर फ्रेंचाइजी सलमान खान और कैटरीना कैफ की एक बहुत सक्सेसफुल फिल्म रही है, जहाँ पे हमने देखा था पहले पार्ट को इतना क्रॉस बॉर्डर प्रेम दिखाया गया था जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों ही अलग अलग देश को बिलोंग करते थे लेकिन फिर भी उनकी लव स्टोरी काफी आगे तक बढ़ी थी। हमने देखा था कि उसके करीब करीब 4 सीन्स जो है वो बड़ी अच्छी जगहों पर शूट हुए थे, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो मेडन टावर में शूट हुआ था तो दूसरी जगह हम देखते हैं कि मॉडर्न टावर में भी इसका शूटिंग किया गया था। ये दोनों ही इतने बड़े पैलेसेस यूरोप के माने जाते हैं जो कि काफी ज्यादा हाई बजट थे और इसलिए ये फिल्म भी काफी ज्यादा हाई बजट थी और बहुत ही ज्यादा पसंद की गई थी लोगों में। क्रॉस बॉर्डर्स मूवी वैसे भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है लेकिन अब उसका बजट जब और बढ़ाया जाए तो वो फिल्म और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब ऐसे में जब हमने ये देखा कि अभी हाल ही में सलमान खान कहीं पे गए हुए थे अपनी शूटिंग पे, वहाँ पे यूरोप में कुछ ऐसी भीड़ जमा हो गई थी और शूटिंग लोकेशंस में भीड़ जमा होने के कारण उनके लुक लीक हो गए थे जो कि फैंस को काफी पसंद आए थे। अब हमें ये देखना है कि क्या टर्की में सलमान खान जाते हैं जहाँ पे उनकी टाइगर 1 था टाइगर की शूटिंग स्टार्ट हुई थी। तो जी हाँ दोस्तों, अब हो सकता है कि फिल्म टर्की में जाके शूट की जाए जहाँ पे 1 था टाइगर यानी कि टाइगर फ्रेंचाइजी की फर्स्ट पार्ट शूट की गई थी। सलमान खान बॉलीवुड के एक ऐसे हीरोज में से एक आते हैं जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं और जिनका फैन बेस काफी ज्यादा बड़ा है। अब ऐसे में ब्लॉकबस्टर फिल्में लाना उनके लिए आम बात सी हो गई है, जहां हम ये देखते हैं कि सलमान खान हर साल एक ना एक ब्लॉकबस्टर मूवी लेके ही आते हैं अपने फैंस के लिए। तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि सलमान खान के फैंस अपने उनके भाईजान के लिए किस तरीके का वेट करते हैं और कितने इंटरेस्टिंग से उनकी सारी एक्टिंग्स को देखते हैं। अब ऐसे में सलमान खान टाइगर 3 ला रहे हैं जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपको बता दें कि रशिया में ये हो रही थी इसकी शूटिंग। अब हम देखते हैं कि पूरी टीम सलमान खान के साथ जा पहुंची है टर्की। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद वो जाने वाले हैं इस्तांबुल में। चौंका देने वाली बात तो ये होने वाली है कि इस्तांबुल में कैसे उनका फैन बेस दिख सकता है हमें और साथ ही साथ उनके कुछ फ्रेंड्स जिनका नाम है लूलिया वो भी दिखाई पड़ सकती हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के अकॉर्डिंग वो उनके फ्रेंड्स जो है वो भी हमें दिखाई पड़ने वाले हैं इस्तांबुल। लूलिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसमें वो दिखाई पड़ रही थी एक शूटिंग पे और उन्होंने उसमें इस्तेमाल किया है हैशटैग टर्की का भी, जिससे ये साफ पता चलता है कि वो टर्की पे ही है। एक्चुअली उस वीडियो पे उनका चेहरा नहीं दिख रहा होता है और वो उस वीडियो पे एक सीढ़िया चढ़ती है और फिर बाद में वो दिखाती है अपने फैंस को एक व्यू जो कि दिख रहा होता है होटल के आसपास का। और हैशटैग टर्की यूज करने के बाद फैंस ने ये तो पता लगा ही लिया कि कैसे अनुमान हो रहा है और कहाँ पे वो जा रही है। खैर ये सब तो रही उनके फैंस की बात, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप हमारे फैन हैं। अगर हाँ तो यस लिख दीजिएगा साथ ही साथ उस वीडियो। कहाँ शूट की जा रही है आखिर टाइगर 3? क्या फितरत, इमरान हाशमी हमें नहीं दिखने वाले हैं इस बार टाइगर 3 में? कैटरीना कैफ किस किस्म की ट्रेनिंग ले रही है टाइगर 3 के लिए?
एवरीवन, दिस इज दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। हालांकि हमने फिल्म टाइगर 3 के बारे में पहले ही एक वीडियो डाला हुआ है, जिसके लिए काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज के लिए काफ़ी थैंक यू, बट आपके लिए अब हम कुछ नई खबरें लेकर आए हैं टाइगर 3 से रिलेटेड। तो उन सभी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। टाइगर 3 जिसकी हाल ही में काफी ज्यादा बज है बॉलीवुड में, वो बन ही रही है और इसकी शूटिंग का आगाज हो चुका है। तो दोस्तों आपको बता दें कि टाइगर 3 की ज्यादातर शूटिंग लोकेशंस फॉरेन की होने वाली है, जिसमें अभी पूरी टीम रशिया गई हुई है इसकी शूटिंग के लिए। साथ ही साथ कबीर खान द्वारा डायरेक्टेड फिल्म ये टाइगर की फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसके इतने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेस आए थे 2012 में जब इस फिल्म को बढ़ाया गया था। साथ ही साथ सलमान खान इस फिल्म में निभा रहे हैं अविनाश सिंह राठौड़ का रोल, जो कि एक रॉ के रूप में नजर आते हैं। वो कुछ मिशंस करते हुए हर साल नजर आते हैं, जिनके अपोजिट में रहती हुई इस बार दिखने वाली है हमें कैटरीना कैफ। जी हाँ दोस्तों, कैटरीना कैफ रहने वाली है सलमान खान के साथ फिल्म टाइगर 3 में। इमरान हाशमी के वर्कआउट वीडियोस जो सोशल मीडिया पे उन्होंने डाले थे, उसको देखकर सबको तो ऐसा लग ही गया था कि टाइगर 3 के एंटागोनिस्ट तो अब इमरान हाशमी ही होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अब आपके लिए एक बात हम और लेकर आए हैं, और वो ये है कि इमरान हाशमी तो किसी और फिल्म की शूटिंग के लिए ही तैयारी कर रहे थे, जिसका नाम है चेहरा, और उस फिल्म में दिखने वाले हैं उनके साथ हमें अमिताभ बच्चन, यानी कि बॉलीवुड के बिग बी। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की फिल्म आ रही है चेहरा, जिसमें अमिताभ बच्चन निभाने वाले हैं एक लॉयर का रोल, और साथ ही साथ हमें दिखने वाले हैं इमरान हाशमी इन द रोल ऑफ बिजनेस टाइकून। हमने पिंक के पहले या पिंक के बाद भी पहली बार ही देखने वाले हैं अमिताभ बच्चन को एक लॉयर के रूप में, और साथ ही में इसमें और भी नए एक्टर्स होने वाले हैं, जैसे कि रिया चक्रवर्ती, अनु कपूर और साथ ही साथ क्रिस्टल डिसूजा। ये तीनों ही एक्टर्स एज ए सपोर्टिंग रोल्स इस फिल्म में और भी नजर आने वाले हैं। जब इमरान हाशमी से पूछा गया कि उनके वर्कआउट वीडियोस के बारे में और साथ ही साथ टाइगर 3 की शूटिंग के लिए, तो उन्होंने कहा कि उस इंटरव्यू में कि उन्हें तो टाइगर 3 की शूटिंग कर भी नहीं रहे हैं। उसको सुन के सबको काफ़ी ज़्यादा शॉक भी लगा, और ये हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ तो है ही। आखिर सबको यही लगा था कि वो टाइगर 3 में हमें नज़र आने वाले हैं एंटागोनिस्ट के रूप में। अब बात अगर कैटरीना कैफ और उनकी ट्रेनिंग की करें, तो कैटरीना कैफ काफ़ी ज़्यादा तैयार हो रही हैं फिल्म टाइगर 3 के लिए, क्योंकि इस फिल्म में होने वाले हैं काफ़ी सारे एक्शन सीन्स और एक्शन सीक्वल्स, जिसको लेकर उनको काफ़ी तैयारी करनी पड़ रही है। वो अपनी रेगुलर ट्रेनर यास्मीन कराची वाला के साथ साथ साउथ कोरिया के एक नए क्रू के साथ भी ट्रेनिंग कर रही है। दोनों का ही रेजिमेंट और काफ़ी अलग अलग ट्रेनिंग होने के कारण उनकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग तो चल ही रही है। साथ ही साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि वो किस तरीके से अपनी बॉडी को फिट रख के मटेरियल आज सीखना स्टार्ट कर रही हैं। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए लेकर आते हैं एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आप देख सकें हॉट एंड स्पाइसी न्यूज़ अबाउट बॉलीवुड। और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि क्या आप सभी तैयार हैं टाइगर 3 के लिए। अगर हाँ तो यस कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूँ आपकी होस्ट पंखुरी। किसी भी फिल्म या किताब या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसकी कहानी जानने में लोगों का इंटरेस्ट उभरता हो, उसके लिए उस पिक्चर या किताब का नाम काफी ज्यादा मायने रखता है। अगर फिल्म का नाम अट्रैक्टिव ना हो, या फिर अगर वो नाम ऑडियंस को पसंद ना आए, तो फिर उस फिल्म को थिएटर्स में देखने जाने का इंटरेस्ट भी घटता ही रहता है। इसीलिए किसी भी मूवी के नाम को बड़े ध्यान से चुनना पड़ता है, और ऐसी ही कुछ दुविधा में है टाइगर 3 के मेकर्स। जी हाँ दोस्तों, टाइगर 3 के नाम को लेकर अभी भी फिल्म के मेकर्स कंफ्यूजन में हैं, और इस पिक्चर के नाम पर अभी भी कोई पक्की खबर नहीं आई है। सबसे पहले फिल्म के मेकर्स ने ये डिसाइड किया था कि टाइगर 3 के नाम को द फाइनल मिशन रखा जाएगा। फाइनल मिशन इसलिए क्योंकि ये पिक्चर टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी की तीसरी और आखिरी इंस्टॉलमेंट होने वाली थी, जिसके बाद टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी के और पार्ट्स नहीं बनेंगे। लेकिन ये नाम सुनने में हॉलीवुड फिल्म जैसा लग रहा है, और टाइगर फिल्म सीरीज के एक भी नाम से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा। ऐसे में फिल्म के मेकर्स ने सोचा कि द फाइनल मिशन टाइगर 3 के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा, और इसीलिए नाम दूसरा सोचना पड़ेगा। फिल्म के मेकर्स ने ऑडियंस की राय लेनी चाहिए, और उनसे पूछा गया कि फिल्म का नाम क्या होना चाहिए। तब काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये बताया कि टाइगर 3 का नाम होना चाहिए टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा। यह सुनने में थोड़ा फनी तो लग रहा है, लेकिन देखा जाए तो टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी के लिए बिल्कुल सही है। टाइगर फिल्म सीरीज में सबसे पहली फिल्म का नाम था एक था टाइगर, जिसमें हर मुश्किल का मुकाबला करने के बाद भी टाइगर को कुछ नहीं हुआ। टाइगर फिल्म सीरीज की दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम था टाइगर जिंदा है, जहां सलमान खान यानी कि टाइगर मरने की कगार पर खड़े थे, लेकिन मौत के मुंह से भी बाहर निकल आए।
इसीलिए फिल्म के मेकर्स ये दिखाना चाहते हैं कि टाइगर हर मुश्किल मिशन से बचकर निकल आएगा, यानी कि टाइगर कभी भी मर नहीं सकता। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा नाम बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा, लेकिन ये नाम सुनने में कुछ खास नहीं लग रहा। इसीलिए फिल्म के मेकर्स ने डिसाइड किया कि टाइगर 3 का नाम टाइगर अमर है रखा जाएगा। हालांकि फिल्म के नाम का मतलब तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये टाइटल सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। जहां टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा सुनने में काफी घिसा पिटा लग रहा है, इसीलिए फिल्म के मेकर्स ने सोचा है कि टाइगर अमर है का चटका लिया जाए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम बात करते हैं आने वाली फिल्मों की और आज की फिल्मों की। आज फिर हाजिर हूं मैं, यानी आपकी होस्ट सिमरन ग्रोवर, बॉलीवुड की फिल्मों के कुछ ताजा अपडेट्स के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और बॉलीवुड डीवा कटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 के बारे में। सलमान खान और कटरीना कैफ की ब्लॉकबस्टर हिट मूवी एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के बाद मेकर्स तैयार है इसका तीसरा पार्ट यानी टाइगर 3 बनाने को। टाइगर 3 के बनने की खबरें जैसे ही ऑन द फ्लोर आई हैं, वैसे ही ऑडियंस बेहद एक्साइटेड हो चुकी है अपने फेवरेट पेयर सलमान खान और कटरीना कैफ को एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए। खबर है कि टाइगर 3 की लीड एक्ट्रेस कटरीना कैफ जोरों शोरों से वर्कआउट कर रही हैं और स्क्वाट्स, जंपिंग और कुछ एक्शन मूव्स की ट्रेनिंग भी ले रही हैं। फिल्म टाइगर 3 को लेकर कटरीना इतनी मेहनत कर रही हैं, ऐसे में अंदाजा है कि फिल्म टाइगर 3 में कटरीना कैफ कुछ एक्शन सीन्स भी करती हुई नजर आ सकती है। कटरीना के फैंस उनको एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे आपको पता है कि बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन कही जाने वाली कटरीना कैफ इंडिया से नहीं है और ना ही इंडियन है। कटरीना के पास ब्रिटिश की नागरिकता है और आपको बता दें कि उनका जन्म हांगकांग में हुआ था। दरअसल कटरीना की माँ की एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता है और वो कई सामाजिक कार्य करने वाली संस्थानों से जुड़ी थी और उनसे जुड़े कामों से कई अलग अलग देशों में रही है, जिसकी वजह से कटरीना भी कई देशों में रही है। और हाँ, ये ख्याल तो आपके दिमाग में आता ही होगा कि आखिर सलमान खान और कटरीना कैफ पहली बार कब मिले थे और कहाँ मिले थे, तो हम हाजिर हैं इस जवाब के साथ। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने बताया कि जब वो कटरीना कैफ से पहली बार मिले थे तो वो महज 18 साल की थी। सलमान की फैमिली ने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा था और कटरीना उनके घर पार्टी के लिए गई थी। सलमान ने बताया कि कटरीना सलमान की बहनों को और सलमान के दोस्तों को जानती थी पर उन्हें नहीं जानती थी। उस पार्टी में ही सलमान खान और कटरीना कैफ की एक दूसरे से पहली बार मुलाकात हुई और जान पहचान हुई। सलमान खान और कटरीना कैफ टाइगर 3 में फिर साथ में काम करते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, टाइगर 3 अगले साल यानी 2022 में रिलीज होगी। फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फिल्मी दुनिया के बाकी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को, यहाँ हम देंगे आपको बॉलीवुड की फिल्मों की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो जाते जाते कीजिए इस वीडियो को लाइक और हाँ, कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आपको पता था कि कटरीना और सलमान पहली बार कब मिले थे, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तब तक लगता क्या होने वाली फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जैन। दोस्तों सुपरस्टार सलमान के साथ पहली बार नजर आने वाले हैं इमरान हाशमी और इस फिल्म को लेकर फैंस काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। आपको बता दें इमरान हाशमी टाइगर 3 के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर किसी भी तरह की बातचीत करने से वो आज तक बचते आए हैं। लेकिन अब इमरान हाशमी का एक बयान सामने आया है, उन्होंने अपने नेगेटिव किरदार के बारे में कहा है। इसके अलावा खबर थी कि इस फिल्म में उनकी एंट्री पर 10 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। इमरान हाशमी इस दौरान बॉलीवुड हंगामा से बात कर रहे थे। उन्होंने टाइगर 3 को लेकर कहा कि मैंने इन सब बातों के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सब कर रहा हूँ। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि सलमान के सामने एक विलन के तौर पर लोग आपको क्यों देखना चाहते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ। इमरान हाशमी का ये बयान काफी चर्चा में है। फैंस का कहना है कि वो काफी बड़ा धमाका करने वाले हैं, इस फिल्म में जो भी होगा वो देखने लायक होगा। इमरान हाशमी अपने करियर में पहली बार इतनी बिग बजट फिल्म में नेगेटिव रोल करने वाले हैं, इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। खबर आई थी कि टाइगर 3 में इमरान हाशमी एक से बढ़कर एक अलग तरह के लुक में नजर आने वाले हैं। इस एक्शन जासूसी फिल्म में इमरान हाशमी का विलन लुक लार्जर देन लाइफ दिखाया जाएगा।
इमरान हाशमी पहली बार सलमान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, वो भी आमने सामने होंगे। और वहीं आपको बता दें इमरान हाशमी का जो किरदार होने वाला है वो उस तरह से लिखा गया है कि स्क्रीन पर जब आएगा तो लंबे समय तक लोगों के दिलों दिमाग में याद रहेगा। वहीं निर्माता आदित्य चोपड़ा ने टाइगर 3 का जो बजट भी रखा है वो हाईफाई है, 350 करोड़ का बजट इस फिल्म का है। ज्यादातर पैसे एक्शन सीन और हाई शूटिंग लोकेशन पर खर्च किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें टाइगर जिंदा है बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों के बीच तीसरा नंबर रखती है। इस फिल्म ने 340 करोड़ की कमाई की। टाइगर 3 की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बॉयफ्रेंड की बात करें तो सलमान इस वक्त किट्टू भाईजान और ब्लैक टाइगर को लेकर चर्चाओं में है। फिलहाल टाइगर 3 की शूटिंग रशिया में कर रहे हैं, काफी बिजी है। सलमान के लुक्स फैंस के सामने आते ही रहते हैं। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। दोस्तों सलमान खान फिलहाल रूस में अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं। सलमान और कैटरीना रूस में करीब करीब एक महीने तक रुककर शूटिंग पूरी करने का प्लान करेंगे। इस बीच शूटिंग से फुर्सत मिलते ही सलमान वक्त निकाल कर घूमने निकल गए। सलमान ने रूस की सड़कों पर कई फैंस से मुलाकात की और उनके साथ फोटो भी खिंचाई, जहां एक फोटो में सलमान एक बच्ची के साथ पोज देते दिख रहे, वहीं एक और फोटो में वो एक आदमी के साथ नजर आ रहे। सलमान की तस्वीरें देख सोशल मीडिया पर लोग जमकर कमेंट कर रहे। इन फोटोज में सलमान के चेहरे पर काफी झुर्रियां दिख रही हैं। सलमान की फोटोज देख एक शख्स ने कमेंट करते हुए कहा, ये तो बिल्कुल बूढ़े दिखने लगे हैं। वहीं इसके अलावा एक और यूजर ने कहा, सलमान को अब डैडी के रोल शुरू कर देने चाहिए। एक अन्य शख्स कहता है, हाय रब्बा, ये सलमान को क्या हो गया। वहीं कुछ लोग सलमान के साथ फोटो खिंचा रहे एक फैन को श्रद्धा कपूर से कंपेयर कर रहे हैं। एक शख्स ने कहा, ये तो बिल्कुल श्रद्धा कपूर लग रही है। एक और शख्स ने कहा, सलमान से ज्यादा तो उनके फैंस लग रहे हैं। बता दें कि इससे पहले फिल्म टाइगर 3 के सेट से सलमान का लुक सामने आया। इस लुक में सलमान लंबे बालों के साथ भूरे रंग की दाढ़ी में नजर आए थे। उन्होंने टी शर्ट के ऊपर चेक वाली जैकेट और जींस पहनी थी। सलमान का ये लुक सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस जमकर तारीफ कर रहे थे। वहीं सलमान खान के बाद फिल्म में कैटरीना कैफ का लुक भी रिवील हुआ। कैटरीना कैफ खुले बालों में बिना मेकअप के नजर आई थी। उन्होंने काले रंग की हुडी और जींस पहन रखी थी। बता दें टाइगर यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाई जा रही है। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग तुर्की में होगी। इसके अलावा 5 अलग अलग देश इंटरनेशनल में भी शूट किए जाएंगे। मुंबई में इस फिल्म की 45 दिनों की शूटिंग कोरोना लॉकडाउन से पहले की गई थी। इसमें ज्यादातर सीन सलमान ने शूट किए थे। इसके बाद इसका अगला शेड्यूल रूस में शूट किया जा रहा है। फिल्म में इमरान हाशमी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट बने हैं, जो भारतीय जासूस सलमान खान से टक्कर लेगा। टाइगर फ्रेंचाइजी एक स्पाई फिल्मों की सीरीज है, जिसका पहला पार्ट एक था टाइगर 2012 में आया था। इसका डायरेक्शन कबीर खान ने किया था। पहले फिल्म की सफलता के बाद मेकर्स ने 2017 में फिल्म का दूसरा पार्ट टाइगर जिंदा रिलीज किया। इसका डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया। 2012 में आई एक था टाइगर और साल 2017 में आई टाइगर जिंदा ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी। 2012 में रिलीज हुई एक था टाइगर ने जहां 237 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। वहीं 5 साल बाद 2017 में रिलीज हुई टाइगर जिंदा ने 339 करोड़ का बिजनेस किया था। सलमान खान टाइगर 3 के अलावा जल्दी फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ और शाहरुख खान की पठान फिल्म में नजर आने वाले हैं। वेल, आपको कैसा लगा सलमान खान का लुक? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियो। क्या सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी तीनों ही निगेटिव रोल में दिखने वाले हैं टाइगर 3 में? किसने कहा कि ये मेरा सबसे बड़ा सपना है और उम्मीद है कि ये सच हो जाए? कौन करने वाला है टाइगर 3 का निर्देशन? हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता रोहरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म टाइगर 3 के और उसकी कुछ ऐसी बातों में जो आपको शायद नहीं पता होगी। उन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वैसे आपको बता दें कि टाइगर 3 बहुत ही मोस्ट अवेटेड फिल्म और बहुत ही बॉलीवुड में बज वाली फिल्म बन गई है, जिसमें काम करने वाले हैं इमरान हाशमी, सलमान खान और साथ ही साथ कैटरीना कैफ। सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों ही हमें एज एजेंट दिखाई पड़ते हैं टाइगर की इस फ्रेंचाइजी पर। अब अगर बात हम इमरान हाशमी की करें तो इमरान हाशमी ने यशराज प्रोडक्शंस के साथ इस फिल्म पे काम करने पर बिल्कुल इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपको किसने कहा कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ? पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, जबकि मैंने इस फिल्म को लेकर आज तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी। तो इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें इमरान हाशमी काम करने वाले हैं, जैसा लोगों ने उनके सोशल मीडिया पोस्ट और उनके वर्कआउट सेशंस को देख के अज्यूम कर लिया था। जैसे ही टाइगर 3 की कास्ट का पता चला, और नहीं तो उसमें सिर्फ नाम आया था सलमान खान और साथ ही साथ उनके दिखने वाली थी हमें जो हमेशा से दिखती आई है कैटरीना कैफ,
और जब इसको लेकर इमरान हाशमी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कभी इस फिल्म का हिस्सा था ही नहीं और मुझे पता नहीं कि ये रूमर्स क्यों फैल रहे हैं। उनका कहना है कि उनका ये बहुत बड़ा सपना है कि वो सलमान खान के साथ काम करे और उम्मीद है कि ये सपना कभी ना कभी सच हो सकता है। अब आप बात करते हैं टाइगर 3 के बारे में, तो पहले टाइगर की फ्रेंचाइजी के बारे में बात करें तो एक था टाइगर जो कि 2014 में स्टार्ट हुई थी। इसमें देखते हैं सलमान खान टाइगर कोडवर्ड के एक एजेंट के रूप में, जिनको एक पाकिस्तानी एजेंट जिनका नाम रहता है जोया, जिनका भूमिका निभा रही होती है कैटरीना कैफ, उनसे प्यार हो जाता है। 2017 में आती है एक और फिल्म टाइगर फ्रेंचाइजी की जिसका नाम है टाइगर जिंदा है, जिसमें हमें दिखाई पड़ती है जोया इराक के आतंकवादी संगठनों से बंधे हुए कुछ लोगों को बचाते हुए। ऐसा कहा जाता है कि 2014 की जो फिल्म है एक था टाइगर, वो एक असली घटना पर प्रेरित होकर फिर बनाई गई थी। अब बात करें इस फिल्म की तो इसमें भी हमें ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ सकता है जिसमें दोनों ही एजेंट के रूप में दिखाई पड़ने वाले हैं। और अब फिल्म की स्टोरी क्या और कैसी होगी ये तो हम देखेंगे ही, लेकिन अब इस फिल्म की शूटिंग के बारे में बात करते हैं तो ऐसा है कि इस फिल्म की शूटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई पड़ रहे हैं सलमान खान और कैटरीना कैफ, और इमरान हाशमी इसमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जहां पे हमने देखा था कि टाइगर के फर्स्ट पार्ट को शूट किया गया था अहमद खान ने, तो वहीं हमने देखा था सेकंड पार्ट को शूट किया था अली अब्बास जफर ने, और अब ऐसा आ रहा है कि इसके थर्ड पार्ट को शूट करने जा रहे हैं मनीष शर्मा। तीनों के ही डायरेक्टर अलग अलग हैं लेकिन तीनों की स्टोरीज काफी अच्छी होने वाली है, ऐसा तो हमको लगता ही है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे। इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट सीन शूट करने के बाद सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में कर रहे हैं सलमान खान कैटरीना कैफ अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कंप्लीट। इस फिल्म की शूटिंग देखने के लिए काफी सारे फैंस आए थे उस एरिया में। सलमान के कई फैन पेजेस ने उनकी और कैटरीना की तस्वीरें भी शेयर की है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म में सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान भी असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में नजर आएंगे। जी हाँ, सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान अब फाइनली बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। टाइगर 3 के लिए खास तौर पर निर्वाण खान ने टेक्निकल चीजों के अलावा और भी कई चीज सीखी है, जैसे कि सेट आखिर कैसे डिजाइन किया जाता है, किस किस के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है, इन तमाम बातों पर निर्वाण खास ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, ये फिल्म जब मुंबई में शूट किया जा रहा था तो उस दौरान कोविड की वजह से इसकी शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा था। अब फाइनली इसकी आगे पार्ट की शूटिंग जो है वो रशिया में कंप्लीट हो रही है। मुंबई में एक तरफ कोविड महामारी तो दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से फिल्म के शूटिंग लोकेशन पर खासा दिक्कतें आई थी, और इतना ही नहीं फिल्म यूनिट को करीब 1-9 करोड़ का लॉस भी हो गया था, क्योंकि फिल्म का सेट पूरी तरीके से तबाह हो गया था। अब हम तो यही उम्मीद करेंगे कि फिल्म को जितना भी लॉस हुआ है वो सब कुछ पे बैक हो जाए टाइगर 3 के सक्सेस के बाद। इस फिल्म के लिए शुरुआती दौर में ऐसा कहा जा रहा था कि इमरान हाशमी टाइगर 3 में विलेन के किरदार में नजर आएंगे, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा नहीं होने वाला है और इसकी कंफर्मेशन खुद इमरान हाशमी ने दी है। हालांकि उन्होंने ऑडियंस को थोड़ा कंफ्यूज करते हुए कहा कि मेरी अपकमिंग फिल्म क्या होने वाली है और मैं कैसा किरदार निभा हूँ ये ऑडियंस को फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। मतलब निश्चित तौर पर इमरान हाशमी पूरी तरीके से सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इमरान हाशमी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 में विलेन के किरदार में नजर आएंगे या फिर नहीं, और अगर वो नजर नहीं आती हैं तो फिर कौन दिखेंगे टाइगर 3 में विलेन के रूप में, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। कब रिलीज होने जा रही है टाइगर 3? इमरान हाशमी की बॉडी देखकर फैंस क्यों बोले सलमान भाई पिटने वाले? क्या होने वाली है टाइगर 3 की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जैन। दोस्तों, सुपरस्टार सलमान खान की टाइगर 3 काफी जोरों से शूट मोड पर ऑन है। इस फिल्म के लिए सभी सितारे काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि काफी जल्दी इस फिल्म के विलन यानी कि इमरान हाशमी उड़ान भरते नजर आएंगे। तुर्की जाकर वो इस फिल्म की स्टार कास्ट से जुड़ने वाले हैं। सलमान खान से भिड़ने के लिए इमरान हाशमी कितनी मेहनत कर रहे हैं, जिम में कितना पसीना बहा रहे, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर सामने आई है वो किसी को भी खुश करने के लिए काफ़ी है। दरअसल इस तस्वीर में इमरान हाशमी काफ़ी धमाकेदार बॉडी में नजर आ रहे हैं। लोग देखा गए ना, बाबा रे इतने खतरनाक नजर आ रहे हैं।
इस तस्वीर के सामने आते ही ये काफी ज्यादा पसंद की जा रही है, सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रही है। इमरान हाशमी ने इस तस्वीर को खुद पोस्ट किया है और जिम मोटिवेशन फैंस के लिए साझा किया है। उन्होंने इसके साथ लिखा है फ्राइडे फ्लेक्स, हैशटैग जिम मोटिवेशन, हैशटैग ट्राइसेप्स वर्कआउट। इमरान हाशमी इस तस्वीर में ट्राइसेप्स के सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर है सलमान खान के सामने शर्ट उतारने के लिए उनको काफी ज्यादा मेहनत करनी थी। इस तस्वीर पर मोहित सूरी ने कमेंट किया है, इस लुक को किलर कहा है। सलमान खान और उनकी पूरी ड्रीम स्टार कास्ट इस समय तुर्की में है और रशिया से शूट करके वो वहां पर पहुंचे हैं। खबर थी कि टाइगर थ्री के लिए पहला सीन इमरान हाशमी तुर्की में ही शूट करेंगे। हालांकि किसी ने भी इस बात को लेकर ऐसा ऐलान नहीं किया है कि इमरान हाशमी इस फिल्म का हिस्सा है। हाल ही में पता चला था कि इमरान हाशमी ने कहा था कि वो ऐसी किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनने वाले। हालांकि सभी जानते हैं कि सच्चाई क्या है, यशराज फिल्म्स की ये धमाकेदार सीरीज अभी तक कामयाब रही है और इस फिल्म के तो एक अलग ही लेवल पर बनाया जाना है, मतलब टाइगर थ्री का लेवल और भी ज्यादा अप होने वाला है। सलमान खान का किरदार काफी ज्यादा अलग है पठान से। इस फिल्म का संबंध कहा जा रहा है, यशराज फिल्म्स ने इस फिल्म की कहानी को काफी शानदार तरीके से उतारने का फैसला किया है। मनीष शर्मा के निर्देशन में ये बिग बजट फिल्म बनने जा रही है। इससे पहले टाइगर जिंदा है भी काफी ज्यादा बड़े बजट में बनी थी और अब टाइगर थ्री की बारी है, जिसमें कि एक्शन से लेकर धमाल सब कुछ अलग ही लेवल का होगा। तो दोस्तों आप कितना वेट कर रहे हैं टाइगर थ्री का, आप कितना वेट कर रहे हैं कि एक तरफ इमरान हो दूसरी तरफ सलमान हो और इनकी भिड़ंत, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को। सलमान खान को किसके साथ अपना बॉन्ड शेयर करना था कि उनको सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम का सहारा लेना पड़ा? फिल्म टाइगर थ्री का निर्देशक कौन कर रहा है? और साथ ही साथ क्या लीक हुई फोटोज में सलमान खान मूछे और बड़ी दाढ़ी पर दिखाई पड़ रहे हैं? आपको बता दें कि सलमान खान अपने भतीजे निर्वाण खान के साथ कुछ ऐसे स्पेशल मोमेंट्स शेयर करते हुए नजर आए हैं और उसी बॉन्ड को शेयर करने के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम का सहारा लिया है। लगता है स्टार किड निर्वाण खान जो है वो उस पे प्राइम अनुभव लेने के लिए दिखाई पड़ रहे हैं। सलमान खान, कैटरीना कैफ और टाइगर थ्री की अभी पूरी ही टीम गई हुई है रूस शूटिंग के लिए, जहां से उनके कई सारे लुक्स भी रिवील हो गए और साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से फैंस ने फोटोज लेकर लीक कर दिए। पर उससे बड़ी बात हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस फिल्म में एज ए सपोर्टिंग डायरेक्टर कौन नजर आने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, निर्वाण खान इस फिल्म में एज ए सपोर्टिंग डायरेक्टर नजर आने वाले हैं। निर्वाण खान वॉन्टेड एक्टर यानी कि सलमान खान के भतीजे हैं और वो सोहेल खान के बेटे भी हैं। वो वहाँ पे प्राइम अनुभव लेने जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा शांत है। इंस्टाग्राम के उस पोस्ट पर ऐसा देख के लग रहा है कि दोनों का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रह रहा है एक के साथ, यानी कि सलमान खान और निर्वाण खान दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लग रहे हैं उन सारी पोस्ट में। चाचा भतीजा @NirvanKhan15 ऐसा कैप्शन लिख के सलमान खान ने एक प्यारी सी तस्वीर निर्वाण खान और अपने साथ उनकी पोस्ट की है, जिसमें दोनों ही एक रोड पर चलते नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें जो पिक्चर सलमान खान की लीक हुई थी, जिसमें वो बड़ी दाढ़ी और बड़ी मूंछ में नजर आ रहे हैं, उस फिल्म में भी निर्वाण खान उनके आसपास ही नजर आ रहे थे। खैर, आप टाइगर थ्री की स्टोरी लाइन्स की बात करें तो आपको बता दें कि टाइगर थ्री को सबसे पहले कबीर खान यानी कि 2012 में एक द टाइगर टाइगर फ्रेंचाइजी की सबसे पहली फिल्म को उन्होंने निर्माता किया था। फिर बाद में टाइगर जिंदा है ऐसा 2017 में धर्म सलमान खान की एक और फिल्म आई थी। अब जब टाइगर थ्री आने वाली है, जिसमें सलमान खान एज अ एजेंट दिखाई पड़ने वाले हैं और सोया जिनका रोल निभा रही है कैटरीना कैफ, वो ISI एजेंट के रूप में अपने किरदार दोहराते हुए नजर आने वाले हैं दोनों ही लोग टाइगर थ्री में। इसकी स्टोरी लाइन भी कुछ ऐसी ही होने वाली है जैसे कि बाकी फिल्मों की रही है, लेकिन हर बार की तरह इस बार कुछ अलग तो रहने ही वाला है फिल्म। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी अफवाहें फैल रही थी कि इस फिल्म में जो दिखने वाले हैं विलेन के रूप में इमरान हाशमी, जिन्होंने इस अफवाह को लेकर झूठा साबित कर दिया है और कहा कि वो तो इस फिल्म की शूटिंग के लिए कभी गए भी नहीं थे, पर वो बिल्कुल खुश मिजाज होते अगर उनको इस फिल्म के लिए चुना जाता। खैर, ये सब तो रही बात की बातें, आपको इसके बारे में जल्दी ही फिर से बताएंगे।
नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपकी होस्ट पंखुरी। टाइगर फिल्म सीरीज एक बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर स्पाई फिल्म सीरीज है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। इस फिल्म में सलमान खान और कटरीना कैफ लीड एक्टर्स के रूप में नजर आते हैं और इस फिल्म को कबीर खान ने डायरेक्ट किया है। टाइगर फिल्म सीरीज के राइटर कबीर खान और निलेश मिश्रा हैं। ये फिल्म आदित्य चोपड़ा द्वारा प्रोड्यूस की गई है और यशराज फिल्म प्रोडक्शन हाउस द्वारा इस फिल्म फ्रेंचाइजी को लॉन्च किया गया था। टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट यानी कि एक था टाइगर 2012 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और इसके बाद फिल्म के मेकर्स ने सोचा कि एक था टाइगर को एक फिल्म सीरीज के रूप में बनाया जा सकता है जिसका नाम टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी रखा गया। फिर 5 साल बाद 2017 में टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी का दूसरा इंस्टॉलमेंट टाइगर जिंदा है रिलीज किया गया और ये फिल्म भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर गई। अब कहा जा रहा है कि अगले साल यानी कि 2022 में टाइगर 3 रिलीज होने वाली है जो कि इस फिल्म सीरीज का तीसरा और आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं टाइगर 3 पर क्या नई अपडेट्स आई हैं। अभी हाल ही में ये खबर आई है कि अगस्त 2021 के महीने से ही टाइगर 3 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। सलमान खान और कटरीना कैफ इस बार भी टाइगर 3 में जबरदस्त एजेंट का रोल निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जहां सलमान हमें इंडिया के रॉ एजेंट के रूप में नजर आएंगे, वहीं कटरीना पाकिस्तानी ISI एजेंट के रूप में ही नजर आएंगी। फिर एक बार टाइगर फिल्म सीरीज का आगाज हो चुका है और जिस तरीके से फैंस को एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है पसंद आई थी, लगता है कि टाइगर 3 इन दोनों फिल्मों से ज्यादा बड़ा बॉम्ब फोड़ने वाली है। टाइगर 3 से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आपको हमारी अगली वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि हम इसकी शूटिंग लोकेशन के बारे में आपको बताएंगे उस वीडियो में। लेकिन टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी के फैंस के लिए ये खबर थोड़ी दुखदायी भी हो सकती है क्योंकि टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी जो कि एक फिल्म ट्रायलॉजी के रूप में आने वाली थी, अब फिल्म का तीसरा पार्ट बनाया जा रहा है और तीसरा पार्ट ही टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी का आखिरी इंस्टॉलमेंट भी होगा। यानी कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और कटरीना कैफ को एजेंट के रूप में ये आखिरी बार ही हम देख पाएंगे और टाइगर फिल्म की इंस्टॉलमेंट नहीं बने। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। जुलाई को सलमान खान की अपकमिंग मूवी टाइगर 3 के कुछ मजेदार बातें। सलमान खान और कटरीना कैफ ने अपनी आगामी फिल्म टाइगर 3 की एक साथ शूटिंग शुरू कर दी है जो इस समय की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म में इमरान हाशमी खलनायक के रूप में नजर आएंगे, वहीं शाहरुख खान का एक कैमियो भी होगा। जी हां दोस्तों, शूटिंग में किसी भी फोटो या वीडियो को लीक होने से बचाने के लिए फिल्म का डिस्क्रिप्शन गुप्त रखा गया है और सेट के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट मिली है कि फिल्म के करीबी सूत्रों ने खुलासा किया है कि टाइगर 3 का नया शेड्यूल यशराज फिल्म स्टूडियो में शुरू हो गया है। ये एक बारीकी से प्रोटेक्टेड सेट है और यहाँ से किसी की तस्वीर के लीक होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इस शेड्यूल के साथ साथ अगस्त के मध्य से शुरू होने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव विदेशी शेड्यूल में सलमान और कटरीना को फिटनेस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इन दोनों अभिनेताओं के लिए इंटेंस होगा क्योंकि निर्देशक मनीष शर्मा ने कुछ जॉ ड्रॉपिंग और साथ ही साथ बेहद जोखिम भरे एक्शन दृश्य की योजना बनाई है जो वास्तव में उनके ओवरऑल फिटनेस लेवल का टेस्ट करेंगे जब वे अपना विदेशी कार्यक्रम शुरू करेंगे। बेशक सलमान और कटरीना इसके लिए तैयार हैं और किसी भी चुनौती का सामना करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये एक मजेदार शेड्यूल होगा। सूत्रों ने यह भी कहा कि सलमान ने अपने सोशल मीडिया पर टाइगर 3 में अपनी फिजिक को मेंटेन करने की एक तस्वीर शेयर की और यह क्लियर किया कि वह अब तक स्क्रीन पर दिखाए गए सबसे अच्छी फिजिक का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी ओर कटरीना इस समय कितनी अच्छी दिख रही है इस बारे में शायद ही प्रिपरेशन की जरूरत होगी। इसका भी एक कारण है, उन्होंने अपने सबसे फिट होने के लिए काफी मेहनत की है और लोगों को उन्हें स्क्रीन पर सबसे फिट देखने के लिए इंतजार करना होगा जब टाइगर 3 रिलीज होने के लिए तैयार हो जाएगी। आपको बता दें कि सलमान खान और कटरीना कैफ 18 अगस्त को जासूसी थ्रिलर यानी कि टाइगर 3 के इंटरनेशनल शेड्यूल की शूटिंग के लिए रूस भी जाएंगे जिसे पहले महामारी के कारण पहले रोक दिया गया था। 45 डेज का कठिन कार्यक्रम एक्शन सीन से भरा हुआ है और सलमान खान और कटरीना कैफ ऑस्ट्रिया और तुर्की सहित कम से कम 5 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों में शूटिंग करेंगे। महामारी को देखते हुए YRF के मालिक आदित्य चोपड़ा एक जंबो चार्टर के माध्यम से कलाकारों और चालक दल को भेज रहे हैं।
एक सूत्र ने लिखा कि यश राज, सलमान खान, कटरीना कैफ, डायरेक्टर मनीष शर्मा, पूरी कास्ट और क्रू सहित सभी के लिए इस इंटरनेशनल शेड्यूल के लिए जेट किराए पर ले रहा है और साथ ही साथ जो टीम कुछ शानदार शूटिंग शेड्यूल को पूरा करने में मदद करेगी। खैर, आप टाइगर 3 को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। तब तक यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म टाइगर 3 से जुड़ी कुछ अनोखी बातों के बारे में और उन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आपको बता दें कि टाइगर फ्रेंचाइजी सलमान खान और कैटरीना कैफ की एक बहुत सक्सेसफुल फिल्म रही है, जहाँ पे हमने देखा था पहले पार्ट को इतना क्रॉस बॉर्डर प्रेम दिखाया गया था जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों ही अलग अलग देश को बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उनकी लव स्टोरी काफी आगे तक बढ़ी थी। हमने देखा था कि उसके करीब करीब 4 सीन्स जो है वो बड़ी अच्छी जगहों पर शूट हुए थे, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो मेडन टावर में शूट हुआ था, तो दूसरी जगह हम देखते हैं कि मॉडर्न टावर में भी इसका शूटिंग किया गया था। ये दोनों ही इतने बड़े पैलेसेस यूरोप के माने जाते हैं जो कि वो काफी ज्यादा हाई बजट थे और इसलिए ये फिल्म भी काफी ज्यादा हाई बजट थी और बहुत ही ज्यादा पसंद की गई थी लोगों में। क्रॉस बॉर्डर्स मूवी वैसे भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन अब उसका बजट जब और बढ़ाया जाए तो वो फिल्म और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब ऐसे में जब हमने ये देखा कि अभी हाल ही में सलमान खान कहीं पे गए हुए थे अपनी शूटिंग पे, वहाँ पे यूरोप में कुछ ऐसी भीड़ जमा हो गई थी और शूटिंग लोकेशंस में भीड़ जमा होने के कारण उनके लुक लीक हो गए थे जो कि फैंस को काफी पसंद आए थे। अब हमें ये देखना है कि क्या टर्की में सलमान खान जाते हैं जहाँ पे उनकी टाइगर 1 था टाइगर की शूटिंग स्टार्ट हुई थी। तो जी हाँ दोस्तों, अब हो सकता है कि फिल्म टर्की में जाके शूट की जाए जहाँ पे 1 था टाइगर, यानी कि टाइगर फ्रेंचाइजी की फर्स्ट पार्ट शूट की गई थी। सलमान खान बॉलीवुड के एक ऐसे हीरोज में से एक आते हैं जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं और जिनका फैन बेस काफी ज्यादा बड़ा है। अब ऐसे में ब्लॉकबस्टर फिल्में लाना उनके लिए आम बात सी हो गई है, जहां हम ये देखते हैं कि सलमान खान हर साल एक ना एक ब्लॉकबस्टर मूवी लेके ही आते हैं अपने फैंस के लिए। तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि सलमान खान के फैंस अपने उनके भाईजान के लिए किस तरीके का वेट करते हैं और कितने इंटरेस्टिंग से उनकी सारी एक्टिंग्स को देखते हैं। अब ऐसे में सलमान खान टाइगर 3 ला रहे हैं जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपको बता दें कि रशिया में ये हो रही थी इसकी शूटिंग। अब हम देखते हैं कि पूरी टीम सलमान खान के साथ जा पहुंची है टर्की। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद वो जाने वाले हैं इस्तांबुल में। चौंका देने वाली बात तो ये होने वाली है कि इस्तांबुल में कैसे उनका फैन बेस दिख सकता है हमें, और साथ ही साथ उनके कुछ फ्रेंड्स जिनका नाम है लूलिया वो भी दिखाई पड़ सकती है। सोशल मीडिया पोस्ट के अकॉर्डिंग वो उनके फ्रेंड्स जो है वो भी हमें दिखाई पड़ने वाले हैं इस्तांबुल। लूलिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसमें वो दिखाई पड़ रही थी एक शूटिंग पे और उन्होंने उसमें इस्तेमाल किया है हैशटैग टर्की का भी, जिससे ये साफ पता चलता है कि वो टर्की पे ही है। एक्चुअली उस वीडियो पे उनका चेहरा नहीं दिख रहा होता है और वो उस वीडियो पे एक सीढ़ियां चढ़ती है और फिर बाद में वो दिखाती है अपने फैंस को एक व्यू जो कि दिख रहा होता है होटल के आसपास का। और हैशटैग टर्की यूज करने के बाद फैंस ने ये तो पता लगा ही लिया कि कैसे अनुमान हो रहा है और कहाँ पे वो जा रही है। खैर, ये सब तो रही उनके फैंस की बात, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप हमारे फैन हैं। अगर हाँ तो यस लिख दीजिएगा साथ ही साथ उस वीडियो। कहाँ शूट की जा रही है आखिर टाइगर 3? क्या फितरत, क्या इमरान हाशमी हमें नहीं दिखने वाले हैं इस बार टाइगर 3 में? कैटरीना कैफ किस किस्म की ट्रेनिंग ले रही है टाइगर 3 के लिए? दिस इज दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। हालांकि हमने फिल्म टाइगर 3 के बारे में पहले ही एक वीडियो डाला हुआ है जिसके लिए काफी अच्छे रिस्पॉन्सेस के लिए काफी थैंक यू, बट आपके लिए अब हम कुछ नई खबरें लेकर आए हैं टाइगर 3 से रिलेटेड। तो उन सभी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। टाइगर 3 जिसकी हाल ही में काफी ज्यादा बज है बॉलीवुड में, वो बन ही रही है और इसकी शूटिंग का आगाज हो चुका है। तो दोस्तों आपको बता दें कि टाइगर 3 की ज्यादातर शूटिंग लोकेशंस फॉरेन की होने वाली है, जिसमें अभी पूरी टीम रशिया गई हुई है इसकी शूटिंग के लिए। साथ ही साथ कबीर खान द्वारा डायरेक्टेड फिल्म ये टाइगर की फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसके इतने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेस आए थे 2012 में जब इस फिल्म को बढ़ाया गया था। साथ ही साथ सलमान खान इस फिल्म में निभा रहे हैं अविनाश सिंह राठौड़ का रोल, जो कि एक रॉ के रूप में नजर आते हैं। वो कुछ मिशंस करते हुए हर साल नजर आते हैं, जिनके अपोजिट में रहती हुई इस बार दिखने वाली है हमें कैटरीना कैफ। जी हाँ दोस्तों, कैटरीना कैफ रहने वाली है सलमान खान के साथ फिल्म टाइगर 3 में।
इमरान हाशमी के वर्कआउट वीडियोस जो सोशल मीडिया पे उन्होंने डाले थे उसको देखकर सबको तो ऐसा लग ही गया था कि टाइगर 3 के एंटागोनिस्ट तो अब इमरान हाशमी होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अब आपके लिए एक बात हम और लेकर आए हैं और वो ये है कि इमरान हाशमी तो किसी और फिल्म की शूटिंग के लिए ही तैयारी कर रहे थे जिसका नाम है चेहरा, और उस फिल्म में दिखने वाले हैं उनके साथ हमें अमिताभ बच्चन यानी कि बॉलीवुड के बिग बी। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की फिल्म आ रही है चेहरा, जिसमें अमिताभ बच्चन निभाने वाले हैं एक लॉयर का रोल और साथ ही साथ हमें दिखने वाले हैं इमरान हाशमी इन द रोल ऑफ बिजनेस टाइकून। हमने पिंक के पहले या पिंक के बाद भी पहली बार ही देखने वाले हैं अमिताभ बच्चन को एक लॉयर के रूप में, और साथ ही में इसमें और भी नए एक्टर्स होने वाले हैं जैसे कि रिया चक्रवर्ती, अनु कपूर और साथ ही साथ क्रिस्टल डिसूजा। ये तीनों ही एक्टर्स एज अ सपोर्टिंग रोल्स इस फिल्म में और भी नजर आने वाले हैं। जब इमरान हाशमी से पूछा गया कि उनके वर्कआउट वीडियोस के बारे में और साथ ही साथ टाइगर 3 की शूटिंग के लिए, तो उन्होंने कहा कि उस इंटरव्यू में कि उन्हें तो टाइगर 3 की शूटिंग कर भी नहीं रहे हैं। उसको सुन के सबको काफ़ी ज़्यादा शॉक भी लगा, और ये हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ तो है ही। आखिर सबको यही लगा था कि वो टाइगर 3 में हमें नज़र आने वाले हैं एंटागोनिस्ट के रूप में। अब बात अगर कैटरीना कैफ और उनकी ट्रेनिंग की करें तो कैटरीना कैफ काफ़ी ज़्यादा तैयार हो रही हैं फिल्म टाइगर 3 के लिए, क्योंकि इस फिल्म में होने वाले हैं काफ़ी सारे एक्शन सीन्स और एक्शन सीक्वल्स जिसको लेकर उनको काफ़ी तैयारी करनी पड़ रही है। वो अपनी रेगुलर ट्रेनर यास्मीन कराचीवाला के साथ साथ साउथ कोरिया के एक नए क्रू के साथ भी ट्रेनिंग कर रही है। दोनों का ही रेजिमेंट और काफ़ी अलग अलग ट्रेनिंग होने के कारण उनकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग तो चल ही रही है, साथ ही साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि वो किस तरीके से अपनी बॉडी को फिट रख के मटेरियल आर्ट सीखना स्टार्ट कर रही हैं। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए लेकर आते हैं एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप देख सकें हॉट एंड स्पाइसी न्यूज़ अबाउट बॉलीवुड। और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि क्या आप सभी तैयार हैं टाइगर 3 के लिए। अगर हाँ तो यस कमेंट कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूँ आपकी होस्ट पंखुरी। किसी भी फिल्म या किताब या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसकी कहानी जानने में लोगों का इंटरेस्ट उभरता हो, उसके लिए उस पिक्चर या किताब का नाम काफी ज्यादा मायने रखता है। अगर फिल्म का नाम अट्रैक्टिव ना हो या फिर अगर वो नाम ऑडियंस को पसंद ना आए तो फिर उस फिल्म को थिएटर्स में देखने जाने का इंटरेस्ट भी घटता ही रहता है। इसीलिए किसी भी मूवी के नाम को बड़े ध्यान से चुनना पड़ता है, और ऐसी ही कुछ दुविधा में है टाइगर 3 के मेकर्स। जी हाँ दोस्तों, टाइगर 3 के नाम को लेकर अभी भी फिल्म के मेकर्स कंफ्यूजन में हैं, और इस पिक्चर के नाम पर अभी भी कोई पक्की खबर नहीं आई है। सबसे पहले फिल्म के मेकर्स ने ये डिसाइड किया था कि टाइगर 3 के नाम को द फाइनल मिशन रखा जाएगा। फाइनल मिशन इसलिए क्योंकि ये पिक्चर टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी की तीसरी और आखिरी इंस्टॉलमेंट होने वाली थी, जिसके बाद टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी के और पार्ट्स नहीं बनेंगे। लेकिन ये नाम सुनने में हॉलीवुड फिल्म जैसा लग रहा है और टाइगर फिल्म सीरीज के एक भी नाम से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा। ऐसे में फिल्म के मेकर्स ने सोचा कि द फाइनल मिशन टाइगर 3 के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा और इसीलिए नाम दूसरा सोचना पड़ेगा। फिल्म के मेकर्स ने ऑडियंस की राय लेनी चाहिए और उनसे पूछा गया कि फिल्म का नाम क्या होना चाहिए। तब काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये बताया कि टाइगर 3 का नाम होना चाहिए टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा। ये सुनने में थोड़ा फनी तो लग रहा है, लेकिन देखा जाए तो टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी के लिए बिल्कुल सही है। टाइगर फिल्म सीरीज में सबसे पहली फिल्म का नाम था एक था टाइगर, जिसमें हर मुश्किल का मुकाबला करने के बाद भी टाइगर को कुछ नहीं हुआ। टाइगर फिल्म सीरीज की दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम था टाइगर जिंदा है, जहां सलमान खान यानी कि टाइगर मरने की कगार पर खड़े थे लेकिन मौत के मुंह से भी बाहर निकल आए। इसीलिए फिल्म के मेकर्स ये दिखाना चाहते हैं कि टाइगर हर मुश्किल मिशन से बचकर निकल आएगा, यानी कि टाइगर कभी भी मर नहीं सकता। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा नाम बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा, लेकिन ये नाम सुनने में कुछ खास नहीं लग रहा। इसीलिए फिल्म के मेकर्स ने डिसाइड किया कि टाइगर 3 का नाम टाइगर अमर है रखा जाएगा। हालांकि फिल्म के नाम का मतलब तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये टाइटल सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, जहां टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा सुनने में काफी घिसा पिटा लग रहा है। इसीलिए फिल्म के मेकर्स ने सोचा है कि टाइगर अमर है का चटका लिया जाए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम बात करते हैं आने वाली फिल्मों की और आज की फिल्मों की। आज फिर हाजिर हूं मैं यानी आपकी होस्ट सिमरन ग्रोवर बॉलीवुड की फिल्मों के कुछ ताजा अपडेट्स के साथ।
आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और बॉलीवुड डीवा कटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 के बारे में। सलमान खान और कटरीना कैफ की ब्लॉकबस्टर हिट मूवी एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के बाद मेकर्स तैयार है इसका तीसरा पार्ट यानी टाइगर 3 बनाने को। टाइगर 3 के बनने की खबरें जैसे ही ऑन द फ्लोर आई है वैसे ही ऑडियंस बेहद एक्साइटेड हो चुकी है अपने फेवरेट पेयर सलमान खान और कटरीना कैफ को एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए। खबर है कि टाइगर 3 की लीड एक्ट्रेस कटरीना कैफ जोरों शोरों से वर्कआउट कर रही हैं और स्क्वाट्स जंपिंग और कुछ एक्शन मूव्स की ट्रेनिंग भी ले रही हैं। फिल्म टाइगर 3 को लेकर कटरीना इतनी मेहनत कर रही हैं ऐसे में अंदाजा है कि फिल्म टाइगर 3 में कटरीना कैफ कुछ एक्शन सीन्स भी करती हुई नजर आ सकती है। कटरीना के फैंस उनको एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे आपको पता है कि बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन कही जाने वाली कटरीना कैफ इंडिया से नहीं है और ना ही इंडियन है। कटरीना के पास ब्रिटिश की नागरिकता है और आपको बता दें कि उनका जन्म हांगकांग में हुआ था। दरअसल कटरीना की माँ की एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता है और वो कई सामाजिक कार्य करने वाली संस्थानों से जुड़ी थी और उनसे जुड़े कामों से कई अलग अलग देशों में रही है जिसकी वजह से कटरीना भी कई देशों में रही है। और हाँ, ये ख्याल तो आपके दिमाग में आता ही होगा कि आखिर सलमान खान और कटरीना कैफ पहली बार कब मिले थे और कहाँ मिले थे, तो हम हाजिर हैं इस जवाब के साथ। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने बताया कि जब वो कटरीना कैफ से पहली बार मिले थे तो वो महज 18 साल की थी। सलमान की फैमिली ने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा था और कटरीना उनके घर पार्टी के लिए गई थी। सलमान ने बताया कि कटरीना सलमान की बहनों को और सलमान के दोस्तों को जानती थी पर उन्हें नहीं जानती थी। उस पार्टी में ही सलमान खान और कटरीना कैफ की एक दूसरे से पहली बार मुलाकात हुई और जान पहचान हुई। सलमान खान और कटरीना कैफ टाइगर 3 में फिर साथ में काम करते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, टाइगर 3 अगले साल यानी 2022 में रिलीज होगी। फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फिल्मी दुनिया के बाकी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। यहाँ हम देंगे आपको बॉलीवुड की फिल्मों की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो जाते जाते कीजिए इस वीडियो को लाइक और हाँ, कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आपको पता था कि कटरीना और सलमान पहली बार कब मिले थे, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तब तक ललता होने वाली फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैन। दोस्तों, सुपरस्टार सलमान के साथ पहली बार नजर आने वाले हैं इमरान हाशमी और इस फिल्म को लेकर फैंस काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। आपको बता दें, इमरान हाशमी टाइगर 3 के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन इसको लेकर किसी भी तरह की बातचीत करने से वो आज तक बचते आए हैं। लेकिन अब इमरान हाशमी का एक बयान सामने आया है, उन्होंने अपने नेगेटिव किरदार के बारे में कहा है। इसके अलावा खबर थी कि इस फिल्म में उनकी एंट्री पर 10 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। इमरान हाशमी इस दौरान बॉलीवुड हंगामा से बात कर रहे थे। उन्होंने टाइगर 3 को लेकर कहा कि मैंने इन सब बातों के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सब कर रहा हूँ। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि सलमान के सामने एक विलन के तौर पर लोग आपको क्यों देखना चाहते हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ। इमरान हाशमी का ये बयान काफी चर्चा में है। फैंस का कहना है कि वो काफी बड़ा धमाका करने वाले हैं, इस फिल्म में जो भी होगा वो देखने लायक होगा। इमरान हाशमी अपने करियर में पहली बार इतनी बिग बजट फिल्म में नेगेटिव रोल करने वाले हैं, इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। खबर आई थी कि टाइगर 3 में इमरान हाशमी एक से बढ़कर एक अलग तरह के लुक में नजर आने वाले हैं। इस एक्शन जासूसी फिल्म में इमरान हाशमी का विलन लुक लार्जर देन लाइफ दिखाया जाएगा। इमरान हाशमी पहली बार सलमान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, वो भी आमने सामने होंगे। और वहीं आपको बता दें, इमरान हाशमी का जो किरदार होने वाला है वो उस तरह से लिखा गया है कि स्क्रीन पर जब आएगा तो लंबे समय तक लोगों के दिलो दिमाग में याद रहेगा। वहीं निर्माता आदित्य चोपड़ा ने टाइगर 3 का जो बजट भी रखा है वो हाईफाई है। 350 करोड़ का बजट इस फिल्म का है। ज्यादातर पैसे एक्शन सीन्स और हाई शूटिंग लोकेशन पर खर्च किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें, टाइगर जिंदा है बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों के बीच तीसरा नंबर रखती है। इस फिल्म ने 340 करोड़ की कमाई की। टाइगर 3 की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बॉयफ्रेंड की बात करें तो सलमान इस वक्त किक 2, भाईजान और ब्लैक टाइगर को लेकर चर्चाओं में है। फिलहाल टाइगर 3 की शूटिंग रशिया में कर रहे हैं, काफी बिजी है। सलमान के लुक्स फैंस के सामने आते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। दोस्तों, सलमान खान फिलहाल रूस में अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं।
सलमान और कैटरीना रूस में करीब करीब एक महीने तक रुककर शूटिंग पूरी करने का प्लान करेंगे। इस बीच शूटिंग से फुर्सत मिलते ही सलमान वक्त निकालकर घूमने निकल गए। सलमान ने रूस की सड़कों पर कई फैंस से मुलाकात की और उनके साथ फोटो भी खिंचाई, जहां एक फोटो में सलमान एक बच्ची के साथ पोज देते दिख रहे हैं, वहीं एक और फोटो में वो एक आदमी के साथ नजर आ रहे हैं। सलमान की तस्वीरें देख सोशल मीडिया पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। इन फोटोज में सलमान के चेहरे पर काफी झुर्रियां दिख रही हैं। सलमान की फोटोज देख एक शख्स ने कमेंट करते हुए कहा, ये तो बिल्कुल बूढ़े दिखने लगे हैं। वहीं इसके अलावा एक और यूजर ने कहा, सलमान को अब डैडी के रोल शुरू कर देने चाहिए। एक अन्य शख्स कहता है, हाय रब्बा, ये सलमान को क्या हो गया। वहीं कुछ लोग सलमान के साथ फोटो खिंचा रहे एक फैन को श्रद्धा कपूर से कंपेयर कर रहे हैं। एक शख्स ने कहा, ये तो बिल्कुल श्रद्धा कपूर लग रही हैं। एक और शख्स ने कहा, सलमान से ज्यादा तो उनके फैंस लग रहे हैं। बता दें कि इससे पहले फिल्म टाइगर 3 के सेट से सलमान का लुक सामने आया। इस लुक में सलमान लंबे बालों के साथ भूरे रंग की दाढ़ी में नजर आए थे। उन्होंने टी शर्ट के ऊपर चेक वाली जैकेट और जींस पहनी थी। सलमान का ये लुक सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस जमकर तारीफ कर रहे थे। वहीं सलमान खान के बाद फिल्म में कैटरीना कैफ का लुक भी रिवील हुआ। कैटरीना कैफ खुले बालों में बिना मेकअप के नजर आई थी। उन्होंने काले रंग की हुडी और जींस पहन रखी थी। बता दें टाइगर यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाई जा रही है। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग तुर्की में होगी। इसके अलावा 5 अलग अलग देश इंटरनेशनल में भी शूट किए जाएंगे। मुंबई में इस फिल्म की 45 दिनों की शूटिंग कोरोना लॉकडाउन से पहले की गई थी। इसमें ज्यादातर सीन सलमान ने शूट किए थे। इसके बाद इसका अगला शेड्यूल रूस में शूट किया जा रहा है। फिल्म में इमरान हाशमी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट बने हैं, जो भारतीय जासूस सलमान खान से टक्कर लेगा। टाइगर फ्रेंचाइजी एक स्पाई फिल्मों की सीरीज है, जिसका पहला पार्ट एक था टाइगर 2012 में आया था। इसका डायरेक्शन कबीर खान ने किया था। पहले फिल्म की सफलता के बाद मेकर्स ने 2017 में फिल्म का दूसरा पार्ट टाइगर जिंदा रिलीज किया। इसका डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया। 2012 में आई एक था टाइगर और साल 2017 में आई टाइगर जिंदा है ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी। 2012 में रिलीज हुई एक था टाइगर ने जहां 237 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, वहीं 5 साल बाद 2017 में रिलीज हुई टाइगर जिंदा है ने 339 करोड़ का बिजनेस किया था। सलमान खान टाइगर 3 के अलावा जल्दी फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ और शाहरुख खान की पठान फिल्म में नजर आने वाले हैं। वेल, आपको कैसा लगा सलमान खान का लुक? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियो। क्या सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी तीनों ही निगेटिव रोल में दिखने वाले हैं टाइगर 3 में? किसने कहा कि ये मेरा सबसे बड़ा सपना है और उम्मीद है कि ये सच हो जाए? कौन करने वाला है टाइगर 3 का निर्देशन? हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म टाइगर 3 के और उसकी कुछ ऐसी बातों में जो आपको शायद नहीं पता होगी। उन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वैसे आपको बता दें कि टाइगर 3 बहुत ही मोस्ट अवेटेड फिल्म और बहुत ही बॉलीवुड में बज वाली फिल्म बन गई है, जिसमें काम करने वाले हैं इमरान हाशमी, सलमान खान और साथ ही साथ कैटरीना कैफ। सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों ही हमें ऐसा एजेंट दिखाई पड़ते हैं टाइगर की इस फ्रेंचाइजी पर। अब अगर बात हम इमरान हाशमी की करें तो इमरान हाशमी ने यश राज प्रोडक्शंस के साथ इस फिल्म पे काम करने पर बिल्कुल इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपको किसने कहा कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ? पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, जबकि मैंने इस फिल्म को लेकर आज तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी। तो इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें इमरान हाशमी काम करने वाले हैं, जैसा लोगों ने उनके सोशल मीडिया पोस्ट और उनके वर्कआउट सेशंस को देख के अज्यूम कर लिया था। जैसे ही टाइगर 3 की कास्ट का पता चला, और नहीं तो उसमें सिर्फ नाम आया था सलमान खान और साथ ही साथ उनके दिखने वाली थी हमें जो हमेशा से दिखती आई है कैटरीना कैफ। और जब इसको लेकर इमरान हाशमी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कभी इस फिल्म का हिस्सा था ही नहीं और मुझे पता नहीं कि ये रूमर्स क्यों फैल रहे हैं। उनका कहना है कि उनका ये बहुत बड़ा सपना है कि वो सलमान खान के साथ काम करे और उम्मीद है कि ये सपना कभी ना कभी सच हो सकता है। अब आप बात करते हैं टाइगर 3 के बारे में, तो पहले टाइगर की फ्रेंचाइजी के बारे में बात करें तो एक था टाइगर जो कि 2014 में स्टार्ट हुई थी। इसमें देखते हैं सलमान खान टाइगर कोडवर्ड के एक एजेंट के रूप में, जिनको एक पाकिस्तानी एजेंट जिनका नाम रहता है जोया, जिनका भूमिका निभा रही होती है कैटरीना कैफ, उनसे प्यार हो जाता है। 2017 में आती है एक और फिल्म टाइगर फ्रेंचाइजी की, जिसका नाम है टाइगर जिंदा है, जिसमें हमें दिखाई पड़ती है जोया इराक के आतंकवादी संगठनों से बंधे हुए कुछ लोगों को बचाते हुए। ऐसा कहा जाता है कि 2014 की जो फिल्म है एक था टाइगर, वो एक असली घटना पर प्रेरित होकर फिर बनाई गई थी। अब बात करें इस फिल्म की, तो इसमें भी हमें ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ सकता है, जिसमें दोनों ही एजेंट के रूप में दिखाई पड़ने वाले हैं। और अब फिल्म की स्टोरी क्या और कैसी होगी ये तो हम देखेंगे ही, लेकिन अब इस फिल्म की शूटिंग के बारे में बात
बात करते हैं तो ऐसा है कि इस फिल्म की शूटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई पड़ रहे हैं सलमान खान और कैटरीना कैफ, और इमरान हाशमी इसमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ पे हमने देखा था कि टाइगर के फर्स्ट पार्ट को शूट किया गया था अहमद खान ने, तो वहीं हमने देखा था सेकेंड पार्ट को शूट किया था अली अब्बास जफर ने, और अब ऐसा आ रहा है कि इसके थर्ड पार्ट को शूट करने जा रहे हैं मनीष शर्मा। तीनों के ही डायरेक्टर अलग अलग हैं, लेकिन तीनों की स्टोरीज काफी अच्छी होने वाली है, ऐसा तो हमको लगता ही है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे। इंडिया में कुछ इम्पोर्टेंट सीन शूट करने के बाद सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में कर रहे हैं सलमान खान कैटरीना कैफ अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कंप्लीट। इस फिल्म की शूटिंग देखने के लिए काफी सारे फैंस आए थे उस एरिया में। सलमान के कई फैन पेजेस ने उनकी और कैटरीना की तस्वीरें भी शेयर की है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म में सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान भी असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में नजर आएंगे। जी हाँ, सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान अब फाइनली बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। टाइगर 3 के लिए खास तौर पर निर्वाण खान ने टेक्निकल चीजों के अलावा और भी कई चीज सीखी है, जैसे कि सेट आखिर कैसे डिजाइन किया जाता है, किस किस के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है, इन तमाम बातों पर निर्वाण खास ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, ये फिल्म जब मुंबई में शूट किया जा रहा था तो उस दौरान कोविड की वजह से इसकी शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा था। अब फाइनली इसकी आगे पार्ट की शूटिंग जो है वो रशिया में कंप्लीट हो रही है। मुंबई में एक तरफ कोविड महामारी तो दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से फिल्म के शूटिंग लोकेशंस पर खासा दिक्कतें आई थी, और इतना ही नहीं फिल्म यूनिट को करीब 1 से 9 करोड़ का लॉस भी हो गया था, क्योंकि फिल्म का सेट पूरी तरीके से तबाह हो गया था। अब हम तो यही उम्मीद करेंगे कि फिल्म को जितना भी लॉस हुआ है वो सब कुछ पे बैक हो जाए टाइगर 3 के सक्सेस के बाद। इस फिल्म के लिए शुरुआती दौर में ऐसा कहा जा रहा था कि इमरान हाशमी टाइगर 3 में विलेन के किरदार में नजर आएंगे, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा नहीं होने वाला है और इसकी कंफर्मेशन खुद इमरान हाशमी ने दी है। हालांकि उन्होंने ऑडियंस को थोड़ा कंफ्यूज करते हुए कहा कि मेरी अपकमिंग फिल्म क्या होने वाली है और मैं कैसा किरदार निभा हूँ ये ऑडियंस को फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। मतलब निश्चित तौर पर इमरान हाशमी पूरी तरीके से सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इमरान हाशमी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 में विलेन के किरदार में नजर आएंगे या फिर नहीं, और अगर वो नजर नहीं आती हैं तो फिर कौन दिखेंगे टाइगर 3 में विलेन के रूप में, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। कब रिलीज होने जा रही है टाइगर 3? इमरान हाशमी की बॉडी देखकर फैंस क्यों बोले सलमान भाई पिटने वाले? क्या होने वाली है टाइगर 3 की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोस, मैं हूं सोनिका जाट। दोस्तों, सुपरस्टार सलमान खान की टाइगर 3 काफी जोरों से शूट मोड पर ऑन है। इस फिल्म के लिए सभी सितारे काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि काफी जल्दी इस फिल्म के विलन यानी कि इमरान हाशमी उड़ान भरते नजर आएंगे। तुर्की जाकर वो इस फिल्म की स्टार कास्ट से जुड़ने वाले हैं। सलमान खान से भिड़ने के लिए इमरान हाशमी कितनी मेहनत कर रहे हैं, जिम में कितना पसीना बहा रहे, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर सामने आई है वो किसी को भी खुश करने के लिए काफी है। दरअसल इस तस्वीर में इमरान हाशमी काफी धमाकेदार बॉडी में नजर आ रहे हैं। लोग देखोगे ना, बाबा रे इतने खतरनाक नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आते ही ये काफी ज्यादा पसंद की जा रही है, सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रही है। इमरान हाशमी ने इस तस्वीर को खुद पोस्ट किया है और जिम मोटिवेशन फैंस के लिए साझा किया है। उन्होंने इसके साथ लिखा है फ्राइडे फ्लेक्स #, जिम मोटिवेशन #, ट्राइसेप्स वर्कआउट। इमरान हाशमी इस तस्वीर में ट्राइसेप्स के स्ट्रेच करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर है सलमान खान के सामने शर्ट उतारने के लिए उनको काफी ज्यादा मेहनत करनी थी। इस तस्वीर पर मोहित सूरी ने कमेंट किया है, इस लुक को किलर कहा है। सलमान खान और उनकी पूरी टीम स्टार कास्ट इस समय तुर्की में है और रशिया से शूट करके वो वहां पर पहुंचे हैं। खबर थी कि टाइगर 3 के लिए पहला सीन इमरान हाशमी तुर्की में ही शूट करेंगे। हालांकि किसी ने भी इस बात को लेकर ऐसा ऐलान नहीं किया है कि इमरान हाशमी इस फिल्म का हिस्सा है। हाल ही में पता चला था कि इमरान हाशमी ने कहा था कि वो ऐसी किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनने वाले। हालांकि सभी जानते हैं कि सच्चाई क्या है, यशराज फिल्म की ये धमाकेदार सीरीज अभी तक कामयाब रही है और इस
एक्शन के तो एक अलग ही लेवल पर बनाया जाना है, मतलब टाइगर थ्री का लेवल और भी ज्यादा अप होने वाला है। सलमान खान का किरदार काफी ज्यादा अलग है पठान से। इस फिल्म का संबंध कहा जा रहा है यशराज फिल्म्स ने इस फिल्म की कहानी को काफी शानदार तरीके से उतारने का फैसला किया है। मनीष शर्मा के निर्देशन में ये बिग बजट फिल्म बनने जा रही है। इससे पहले टाइगर जिंदा है भी काफी ज्यादा बड़े बजट में बनी थी और अब टाइगर थ्री की बारी है, जिसमें कि एक्शन से लेकर धमाल सब कुछ अलग ही लेवल का होगा। तो दोस्तों आप कितना वेट कर रहे हैं टाइगर थ्री का, आप कितना वेट कर रहे हैं कि एक तरफ इमरान हो दूसरी तरफ सलमान हो और उनकी भिड़ंत हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को। सलमान खान को किसके साथ अपना बॉन्ड शेयर करना था कि उनको सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम का सहारा लेना पड़ा? फिल्म टाइगर थ्री का निर्देशक कौन कर रहा है? और साथ ही साथ क्या लीक हुई फोटोज में सलमान खान मूछे और बड़ी दाढ़ी पर दिखाई पड़ रहे हैं? दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो और आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म टाइगर थ्री से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो आपको चौंका के रख सकती है। उन सारी बातों को जानने के लिए और उन एक्शन और थ्रिलर को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपको बता दें कि सलमान खान अपने भतीजे निर्वाण खान के साथ कुछ ऐसे स्पेशल मोमेंट्स शेयर करते हुए नजर आए हैं और उसी बॉन्ड को शेयर करने के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम का सहारा लिया है। लगता है स्टार किड निर्वाण खान जो है वो उस पे प्राइम अनुभव लेने के लिए दिखाई पड़ रहे हैं। सलमान खान, कैटरीना कैफ और टाइगर थ्री की अभी पूरी ही टीम गई हुई है रूस शूटिंग के लिए, जहां से उनके कई सारे लुक्स भी रिवील हो गए और साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से फैंस ने फोटोज लेकर लीक कर दिए। पर उससे बड़ी बात हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस फिल्म में एज ए सपोर्टिंग डायरेक्टर कौन नजर आने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, निर्वाण खान इस फिल्म में एज ए सपोर्टिंग डायरेक्टर नजर आने वाले हैं। निर्वाण खान वॉन्टेड एक्टर यानी कि सलमान खान के भतीजे हैं और वो सोहेल खान के बेटे भी हैं। वो वहाँ पे प्राइम अनुभव लेने जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा शांत है। इंस्टाग्राम के उस पोस्ट पर ऐसा देख के लग रहा है कि दोनों का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रह रहा है एक के साथ, यानी कि सलमान खान और निर्वाण खान दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लग रहे हैं उन सारी पोस्ट में। चाचा भतीजा @NirvanKhan15 ऐसा कैप्शन लिख के सलमान खान ने एक प्यारी सी तस्वीर निर्वाण खान और अपने साथ उनकी पोस्ट की है, जिसमें दोनों ही एक रोड पर चलते नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें जो पिक्चर सलमान खान की लीक हुई थी, जिसमें वो बड़ी दाढ़ी और बड़ी मूंछ में नजर आ रहे हैं, उस फिल्म में भी निर्वाण खान उनके आसपास ही नजर आ रहे थे। खैर आप टाइगर थ्री की स्टोरी लाइन्स की बात करें तो आपको बता दें कि टाइगर थ्री को सबसे पहले कबीर खान यानी कि 2012 में एक था टाइगर फ्रेंचाइजी की सबसे पहली फिल्म को उन्होंने निर्माता किया था। फिर बाद में टाइगर जिंदा है ऐसा 2017 में सलमान खान की एक और फिल्म आई थी। अब जब टाइगर थ्री आने वाली है जिसमें सलमान खान एज अ एजेंट दिखाई पड़ने वाले हैं और सोया जिनका रोल निभा रही है कैटरीना कैफ, वो ISI एजेंट के रूप में अपने किरदार दोहराते हुए नजर आने वाले हैं दोनों ही लोग टाइगर थ्री में। इसकी स्टोरी लाइन भी कुछ ऐसी ही होने वाली है जैसे कि बाकी फिल्मों की रही है, लेकिन हर बार की तरह इस बार कुछ अलग तो रहने ही वाला है फिल्म। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी अफवाहें फैल रही थी कि इस फिल्म में जो दिखने वाले हैं विलेन के रूप में इमरान हाशमी, जिन्होंने इस अफवाह को लेकर झूठा साबित कर दिया है और कहा कि वो तो इस फिल्म की शूटिंग के लिए कभी गए भी नहीं थे, पर वो बिल्कुल खुश मिजाज होते अगर उनको इस फिल्म के लिए चुना जाता था। खैर ये सब तो रही बात की बातें, आपको इसके बारे में जल्दी ही फिर से बताएंगे कि इस फिल्म में विलेन कौन होने वाला है। तब तक आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि बॉलीवुड की हॉट एंड स्पाइसी न्यूज़ आपको दिन ब दिन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी। टाइगर फिल्म सीरीज एक बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर स्पाई फिल्म सीरीज है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। इस फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ लीड एक्टर्स के रूप में नजर आते हैं और इस फिल्म को कबीर खान ने डायरेक्ट किया है। टाइगर फिल्म सीरीज के राइटर कबीर खान और निलेश मिश्रा हैं। ये फिल्म आदित्य चोपड़ा द्वारा प्रोड्यूस की गई है और यशराज फिल्म प्रोडक्शन हाउस द्वारा इस फिल्म फ्रेंचाइजी को लॉन्च किया गया था। टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट यानी कि एक था टाइगर 2012 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और इसके बाद फिल्म के मेकर्स ने सोचा कि एक था टाइगर को एक फिल्म सीरीज के रूप में बनाया जा सकता है जिसका नाम टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी रखा गया। फिर 5 साल बाद 2017 में
टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी का दूसरा इंस्टॉलमेंट टाइगर जिंदा है रिलीज किया गया और ये फिल्म भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर गई। अब कहा जा रहा है कि अगले साल यानी कि 2022 में टाइगर 3 रिलीज होने वाली है, जो कि इस फिल्म सीरीज का तीसरा और आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं टाइगर 3 पर क्या नई अपडेट्स आई हैं। अभी हाल ही में ये खबर आई है कि अगस्त 2021 के महीने से ही टाइगर 3 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। सलमान खान और कटरीना कैफ इस बार भी टाइगर 3 में जबरदस्त एजेंट का रोल निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जहां सलमान हमें इंडिया के रॉ एजेंट के रूप में नजर आएंगे, वहीं कटरीना पाकिस्तानी ISI एजेंट के रूप में ही नजर आएंगी। फिर एक बार टाइगर फिल्म सीरीज का आगाज हो चुका है और जिस तरीके से फैंस को एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है पसंद आई थी, लगता है कि टाइगर 3 इन दोनों फिल्मों से ज्यादा बड़ा बॉम्ब फोड़ने वाली है। टाइगर 3 से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आपको हमारी अगली वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि हम इसकी शूटिंग लोकेशन के बारे में आपको बताएंगे उस वीडियो में। लेकिन टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी के फैंस के लिए ये खबर थोड़ी दुखदायी भी हो सकती है, क्योंकि टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी जो कि एक फिल्म ट्रायलॉजी के रूप में आने वाली थी, अब फिल्म का तीसरा पार्ट बनाया जा रहा है और तीसरा पार्ट ही टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी का आखिरी इंस्टॉलमेंट भी होगा। यानी कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और कटरीना कैफ को एजेंट के रूप में ये आखिरी बार ही हम देख पाएंगे और टाइगर फिल्म की इंस्टॉलमेंट नहीं बने। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। जुलाई को सलमान खान की अपकमिंग मूवी टाइगर 3 के कुछ मजेदार बातें। सलमान खान और कटरीना कैफ ने अपनी आगामी फिल्म टाइगर 3 की एक साथ शूटिंग शुरू कर दी है, जो इस समय की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म में इमरान हाशमी खलनायक के रूप में नजर आएंगे, वहीं शाहरुख खान का एक कैमियो भी होगा। जी हां दोस्तों, शूटिंग में किसी भी फोटो या वीडियो को लीक होने से बचाने के लिए फिल्म का डिस्क्रिप्शन गुप्त रखा गया है और सेट के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट मिली है कि फिल्म के करीबी सूत्रों ने खुलासा किया है कि टाइगर 3 का नया शेड्यूल यश राज फिल्म स्टूडियो में शुरू हो गया है। ये एक बारीकी से प्रोटेक्टेड सेट है और यहाँ से किसी की तस्वीर के लीक होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। शेड्यूल के साथ साथ अगस्त के मध्य से शुरू होने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव विदेशी शेड्यूल में सलमान और कटरीना को फिटनेस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इन दोनों अभिनेताओं के लिए इंटेंस होगा, क्योंकि निर्देशक मनीष शर्मा ने कुछ जॉ ड्रॉपिंग और साथ ही साथ बेहद जोखिम भरे एक्शन दृश्यों की योजना बनाई है, जो वास्तव में उनके ओवरऑल फिटनेस लेवल का टेस्ट करेंगे जब वे अपना विदेशी कार्यक्रम शुरू करेंगे। बेशक सलमान और कटरीना इसके लिए तैयार हैं और किसी भी चुनौती का सामना करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये एक मजेदार शेड्यूल होगा। सूत्र ने यह भी कहा कि सलमान ने अपने सोशल मीडिया पर टाइगर 3 में अपनी फिजिक को मेंटेन करने की एक तस्वीर शेयर की और यह क्लियर किया कि वह अब तक स्क्रीन पर दिखाए गए सबसे अच्छी फिजिक का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी ओर कटरीना इस समय कितनी अच्छी दिख रही है, इस बारे में शायद ही कोई रेवलेशन की जरूरत होगी। इसका भी एक कारण है, उन्होंने अपने सबसे फिट होने के लिए काफी मेहनत की है और लोगों को उन्हें स्क्रीन पर सबसे फिट देखने के लिए इंतजार करना होगा जब टाइगर 3 रिलीज होने के लिए तैयार हो जाएगी। आपको बता दें कि सलमान खान और कटरीना कैफ 18 अगस्त को जासूसी थ्रिलर यानी कि टाइगर 3 के इंटरनेशनल शेड्यूल की शूटिंग के लिए रूस भी जाएंगे, जिसे पहले महामारी के कारण पहले रोक दिया गया था। 45 डेज का कठिन कार्यक्रम एक्शन सीन से भरा हुआ है और सलमान खान और कटरीना कैफ ऑस्ट्रिया और तुर्की सहित कम से कम 5 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों में शूटिंग करेंगे। महामारी को देखते हुए YRF के मालिक आदित्य चोपड़ा एक जंबो चार्टर के माध्यम से कलाकारों और चालक दल को भेज रहे हैं। एक सूत्र ने कहा कि अर्शाद सलमान खान, कटरीना कैफ, डायरेक्टर मनीष शर्मा, पूरी कास्ट और क्रू सहित सभी के लिए इस इंटरनेशनल शेड्यूल के लिए जेट किराए पर ले रहा है और साथ ही साथ जो टीम कुछ शानदार शूटिंग शेड्यूल को पूरा करने में मदद करेगी। खैर, आप टाइगर 3 को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।
बॉलीग्राड स्टूडियोज। तब तक यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज और आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म टाइगर 3 से जुड़ी कुछ अनोखी बातों के बारे में और उन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आपको बता दें कि टाइगर फ्रेंचाइजी सलमान खान और कैटरीना कैफ की एक बहुत सक्सेसफुल फिल्म रही है, जहाँ पे हमने देखा था पहले पार्ट को इतना क्रॉस बॉर्डर प्रेम दिखाया गया था जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों ही अलग अलग देश को बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उनकी लव स्टोरी काफी आगे तक बढ़ी थी। हमने देखा था कि उसके करीब करीब 4 सीन्स जो है वो बड़ी अच्छी जगहों पर शूट हुए थे, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो मेड इन टावर में शूट हुआ था, तो दूसरी जगह हम देखते हैं कि मॉडर्न टावर में भी इसका शूटिंग किया गया था। ये दोनों ही इतने बड़े पैलेसेस यूरोप के माने जाते हैं जो कि काफी ज्यादा हाई बजट थे और इसलिए ये फिल्म भी काफी ज्यादा हाई बजट थी और बहुत ही ज्यादा पसंद की गई थी लोगों में। क्रॉस बॉर्डर्स मूवी वैसे भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन अब उसका बजट जब और बढ़ाया जाए तो वो फिल्म और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब ऐसे में जब हमने ये देखा कि अभी हाल ही में सलमान खान कहीं पे गए हुए थे अपनी शूटिंग पे, वहाँ पे यूरोप में कुछ ऐसी भीड़ जमा हो गई थी और शूटिंग लोकेशंस में भीड़ जमा होने के कारण उनके लुक लीक हो गए थे जो कि फैंस को काफी पसंद आए थे। अब हमें ये देखना है कि क्या टर्की में सलमान खान जाते हैं जहाँ पे उनकी टाइगर एक था टाइगर की शूटिंग स्टार्ट हुई थी। तो जी हाँ दोस्तों, अब हो सकता है कि फिल्म टर्की में जाके शूट की जाए जहाँ पे एक था टाइगर यानी कि टाइगर फ्रेंचाइजी की फर्स्ट पार्ट शूट की गई थी। सलमान खान बॉलीवुड के एक ऐसे हीरोज में से एक आते हैं जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं और जिनका फैन बेस काफी ज्यादा बड़ा है। अब ऐसे में ब्लॉकबस्टर फिल्में लाना उनके लिए आम बात सी हो गई है, जहां हम ये देखते हैं कि सलमान खान हर साल एक न एक ब्लॉकबस्टर मूवी लेके ही आते हैं अपने फैंस के लिए, तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि सलमान खान के फैंस अपने उनके भाईजान के लिए किस तरीके का वेट करते हैं और कितने इंटरेस्टिंग से उनकी सारी एक्टिंग्स को देखते हैं। अब ऐसे में सलमान खान टाइगर 3 ला रहे हैं जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपको बता दें कि रशिया में ये हो रही थी इसकी शूटिंग। अब हम देखते हैं कि पूरी टीम सलमान खान के साथ जा पहुंची है टर्की। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद वो जाने वाले हैं इस्तांबुल में। चौंका देने वाली बात तो ये होने वाली है कि इस्तांबुल में कैसे उनका फैन बेस दिख सकता है हमें, और साथ ही साथ उनके कुछ फ्रेंड्स जिनका नाम है लूलिया वो भी दिखाई पड़ सकती है। सोशल मीडिया पोस्ट के अकॉर्डिंग वो उनके फ्रेंड्स जो है वो भी हमें दिखाई पड़ने वाले हैं इस्तांबुल। लूलिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसमें वो दिखाई पड़ रही थी एक शूटिंग पे और उन्होंने उसमें इस्तेमाल किया है हैशटैग टर्की का भी, जिससे ये साफ पता चलता है कि वो टर्की पे ही है। एक्चुअली उस वीडियो पे उनका चेहरा नहीं दिख रहा होता है और वो उस वीडियो पे एक सीढ़ियां चढ़ती हैं और फिर बाद में वो दिखाती हैं अपने फैंस को एक व्यू जो कि दिख रहा होता है होटल के आसपास का, और हैशटैग टर्की यूज करने के बाद फैंस ने ये तो पता लगा ही लिया कि कैसे अनुमान हो रहा है और कहाँ पे वो जा रही है। खैर ये सब तो रही उनके फैंस की बात, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप हमारे फैन हैं, अगर हाँ तो यस लिख दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो कहाँ शूट की जा रही है आखिर टाइगर 3? क्या फितरत, क्या इमरान हाशमी हमें नहीं दिखने वाले हैं इस बार टाइगर 3 में? कैटरीना कैफ किस किस्म की ट्रेनिंग ले रही है टाइगर 3 के लिए? दिस इज दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। हालांकि हमने फिल्म टाइगर 3 के बारे में पहले ही एक वीडियो डाला हुआ है जिसके लिए काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज के लिए काफी थैंक यू, बट आपके लिए अब हम कुछ नई खबरें लेकर आए हैं टाइगर 3 से रिलेटेड, तो उन सभी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। टाइगर 3 जिसकी हाल ही में काफी ज्यादा बज है बॉलीवुड में वो बन ही रही है और इसकी शूटिंग का आगमन हो चुका है। तो दोस्तों आपको बता दें कि टाइगर 3 की ज्यादातर शूटिंग लोकेशंस फॉरेन की होने वाली है, जिसमें अभी पूरी टीम रशिया गई हुई है इसकी शूटिंग के लिए। साथ ही साथ कबीर खान द्वारा डायरेक्टेड फिल्म ये टाइगर की फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसके इतने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेस आए थे 2012 में जब इस फिल्म को बढ़ाया गया था। साथ ही साथ सलमान खान इस फिल्म में निभा रहे हैं अविनाश सिंह राठौड़ का रोल, जो कि एक रॉ के रूप में नजर आते हैं। वो कुछ मिशंस करते हुए हर साल नजर आते हैं, जिनके अपोजिट में रहती हुई इस बार दिखने वाली है हमें कैटरीना कैफ। जी हाँ दोस्तों, कैटरीना कैफ रहने वाली है सलमान खान के साथ फिल्म टाइगर 3 में। इमरान हाशमी के वर्कआउट वीडियोस जो सोशल मीडिया पे उन्होंने डाले थे, उसको देखकर सबको तो ऐसा लग ही गया था कि टाइगर 3 के एंटागोनिस्ट तो अब इमरान हाशमी ही होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अब आपके लिए एक बात हम और लेकर आए हैं, और वो ये है कि इमरान हाशमी तो किसी और फिल्म की शूटिंग के लिए ही तैयारी कर रहे थे जिसका नाम है चेहरा, और उस फिल्म में दिखने वाले हैं उनके साथ हमें अमिताभ बच्चन यानी कि बॉलीवुड के बिग बी। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की फिल्म आ रही है चेहरा, जिसमें अमिताभ बच्चन निभाने वाले हैं एक लॉयर का
का रोल और साथ ही साथ हमें दिखने वाले हैं इमरान हाशमी इन द रोल ऑफ बिजनेस टाइकून। हमने पिंक के पहले या पिंक के बाद भी पहली बार ही देखने वाले हैं अमिताभ बच्चन को एक लॉयर के रूप में, और साथ ही में इसमें और भी नए एक्टर्स होने वाले हैं जैसे कि रिया चक्रवर्ती, अनु कपूर और साथ ही साथ क्रिस्टल डिसूजा। ये तीनों ही एक्टर्स एज अ सपोर्टिंग रोल्स इस फिल्म में और भी नजर आने वाले हैं। जब इमरान हाशमी से पूछा गया कि उनके वर्कआउट वीडियोज़ के बारे में और साथ ही साथ टाइगर 3 की शूटिंग के लिए, तो उन्होंने कहा कि उस इंटरव्यू में कि उन्हें तो टाइगर 3 की शूटिंग कर भी नहीं रहे हैं। उसको सुन के सबको काफ़ी ज़्यादा शॉक भी लगा, और ये हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ तो है ही। आखिर सबको यही लगा था कि वो टाइगर 3 में हमें नज़र आने वाले हैं एंटागोनिस्ट के रूप में। अब बात अगर कैटरीना कैफ और उनकी ट्रेनिंग की करें, तो कैटरीना कैफ काफ़ी ज़्यादा तैयार हो रही हैं फिल्म टाइगर 3 के लिए, क्योंकि इस फिल्म में होने वाले हैं काफ़ी सारे एक्शन सीन्स और एक्शन सीक्वल्स, जिसको लेकर उनको काफ़ी तैयारी करनी पड़ रही है। वो अपनी रेगुलर ट्रेनर यास्मीन कराची वाला के साथ साथ साउथ कोरिया के एक नए क्रू के साथ भी ट्रेनिंग कर रही है। दोनों का ही रेजिमेंट और काफ़ी अलग अलग ट्रेनिंग होने के कारण उनकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग तो चल ही रही है। साथ ही साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि वो किस तरीके से अपनी बॉडी को फिट रख के मटेरियल आज सीखना स्टार्ट कर रही हैं। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए लेकर आते हैं एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप देख सकें हॉट एंड स्पाइसी न्यूज़ अबाउट बॉलीवुड। और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि क्या आप सभी तैयार हैं टाइगर 3 के लिए। अगर हाँ तो यस कमेंट कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूँ आपकी होस्ट पंखुरी। किसी भी फिल्म या किताब या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसकी कहानी जानने में लोगों का इंटरेस्ट उभरता हो, उसके लिए उस पिक्चर या किताब का नाम काफी ज्यादा मायने रखता है। अगर फिल्म का नाम अट्रैक्टिव ना हो या फिर अगर वो नाम ऑडियंस को पसंद ना आए, तो फिर उस फिल्म को थिएटर्स में देखने जाने का इंटरेस्ट भी घटता ही रहता है। इसीलिए किसी भी मूवी के नाम को बड़े ध्यान से चुनना पड़ता है, और ऐसी ही कुछ दुविधा में है टाइगर 3 के मेकर्स। जी हाँ दोस्तों, टाइगर 3 के नाम को लेकर अभी भी फिल्म के मेकर्स कंफ्यूजन में हैं, और इस पिक्चर के नाम पर अभी भी कोई पक्की खबर नहीं आई है। सबसे पहले फिल्म के मेकर्स ने ये डिसाइड किया था कि टाइगर 3 के नाम को द फाइनल मिशन रखा जाएगा। फाइनल मिशन इसलिए क्योंकि ये पिक्चर टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी की तीसरी और आखिरी इंस्टॉलमेंट होने वाली थी, जिसके बाद टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी के और पार्ट्स नहीं बनेंगे। लेकिन ये नाम सुनने में हॉलीवुड फिल्म जैसा लग रहा है और टाइगर फिल्म सीरीज के एक भी नाम से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा। ऐसे में फिल्म के मेकर्स ने सोचा कि द फाइनल मिशन टाइगर 3 के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा, और इसीलिए नाम दूसरा सोचना पड़ेगा। फिल्म के मेकर्स ने ऑडियंस की राय लेनी चाहिए और उनसे पूछा गया कि फिल्म का नाम क्या होना चाहिए। तब काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये बताया कि टाइगर 3 का नाम होना चाहिए टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा। ये सुनने में थोड़ा फनी तो लग रहा है, लेकिन देखा जाए तो टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी के लिए बिल्कुल सही है। टाइगर फिल्म सीरीज में सबसे पहली फिल्म का नाम था एक था टाइगर, जिसमें हर मुश्किल का मुकाबला करने के बाद भी टाइगर को कुछ नहीं हुआ। टाइगर फिल्म सीरीज की दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम था टाइगर जिंदा है, जहां सलमान खान यानी कि टाइगर मरने की कगार पर खड़े थे, लेकिन मौत के मुंह से भी बाहर निकल आए। इसीलिए फिल्म के मेकर्स ये दिखाना चाहते हैं कि टाइगर हर मुश्किल मिशन से बचकर निकल आएगा, यानी कि टाइगर कभी भी मर नहीं सकता। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा नाम बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा, लेकिन ये नाम सुनने में कुछ खास नहीं लग रहा। इसीलिए फिल्म के मेकर्स ने डिसाइड किया कि टाइगर 3 का नाम टाइगर अमर है रखा जाएगा। हालांकि फिल्म के नाम का मतलब तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये टाइटल सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। जहां टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा सुनने में काफी घिसा पिटा लग रहा है, इसीलिए फिल्म के मेकर्स ने सोचा है कि टाइगर अमर है का चटका लिया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम बात करते हैं आने वाली फिल्मों की और आज की फिल्मों की। आज फिर हाजिर हूं मैं यानी आपकी होस्ट सिमरन ग्रोवर बॉलीवुड की फिल्मों के कुछ ताजा अपडेट्स के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और बॉलीवुड डीवा कटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 के बारे में। सलमान खान और कटरीना कैफ की ब्लॉकबस्टर हिट मूवी एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के बाद मेकर्स तैयार है इसका तीसरा पार्ट यानी टाइगर 3 बनाने को। टाइगर 3 के बनने की खबरें जैसे ही ऑन द फ्लोर आई हैं, वैसे ही ऑडियंस बेहद एक्साइटेड हो चुकी है अपने फेवरेट पेयर सलमान खान और कटरीना कैफ को एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए।
खबर है कि टाइगर 3 की लीड एक्ट्रेस कटरीना कैफ जोरो शोरों से वर्कआउट कर रही हैं और स्क्वाट्स, जंपिंग और कुछ एक्शन मूव्स की ट्रेनिंग भी ले रही हैं। फिल्म टाइगर 3 को लेकर कटरीना इतनी मेहनत कर रही हैं, ऐसे में अंदाजा है कि फिल्म टाइगर 3 में कटरीना कैफ कुछ एक्शन सीन्स भी करती हुई नजर आ सकती है। कटरीना के फैंस उनको एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे आपको पता है कि बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन कही जाने वाली कटरीना कैफ इंडिया से नहीं है और ना ही इंडियन है। कटरीना के पास ब्रिटिश की नागरिकता है और आपको बता दें कि उनका जन्म हांगकांग में हुआ था। दरअसल कटरीना की माँ की एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता है और वो कई सामाजिक कार्य करने वाली संस्थानों से जुड़ी थी और उनसे जुड़े कामों से कई अलग अलग देशों में रही है, जिसकी वजह से कटरीना भी कई देशों में रही है। और हाँ, ये ख्याल तो आपके दिमाग में आता ही होगा कि आखिर सलमान खान और कटरीना कैफ पहली बार कब मिले थे और कहाँ मिले थे, तो हम हाजिर हैं इस जवाब के साथ। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने बताया कि जब वो कटरीना कैफ से पहली बार मिले थे तो वो महज 18 साल की थी। सलमान की फैमिली ने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा था और कटरीना उनके घर पार्टी के लिए गई थी। सलमान ने बताया कि कटरीना सलमान की बहनों को और सलमान के दोस्तों को जानती थी पर उन्हें नहीं जानती थी। उस पार्टी में ही सलमान खान और कटरीना कैफ की एक दूसरे से पहली बार मुलाकात हुई और जान पहचान हुई। सलमान खान और कटरीना कैफ टाइगर 3 में फिर साथ में काम करते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, टाइगर 3 अगले साल यानी 2022 में रिलीज होगी। फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फिल्मी दुनिया के बाकी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। यहाँ हम देंगे आपको बॉलीवुड की फिल्मों की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो जाते जाते कीजिए इस वीडियो को लाइक और हाँ, कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आपको पता था कि कटरीना और सलमान पहली बार कब मिले थे, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तब तक लगता क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोस, मैं हूं सोनिका जैन। दोस्तों, सुपरस्टार सलमान के साथ पहली बार नजर आने वाले हैं इमरान हाशमी और इस फिल्म को लेकर फैंस काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। आपको बता दें, इमरान हाशमी टाइगर 3 के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन इसको लेकर किसी भी तरह की बातचीत करने से वो आज तक बचते आए हैं। लेकिन अब इमरान हाशमी का एक बयान सामने आया है, उन्होंने अपने नेगेटिव किरदार के बारे में कहा है। इसके अलावा खबर थी कि इस फिल्म में उनकी एंट्री पर 10 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। इमरान हाशमी इस दौरान बॉलीवुड हंगामा से बात कर रहे थे। उन्होंने टाइगर 3 को लेकर कहा कि मैंने इन सब बातों के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सब कर रहा हूँ। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि सलमान के सामने एक विलन के तौर पर लोग आपको क्यों देखना चाहते हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ। इमरान हाशमी का ये बयान काफी चर्चा में है। फैंस का कहना है कि वो काफी बड़ा धमाका करने वाले हैं, इस फिल्म में जो भी होगा वो देखने लायक होगा। इमरान हाशमी अपने करियर में पहली बार इतनी बिग बजट फिल्म में नेगेटिव रोल करने वाले हैं, इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। खबर आई थी कि टाइगर 3 में इमरान हाशमी एक से बढ़कर एक अलग तरह के लुक में नजर आने वाले हैं। इस एक्शन जासूसी फिल्म में इमरान हाशमी का विलन लुक लार्जर देन लाइफ दिखाया जाएगा। इमरान हाशमी पहली बार सलमान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, वो भी आमने सामने होंगे। और वहीं आपको बता दें, इमरान हाशमी का जो किरदार होने वाला है वो उस तरह से लिखा गया है कि स्क्रीन पर जब आएगा तो लंबे समय तक लोगों के दिलो दिमाग में याद रहेगा। वहीं निर्माता आदित्य चोपड़ा ने टाइगर 3 का जो बजट भी रखा है वो हाईफाई है। 350 करोड़ का बजट इस फिल्म का है। ज्यादातर पैसे एक्शन सीन और हाई शूटिंग लोकेशन पर खर्च किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें, टाइगर जिंदा है बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों के बीच तीसरा नंबर रखती है। इस फिल्म ने 340 करोड़ की कमाई की। टाइगर 3 की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बॉयफ्रेंड की बात करें तो सलमान इस वक्त किक 2, भाईजान और ब्लैक टाइगर को लेकर चर्चाओं में है। फिलहाल टाइगर 3 की शूटिंग रशिया में कर रहे हैं, काफी बिजी है। सलमान के लुक्स फैंस के सामने आते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। दोस्तों, सलमान खान फिलहाल रूस में अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं। सलमान और कैटरीना रूस में करीब करीब एक महीने तक रुककर शूटिंग पूरी करने का प्लान करेंगे। इस बीच शूटिंग से फुर्सत मिलते ही सलमान वक्त निकालकर घूमने निकल गए। सलमान ने रूस की सड़कों पर कई फैंस से मुलाकात की और उनके साथ फोटो भी खिंचाई, जहां एक फोटो में सलमान एक बच्ची के साथ पोज देते दिख रहे हैं, वहीं एक और फोटो में वो एक आदमी के साथ नजर आ रहे हैं। सलमान की तस्वीरें देख सोशल मीडिया पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। इन फोटोज में सलमान के चेहरे पर काफी झुर्रियां दिख रही हैं। सलमान की फोटोज देख एक शख्स ने कमेंट करते हुए कहा, ये तो बिल्कुल बूढ़े दिखने लगे हैं। वहीं इसके अलावा एक और यूजर ने कहा,
सलमान को अब डैडी के रोल शुरू कर देने चाहिए। एक अन्य शख्स कहता है, हाय रब्बा, ये सलमान को क्या हो गया। वहीं कुछ लोग सलमान के साथ फोटो खिंचा रहे एक फैन को श्रद्धा कपूर से कंपेयर कर रहे हैं। एक शख्स ने कहा, ये तो बिल्कुल श्रद्धा कपूर लग रही हैं। एक और शख्स ने कहा, सलमान से ज्यादा तो उनके फैंस लग रहे हैं। बता दें कि इससे पहले फिल्म टाइगर 3 के सेट से सलमान का लुक सामने आया। इस लुक में सलमान लंबे बालों के साथ भूरे रंग की दाढ़ी में नजर आए थे। उन्होंने टी शर्ट के ऊपर चेक वाली जैकेट और जींस पहनी थी। सलमान का ये लुक सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस जमकर तारीफ कर रहे थे। वहीं सलमान खान के बाद फिल्म में कैटरीना कैफ का लुक भी रिवील हुआ। कैटरीना कैफ खुले बालों में बिना मेकअप के नजर आई थी। उन्होंने काले रंग की हुडी और जींस पहन रखी थी। बता दें टाइगर यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाई जा रही है। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग तुर्की में होगी। इसके अलावा 5 अलग अलग देश इंटरनेशनल में भी शूट किए जाएंगे। मुंबई में इस फिल्म की 45 दिनों की शूटिंग कोरोना लॉकडाउन से पहले की गई थी। इसमें ज्यादातर सीन सलमान ने शूट किए थे। इसके बाद इसका अगला शेड्यूल रूस में शूट किया जा रहा है। फिल्म में इमरान हाशमी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट बने हैं, जो भारतीय जासूस सलमान खान से टक्कर लेगा। टाइगर फ्रेंचाइजी एक स्पाई फिल्मों की सीरीज है, जिसका पहला पार्ट एक था टाइगर 2012 में आया था। इसका डायरेक्शन कबीर खान ने किया था। पहली फिल्म की सफलता के बाद मेकर्स ने 2017 में फिल्म का दूसरा पार्ट टाइगर जिंदा रिलीज किया। इसका डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया। 2012 में आई एक था टाइगर और साल 2017 में आई टाइगर जिंदा है ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी। 2012 में रिलीज हुई एक था टाइगर ने जहां 237 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। वहीं 5 साल बाद 2017 में रिलीज हुई टाइगर जिंदा है ने 339 करोड़ का बिजनेस किया था। सलमान खान टाइगर 3 के अलावा जल्दी फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ और शाहरुख खान की पठान फिल्म में नजर आने वाले हैं। वेल, आपको कैसे लगा सलमान खान का लुक? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियो। क्या सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी तीनों ही निगेटिव रोल में दिखने वाले हैं टाइगर 3 में? किसने कहा कि ये मेरा सबसे बड़ा सपना है और उम्मीद है कि ये सच हो जाए? कौन करने वाला है टाइगर 3 का निर्देशन? हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म टाइगर 3 के और उसकी कुछ ऐसी बातों में जो आपको शायद नहीं पता होगी। उन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वैसे आपको बता दें कि टाइगर 3 बहुत ही मोस्ट अवेटेड फिल्म और बहुत ही बॉलीवुड में बज वाली फिल्म बन गई है, जिसमें काम करने वाले हैं इमरान हाशमी, सलमान खान और साथ ही साथ कैटरीना कैफ। सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों ही हमें एज एजेंट दिखाई पड़ते हैं टाइगर की इस फ्रेंचाइजी पर। अब अगर बात हम इमरान हाशमी की करें तो इमरान हाशमी ने यशराज प्रोडक्शंस के साथ इस फिल्म पे काम करने पर बिल्कुल इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपको किसने कहा कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ? पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, जबकि मैंने इस फिल्म को लेकर आज तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी। तो इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि इस ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें इमरान हाशमी काम करने वाले हैं, जैसा लोगों ने उनके सोशल मीडिया पोस्ट और उनके वर्कआउट सेशंस को देख के अज्यूम कर लिया था। जैसे ही टाइगर 3 के कास्ट का पता चला, और नहीं तो उसमें सिर्फ नाम आया था सलमान खान और साथ ही साथ उनके दिखने वाली थी हमें जो हमेशा से दिखती आई है कैटरीना कैफ। और जब इसको लेकर इमरान हाशमी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कभी इस फिल्म का हिस्सा था ही नहीं और मुझे पता नहीं कि ये रूमर्स क्यों फैल रहे हैं। उनका कहना है कि उनका ये बहुत बड़ा सपना है कि वो सलमान खान के साथ काम करे और उम्मीद है कि ये सपना कभी ना कभी सच हो सकता है। अब आप बात करते हैं टाइगर 3 के बारे में, तो पहले टाइगर की फ्रेंचाइजी के बारे में बात करें तो एक था टाइगर जो कि 2014 में स्टार्ट हुई थी। इसमें देखते हैं सलमान खान टाइगर कोड वर्ड के एक एजेंट के रूप में, जिनको एक पाकिस्तानी एजेंट जिनका नाम रहता है जोया, जिनका भूमिका निभा रही होती है कैटरीना कैफ, उनसे प्यार हो जाता है। 2017 में आती है एक और फिल्म टाइगर फ्रेंचाइजी की, जिसका नाम है टाइगर जिंदा है, जिसमें हमें दिखाई पड़ती है जोया इराक के आतंकवादी संगठनों से बंधे हुए कुछ लोगों को बचाते हुए। ऐसा कहा जाता है कि 2014 की जो फिल्म है एक था टाइगर, वो एक असली घटना पर प्रेरित होकर फिर बनाई गई थी। अब बात करें इस फिल्म की, तो इसमें भी हमें ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ सकता है, जिसमें दोनों ही एजेंट के रूप में दिखाई पड़ने वाले हैं। और अब फिल्म की स्टोरी क्या और कैसी होगी ये तो हम देखेंगे ही, लेकिन अब इस फिल्म की शूटिंग के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा है कि इस फिल्म की शूटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई पड़ रहे हैं सलमान खान और कैटरीना कैफ, और इमरान हाशमी इसमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ पे हमने देखा था कि टाइगर के फर्स्ट पार्ट को शूट किया गया था अहमद खान ने, तो वहीं हमने देखा था सेकंड पार्ट को शूट किया था अली अब्बास जफर ने। और अब ऐसा आ रहा है कि इसके थर्ड पार्ट को शूट करने जा रहे हैं मनीष शर्मा। तीनों के ही डायरेक्टर अलग अलग हैं, लेकिन तीनों की स्टोरीज काफी अच्छी होने वाली है, ऐसा तो हमको लगता ही है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
कुछ इम्पोर्टेंट सीन शूट करने के बाद सेंट पीटरबर्ग रशिया में कर रहे हैं सलमान खान कटरीना कैफ अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कंप्लीट। इस फिल्म की शूटिंग देखने के लिए काफी सारे फैंस आए थे उस एरिया में। सलमान के कई फैन पेजेस ने उनकी और कटरीना की तस्वीरें भी शेयर की है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म में सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान भी असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में नजर आएंगे। जी हाँ, सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान अब फाइनली बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। टाइगर 3 के लिए खास तौर पर निर्वाण खान ने टेक्निकल चीजों के अलावा और भी कई चीज सीखी है, जैसे कि सेट आखिर कैसे डिजाइन किया जाता है, किस किस के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है, इन तमाम बातों पर निर्वाण खास ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, ये फिल्म जब मुंबई में शूट किया जा रहा था तो उस दौरान कोविड की वजह से इसकी शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा था। अब फाइनली इसकी आगे पार्ट की शूटिंग जो है वो रशिया में कंप्लीट हो रही है। मुंबई में एक तरफ कोविड महामारी तो दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से फिल्म के शूटिंग लोकेशन पर खासा दिक्कतें आई थी, और इतना ही नहीं फिल्म यूनिट को करीब 1 से 9 करोड़ का लॉस भी हो गया था, क्योंकि फिल्म का सेट पूरी तरीके से हो गया था। अब हम तो यही उम्मीद करेंगे कि फिल्म को जितना भी लॉस हुआ है वो सब कुछ पे बैक हो जाए टाइगर 3 के सक्सेस के बाद। इस फिल्म के लिए शुरुआती दौर में ऐसा कहा जा रहा था कि इमरान हाशमी टाइगर 3 में विलेन के किरदार में नजर आएंगे, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा नहीं होने वाला है और इसकी कंफर्मेशन खुद इमरान हाशमी ने दी है। हालांकि उन्होंने ऑडियंस को थोड़ा कंफ्यूज करते हुए कहा कि मेरी अपकमिंग फिल्म क्या होने वाली है और मैं कैसा किरदार निभा हूँ ये ऑडियंस को फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। मतलब निश्चित तौर पर इमरान हाशमी पूरी तरीके से सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इमरान हाशमी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 में विलेन के किरदार में नजर आएंगे या फिर नहीं? और अगर वो नजर नहीं आती हैं तो फिर कौन दिखेंगे टाइगर 3 में विलेन के रूप में? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। कब रिलीज होने जा रही है टाइगर 3? इमरान हाशमी की बॉडी देखकर फैंस क्यों बोले सलमान भाई पिटने वाले? क्या होने वाली है टाइगर 3 की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जार। दोस्तों, सुपरस्टार सलमान खान की टाइगर 3 काफी जोरों से शूट मोड पर ऑन है। इस फिल्म के लिए सभी सितारे काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी को किया है कि इमरान हाशमी इस फिल्म का हिस्सा है। हाल ही में पता चला था कि इमरान हाशमी ने कहा था कि वो ऐसी किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनने वाले। हालांकि सभी जानते हैं कि सच्चाई क्या है, यशराज फिल्म की ये धमाकेदार सीरीज अभी तक कामयाब रही है और इस फिल्म के तो एक अलग ही लेवल पर बनाया जाना है। मतलब टाइगर 3 का लेवल और भी ज्यादा अप होने वाला है। सलमान खान का किरदार काफी ज्यादा अलग है पठान से। इस फिल्म का संबंध कहा जा रहा है, यशराज फिल्म्स ने इस फिल्म की कहानी को काफी शानदार तरीके से उतारने का फैसला किया है। मनीष शर्मा के निर्देशन में ये बिग बजट फिल्म बनने जा रही है। इससे पहले टाइगर जिंदा है भी काफी ज्यादा बड़े बजट में बनी थी और अब टाइगर 3 की बारी है, जिसमें कि एक्शन से लेकर धमाल सब कुछ अलग ही लेवल का होगा। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं टाइगर 3 का? आप कितना वेट कर रहे हैं कि एक तरफ इमरान हो, दूसरी तरफ सलमान हो और इनकी भिड़ंत? तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। सलमान खान को किसके साथ अपना बॉन्ड शेयर करना था कि उनको सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम का सहारा लेना पड़ा? फिल्म टाइगर 3 का निर्देशक कौन कर रहा है? और साथ ही साथ क्या लीक हुई फोटोज में सलमान खान मूछे और बड़ी दाढ़ी पर दिखाई पड़ रहे हैं? आपको बता दें कि सलमान खान अपने भतीजे निर्वाण खान के साथ कुछ ऐसे स्पेशल मोमेंट्स शेयर करते हुए नजर आए हैं और उसी बॉन्ड को शेयर करने के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम का सहारा लिया है। लगता है स्टार किड निर्वाण खान जो है वो उस पे प्राइम अनुभव लेने के लिए दिखाई पड़ रहे हैं। सलमान खान, कैटरीना कैफ और टाइगर 3 की अभी पूरी ही टीम गई हुई है रूस शूटिंग के लिए।
जहाँ से उनके कई सारे लुक्स भी रिवील हो गए और साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से फैंस ने फोटोज लेकर लीक कर दिए। पर उससे बड़ी बात हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस फिल्म में एज ए सपोर्टिंग डायरेक्टर कौन नजर आने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, निर्वाण खान इस फिल्म में एज ए सपोर्टिंग डायरेक्टर नजर आने वाले हैं। निर्वाण खान वॉन्टेड एक्टर यानी कि सलमान खान के भतीजे हैं और वो सोहेल खान के बेटे भी हैं। वो वहाँ पे प्राइम अनुभव लेने जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा शांत है। इंस्टाग्राम के उस पोस्ट पर ऐसा देख के लग रहा है कि दोनों का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रह रहा है एक के साथ, यानी कि सलमान खान और निर्वाण खान दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लग रहे हैं उन सारी पोस्ट में। चाचा भतीजा @NirvanKhan15 ऐसा कैप्शन लिख के सलमान खान ने एक प्यारी सी तस्वीर निर्वाण खान और अपने साथ उनकी पोस्ट की है, जिसमें दोनों ही एक रोड पर चलते नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, जो पिक्चर सलमान खान की लीक हुई थी जिसमें वो बड़ी दाढ़ी और बड़ी मूंछ में नजर आ रहे हैं, उस फिल्म में भी निर्वाण खान उनके आसपास ही नजर आ रहे थे। खैर, आप टाइगर 3 की स्टोरी लाइन की बात करें तो आपको बता दें कि टाइगर 3 को सबसे पहले कबीर खान यानी कि 2012 में एक था टाइगर फ्रेंचाइजी की सबसे पहली फिल्म को उन्होंने निर्माता किया था। फिर बाद में टाइगर जिंदा है ऐसा 2017 में धर्म सलमान खान की एक और फिल्म आई थी। अब जब टाइगर 3 आने वाली है जिसमें सलमान खान एज अ एजेंट दिखाई पड़ने वाले हैं और सोया जिनका रोल निभा रही है कैटरीना कैफ, वो ISI एजेंट के रूप में अपने किरदार दोहराते हुए नजर आने वाले हैं दोनों ही लोग टाइगर 3 में। इसकी स्टोरी लाइन भी कुछ ऐसी ही होने वाली है जैसे कि बाकी फिल्मों की रही है, लेकिन हर बार की तरह इस बार कुछ अलग तो रहने ही वाला है फिल्म। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी अफवाहें फैल रही थी कि इस फिल्म में जो दिखने वाले हैं विलेन के रूप में इमरान हाशमी, जिन्होंने इस अफवाह को लेकर झूठा साबित कर दिया है और कहा कि वो तो इस फिल्म की शूटिंग के लिए कभी गए भी नहीं थे, पर वो बिल्कुल खुश मिजाज होते अगर उनको इस फिल्म के लिए चुना जाता तो। खैर, ये सब तो रही बात की बातें, आपको इसके बारे में जल्दी ही फिर से बताएंगे कि इस फिल्म में विलेन कौन होने वाला है। तब तक आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि बॉलीवुड की हॉट एंड स्पाइसी न्यूज़ आपको दिन ब दिन मिलती रहे। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। जुलाई को सलमान खान की अपकमिंग मूवी टाइगर 3 के कुछ मजेदार बातें। सलमान खान और कैटरीना कैफ ने अपनी आगामी फिल्म टाइगर 3 की एक साथ शूटिंग शुरू कर दी है, जो इस समय की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म में इमरान हाशमी खलनायक के रूप में नजर आएंगे, वहीं शाहरुख खान का एक कैमियो भी होगा। जी हां दोस्तों, शूटिंग में किसी भी फोटो या वीडियो को लीक होने से बचाने के लिए फिल्म का डिस्क्रिप्शन गुप्त रखा गया है और सेट के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट मिली है कि फिल्म के करीबी सूत्रों ने खुलासा किया है कि टाइगर 3 का नया शेड्यूल लिया राज फिल्म स्टूडियो में शुरू हो गया है। ये एक बारीकी से प्रोटेक्टेड सेट है और यहाँ से किसी की तस्वीर के लीक होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इस शेड्यूल के साथ साथ अगस्त के मध्य से शुरू होने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव विदेशी शेड्यूल में सलमान और कैटरीना को फिटनेस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इन दोनों अभिनेताओं के लिए इंटेंस होगा क्योंकि निर्देशक मनीष शर्मा ने कुछ जॉ ड्रॉपिंग और साथ ही साथ बेहद जोखिम भरे एक्शन रेशो की योजना बनाई है, जो वास्तव में उनके ओवरऑल फिटनेस लेवल का टेस्ट करेंगे जब वे अपना विदेशी कार्यक्रम शुरू करेंगे। बेशक सलमान और कैटरीना इसके लिए तैयार हैं और किसी भी चुनौती का सामना करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। यह एक मजेदार शेड्यूल होगा। सूत्र ने यह भी कहा कि सलमान ने अपने सोशल मीडिया पर टाइगर 3 में अपनी फिजिक को मेंटेन करने की एक तस्वीर शेयर की और यह क्लियर किया कि वह अब तक स्क्रीन पर दिखाए गए सबसे अच्छी फिजिक का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी ओर कैटरीना इस समय कितनी अच्छी दिख रही है इस बारे में शायद ही प्रिपरेशन की जरूरत होगी। इसका भी एक कारण है, उन्होंने अपने सबसे फिट होने के लिए काफी मेहनत की है और लोगों को उन्हें स्क्रीन पर सबसे फिट देखने के लिए इंतजार करना होगा जब टाइगर 3 रिलीज होने के लिए तैयार हो जाएगी। आपको बता दें कि सलमान खान और कैटरीना कैफ 18 अगस्त को जासूसी थ्रिलर यानी कि टाइगर 3 के इंटरनेशनल शेड्यूल की शूटिंग के लिए रूस भी जाएंगे, जिसे पहले महामारी के कारण पहले रोक दिया गया था। 45 डेज का कठिन कार्यक्रम एक्शन सीन से भरा हुआ है और सलमान खान और कैटरीना कैफ ऑस्ट्रिया और तुर्की सहित कम से कम 5 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों में शूटिंग करेंगे। महामारी को देखते हुए YRF के मालिक आदित्य चोपड़ा एक जंबो चार्टर के माध्यम से कलाकारों और चालक दल को भेज रहे हैं। एक सूत्र ने कहा कि अर्शाद सलमान खान, कैटरीना कैफ, डायरेक्टर मनीष शर्मा, पूरी कास्ट और क्रू सहित सभी के लिए इस इंटरनेशनल शेड्यूल के लिए जेट किराए पर ले रहा है।
और साथ ही साथ जो टीम कुछ शानदार शूटिंग शेड्यूल को पूरा करने में मदद करेगी। खैर, आप टाइगर 3 को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। तब तक यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म टाइगर 3 से जुड़ी कुछ अनोखी बातों के बारे में, और उन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आपको बता दें कि टाइगर फ्रेंचाइजी सलमान खान और कैटरीना कैफ की एक बहुत सक्सेसफुल फिल्म रही है, जहाँ पे हमने देखा था पहले पार्ट को इतना क्रॉस बॉर्डर प्रेम दिखाया गया था, जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों ही अलग अलग देश को बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उनकी लव स्टोरी काफी आगे तक बढ़ी थी। हमने देखा था कि उसके करीब करीब 4 सीन्स जो है वो बड़ी अच्छी जगहों पर शूट हुए थे, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो मेड इन टावर में शूट हुआ था, तो दूसरी जगह हम देखते हैं कि मॉडर्न टावर में भी इसका शूटिंग किया गया था। ये दोनों ही इतने बड़े पैलेसेस यूरोप के माने जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा हाई बजट थे, और इसलिए ये फिल्म भी काफी ज्यादा हाई बजट थी और बहुत ही ज्यादा पसंद की गई थी लोगों में। क्रॉस बॉर्डर्स मूवी वैसे भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन अब उसका बजट जब और बढ़ाया जाए तो वो फिल्म और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब ऐसे में जब हमने ये देखा कि अभी हाल ही में सलमान खान कहीं पे गए हुए थे अपनी शूटिंग पे, वहाँ पे यूरोप में कुछ ऐसी भीड़ जमा हो गई थी और शूटिंग लोकेशंस में भीड़ जमा होने के कारण उनके लुक लीक हो गए थे, जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आए थे। अब हमें ये देखना है कि क्या टर्की में सलमान खान जाते हैं, जहाँ पे उनकी टाइगर 1 था टाइगर की शूटिंग स्टार्ट हुई थी। तो जी हाँ दोस्तों, अब हो सकता है कि फिल्म टर्की में जाके शूट की जाए, जहाँ पे 1 था टाइगर यानी कि टाइगर फ्रेंचाइजी की फर्स्ट पार्ट शूट की गई थी। सलमान खान बॉलीवुड के एक ऐसे हीरोज में से एक आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और जिनका फैन बेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब ऐसे में ब्लॉकबस्टर फिल्में लाना उनके लिए आम बात सी हो गई है, जहाँ हम ये देखते हैं कि सलमान खान हर साल एक न एक ब्लॉकबस्टर मूवी लेके ही आते हैं अपने फैंस के लिए, तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि सलमान खान के फैंस अपने उनके भाईजान के लिए किस तरीके का वेट करते हैं और कितने इंटरेस्टिंग से उनकी सारी एक्टिंग्स को देखते हैं। अब ऐसे में सलमान खान टाइगर 3 ला रहे हैं, जिसके लिए फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आपको बता दें कि रशिया में ये हो रही थी इसकी शूटिंग। अब हम देखते हैं कि पूरी टीम सलमान खान के साथ जा पहुंची है टर्की। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद वो जाने वाले हैं इस्तांबुल में। चौंका देने वाली बात तो ये होने वाली है कि इस्तांबुल में कैसे उनका फैन बेस दिख सकता है हमें, और साथ ही साथ उनके कुछ फ्रेंड्स जिनका नाम है लूलिया वो भी दिखाई पड़ सकती है। सोशल मीडिया पोस्ट के अकॉर्डिंग वो उनके फ्रेंड्स जो है वो भी हमें दिखाई पड़ने वाले हैं इस्तांबुल। लूलिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसमें वो दिखाई पड़ रही थी एक शूटिंग पे, और उन्होंने उसमें इस्तेमाल किया है हैशटैग टर्की का भी, जिससे ये साफ पता चलता है कि वो टर्की पे ही है। एक्चुअली उस वीडियो पे उनका चेहरा नहीं दिख रहा होता है और वो उस वीडियो पे एक सीढ़ियाँ चढ़ती हैं और फिर बाद में वो दिखाती हैं अपने फैंस को एक व्यू जो कि दिख रहा होता है होटल के आसपास का। और हैशटैग टर्की यूज करने के बाद फैंस ने ये तो पता लगा ही लिया कि कैसे अनुमान हो रहा है और कहाँ पे वो जा रही है। खैर, ये सब तो रही उनके फैंस की बात, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप हमारे फैन हैं। अगर हाँ तो यस लिख दीजिएगा साथ ही साथ इस वीडियो। कहाँ शूट की जा रही है आखिर टाइगर 3? क्या फितरत, क्या इमरान हाशमी हमें नहीं दिखने वाले हैं इस बार टाइगर 3 में? कैटरीना कैफ किस किस्म की ट्रेनिंग ले रही है टाइगर 3 के लिए? दिस इज दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। हालांकि हमने फिल्म टाइगर 3 के बारे में पहले ही एक वीडियो डाला हुआ है, जिसके लिए काफी अच्छे रिस्पॉन्सेस के लिए काफी थैंक यू, बट आपके लिए अब हम कुछ नई खबरें लेकर आए हैं टाइगर 3 से रिलेटेड, तो उन सभी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। टाइगर 3 जिसकी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा बज है बॉलीवुड में, वो बन ही रही है और इसकी शूटिंग का आगजम हो चुका है। तो दोस्तों आपको बता दें कि टाइगर 3 की ज़्यादातर शूटिंग लोकेशंस फॉरेन की होने वाली है, जिसमें अभी पूरी टीम रशिया गई हुई है इसकी शूटिंग के लिए। साथ ही साथ कबीर खान द्वारा डायरेक्टेड फिल्म ये टाइगर की फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उसके इतने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेस आए थे 2012 में जब इस फिल्म को बढ़ाया गया था। साथ ही साथ सलमान खान इस फिल्म में निभा रहे हैं अविनाश सिंह राठौड़ का रोल, जो कि एक रॉ के रूप में नजर आते हैं। वो कुछ मिशंस करते हुए हर साल नजर आते हैं, जिनके अपोजिट में रहती हुई इस बार दिखने वाली है हमें कैटरीना कैफ। जी हाँ दोस्तों, कैटरीना कैफ रहने वाली है सलमान खान के साथ फिल्म टाइगर 3 में।
इमरान हाशमी के वर्कआउट वीडियोस जो सोशल मीडिया पे उन्होंने डाले थे उसको देखकर सबको तो ऐसा लग ही गया था कि टाइगर 3 के एंटागोनिस्ट तो अब इमरान हाशमी होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अब आपके लिए एक बात हम और लेकर आए हैं और वो ये है कि इमरान हाशमी तो किसी और फिल्म की शूटिंग के लिए ही तैयारी कर रहे थे जिसका नाम है चेहरा, और उस फिल्म में दिखने वाले हैं उनके साथ हमें अमिताभ बच्चन यानी कि बॉलीवुड के बिग बी। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की फिल्म आ रही है चेहरा, जिसमें अमिताभ बच्चन निभाने वाले हैं एक लॉयर का रोल और साथ ही साथ हमें दिखने वाले हैं इमरान हाशमी इन द रोल ऑफ बिजनेस टाइकून। हमने पिंक के पहले या पिंक के बाद भी पहली बार ही देखने वाले हैं अमिताभ बच्चन को एक लॉयर के रूप में, और साथ ही में इसमें और भी नए एक्टर्स होने वाले हैं जैसे कि रिया चक्रवर्ती, अनु कपूर और साथ ही साथ क्रिस्टल डिसूजा। ये तीनों ही एक्टर्स एज अ सपोर्टिंग रोल्स इस फिल्म में और भी नजर आने वाले हैं। जब इमरान हाशमी से पूछा गया कि उनके वर्कआउट वीडियोस के बारे में और साथ ही साथ टाइगर 3 की शूटिंग के लिए, तो उन्होंने कहा कि उस इंटरव्यू में कि उन्हें तो टाइगर 3 की शूटिंग कर भी नहीं रहे हैं। उसको सुन के सबको काफ़ी ज़्यादा शॉक भी लगा, और ये हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ तो है ही। आखिर सबको यही लगा था कि वो टाइगर 3 में हमें नज़र आने वाले हैं एंटागोनिस्ट के रूप में। अब बात अगर कैटरीना कैफ और उनकी ट्रेनिंग की करें तो कैटरीना कैफ काफ़ी ज़्यादा तैयार हो रही हैं फिल्म टाइगर 3 के लिए, क्योंकि इस फिल्म में होने वाले हैं काफ़ी सारे एक्शन सीन्स और एक्शन सीक्वल्स, जिसको लेकर उनको काफ़ी तैयारी करनी पड़ रही है। वो अपनी रेगुलर ट्रेनर यास्मीन कराची वाला के साथ साथ साउथ कोरिया के एक नए क्रू के साथ भी ट्रेनिंग कर रही है। दोनों का ही रेजिमेंट और काफ़ी अलग अलग ट्रेनिंग होने के कारण उनकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग तो चल ही रही है, साथ ही साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि वो किस तरीके से अपनी बॉडी को फिट रख के मटेरियल आज सीखना स्टार्ट कर रही हैं। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए लेकर आते हैं एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप देख सकें हॉट एंड स्पाइसी न्यूज़ अबाउट बॉलीवुड। और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि क्या आप सभी तैयार हैं टाइगर 3 के लिए। अगर हाँ तो यस कमेंट कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूँ आपकी होस्ट पंखुरी। किसी भी फिल्म या किताब या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसकी कहानी जानने में लोगों का इंटरेस्ट उभरता हो, उसके लिए उस पिक्चर या किताब का नाम काफी ज्यादा मायने रखता है। अगर फिल्म का नाम अट्रैक्टिव ना हो या फिर अगर वो नाम ऑडियंस को पसंद ना आए तो फिर उस फिल्म को थिएटर्स में देखने जाने का इंटरेस्ट भी घटता ही रहता है। इसीलिए किसी भी मूवी के नाम को बड़े ध्यान से चुनना पड़ता है, और ऐसी ही कुछ दुविधा में है टाइगर 3 के मेकर्स। जी हाँ दोस्तों, टाइगर 3 के नाम को लेकर अभी भी फिल्म के मेकर्स कंफ्यूजन में हैं, और इस पिक्चर के नाम पर अभी भी कोई पक्की खबर नहीं आई है। सबसे पहले फिल्म के मेकर्स ने ये डिसाइड किया था कि टाइगर 3 के नाम को द फाइनल मिशन रखा जाएगा। फाइनल मिशन इसलिए क्योंकि ये पिक्चर टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी की तीसरी और आखिरी इंस्टॉलमेंट होने वाली थी, जिसके बाद टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी के और पार्ट्स नहीं बनेंगे। लेकिन ये नाम सुनने में हॉलीवुड फिल्म जैसा लग रहा है और टाइगर फिल्म सीरीज के एक भी नाम से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा। ऐसे में फिल्म के मेकर्स ने सोचा कि द फाइनल मिशन टाइगर 3 के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा, और इसीलिए नाम दूसरा सोचना पड़ेगा। फिल्म के मेकर्स ने ऑडियंस की राय लेनी चाही और उनसे पूछा गया कि फिल्म का नाम क्या होना चाहिए। तब काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये बताया कि टाइगर 3 का नाम होना चाहिए टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा। ये सुनने में थोड़ा फनी तो लग रहा है, लेकिन देखा जाए तो टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी के लिए बिल्कुल सही है। टाइगर फिल्म सीरीज में सबसे पहली फिल्म का नाम था एक था टाइगर, जिसमें हर मुश्किल का मुकाबला करने के बाद भी टाइगर को कुछ नहीं हुआ। टाइगर फिल्म सीरीज की दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम था टाइगर जिंदा है, जहां सलमान खान यानी कि टाइगर मरने की कगार पर खड़े थे लेकिन मौत के मुंह से भी बाहर निकल आए। इसीलिए फिल्म के मेकर्स ये दिखाना चाहते हैं कि टाइगर हर मुश्किल मिशन से बचकर निकल आएगा, यानी कि टाइगर कभी भी मर नहीं सकता। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा नाम बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा, लेकिन ये नाम सुनने में कुछ खास नहीं लग रहा। इसीलिए फिल्म के मेकर्स ने डिसाइड किया कि टाइगर 3 का नाम टाइगर अमर है रखा जाएगा। हालांकि फिल्म के नाम का मतलब तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये टाइटल सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, जहां टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा सुनने में काफी घिसा पिटा लग रहा है। इसीलिए फिल्म के मेकर्स ने सोचा है कि टाइगर अमर है का चक्का लिया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की